हेलो 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 एकदम स्क्रीन पर हैं क्या सभी लोगों की क्या आप सभी लोगों को मैं सुनाई दे रहा हूँ सिर्फ सुनाई ही दे रहा हूंगा दिखाई तो अभी दूंगा नहीं हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड द यूट्यूब चैनल जेई वाला एंड दिस बैच मंजिल वाला एंड दिस चैप्टर वेक्टर्स वाला यस 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 क्या मैं सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं इस एवरीथिंग इज क्लियर ऑडिबल विजिबल अगर सब है अच्छे से और आपको सारी चीजें अच्छे सुनाई दिखाई दे रही है दैट मीनस आप वेक्टर्स की तरह इंक्लाइंड है तो एक बार दिल बना के भेजो थम्सअप भेजिए ताकि मुझे पता चले कि एवरीथिंग इज गुड टू गो हम स्टार्ट कर सकते हैं वेक्टर 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 इन द चैट बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी 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 गुड 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 स्वागत 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 बहुत, बहुत स्वागत है आपका आज हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में वेक्टर्स नाम के चैप्टर की ठीक है जो कि आसान है वेक्टर थ्री दो कनेक्शन में पढ़ाए जाते हैं वेक्टर्स अभी पढ़ लीजिए थ्री एक दो दिन में आपके पास में पहुंच जाएगा

ए जी ओ जी ये सब नहीं लगाना है एस टी आर टी लिख के भेजो सीधा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक बोल रहा है सर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया बेटा सब कुछ पढ़ाएंगे घबरा क्या है रहा है सब पढ़ा देंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे है ना हाँ चलिए कैन वी स्टार्ट तो सर आज के हमारे पिटारे में क्या क्या है भाई सारी चीजें जितनी भी वैक्टर्स के बारे में हो सकती है सारी चीजें बताई जाएंगी बट फिर भी एक बार देख लो समझ में आया हां नाम जानना बड़ा अच्छा होता है सर अच्छा लगता है सारी चीजें पता चल जाए बेसिक ऑफ वैक्टर्स जैसा कि आप जानते हैं हमेशा बेसिक से शुरुआत की जाती है और फिर एसिडिक लेवल तक फिर सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री एंड फोर वेक्टर्स थ्योरम इन ए प्लेन स्पेस लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स और भी तमाम चीजें जो भी वेक्टर्स में पॉसिबल हो सकती है सब हम कर सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच स्टार्ट करें चलो वेक्टर मैंने भी उठा लिया भैया ध्यान रखना तुम भी वेक्टर उठा लीजिए प्लीज बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स की बात करूं तो एक बार बताओ वेक्टर बोलते किसको है सर हमें मैथ से भी पहले फिजिक्स में यह पता चल जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों हो जैसे फोर्स समझ में वेलोसिटी वेलोसिटी या ठीक है तो ये सब क्या है वेक्टर क्वांटिटीज है इनके पास डायरेक्शन भी होती है और इनका मैग्नीट्यूड भी होता है समझ में आया और मैथमेटिकली सर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से समझ में है? तीर ठीक है बिल्कुल सही चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे तो ये वही बाण है समझ में आएंगे नहीं समझ में आए तो दिस इज बेसिकली ए वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड हो जब भी सर आप कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसे बनाओगे तो हम समझ जाएंगे कि इसकी ये वाली जो है ये दिशा है डायरेक्शन और जो इसकी लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये वाली जो है इसका मैग्नीट्यूड है vector, बहुत बढ़िया। अब -फट वेक्टर पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे नाम है हम देख लेंगे। नल वेक्टर किसको बोलते हैं वेक्टर मतलब जिसका जीरो हो। जब ही जीरो हो गया इसको एक पॉइंट मिला के खत्म कर दोगे तो डायरेक्शन समझ में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो डायरेक्शन क्या हो नॉट डिफाइंड हो ठीक है एकदम इस तीर को छोटा कर दो नेक्स्ट इज यूनिट वैक्टर किसको बोलते हैं यूनिट वैक्टर जो है वो एक रिलेटिव टर्म है समझ में सीधा ही यूनिट वैक्टर कुछ नहीं होता किसी वैक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट लेंथ वाला जो वैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिट फॉर फॉर अगर मैं बात करूं कि ये देखो सर ये इसके अलॉन्ग एक इसकी डायरेक्शन तो वही है बट इसका जो मैग्नीट्यूड है यहां से यहां तक की जो लेंथ है दिस लेंथ इज वन यूनिट अगर ये वन यूनिट है तो इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका टोपी बना दो <laughs> सर टोपी बनाने में हम एकदम उस्ताद हैं मतलब एक किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको एक यूनिट वैक्टर मिलेगा किसी भी वैक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट वैक्टर मिलेगा एक ऐप भैया ने लिख के दिखा रखा है बहुत बढ़िया सर शाबाश अब आ जाइए अगले पे इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं सर दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो मैग्नीट्यूड सेम हो मैथ्स में बस इतनी ही बात होती है बिकॉज मैथ्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं लाते हैं बट फिर भी एज ए डेफिनेशन अगर बोला जाए तो दो वेक्टर्स उनको बराबर बोला जाता है जिनका डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें समझ में आया कि नहीं आया वरना वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर को बराबर नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं समझ में आया हाँ बट सर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात गणित में थोड़ी कम ही करते हैं क्या आपको बात समझ में आती है बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया इजी टू अंडरस्टैंड सर ये जो बात आपने हिंदी में बोली वो यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है ठीक है चलिए अब आते हैं अगली बात पर परियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स दो वेक्टर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो सर अब ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है ये आपने नया वर्ड बोल दिया मैंने कहा देख ध्यान से ऐसे एक लाइन बना उसके अलाग एक वेक्टर बनाएगा ना तो वो ये जो आपने डॉटेड लाइन बनाई थी ये इस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी तो दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या हो पैरेलल हो तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर ये है मतलब एक वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी दूसरा वेक्टर यहां बना दे तो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल है अगर आप इस वेक्टर को ए वेक्टर बोलते हो इस वेक्टर को बी वेक्टर बोलते हो तो ए और बी जो है वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे या पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे क्या आपको एकदम क्लियर है ये वाली बात यस और नो बहुत बढ़िया

बिकॉज जब लाइन ऑफ एक्शन आपकी पैरल है तो डायरेक्शन या तो ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है समझ पा रहे हो हाँ, या तो सेम या फिर अपोजिट जब सेम होगी डायरेक्शन देन वी विल से कि वेक्टर्स लाइक वेक्टर हैं जब अपोजिट होगी डायरेक्शन तो हम बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स है क्या ये बात क्लियर है हाँ ना क्या ये बात एकदम क्लियर है तो आंसर है सर अब किसको बोलते हैं जिनकी जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो डायरेक्शन सेम और अपोजिट यहां पर दोनों केसेज गए सर यहां पर सेम और अपोजिट को छोड़कर कोई भी ज्योमेट्री बने तो वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स में आते हैं जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब लाइक वेक्टर्स वाला पेयर कौन सा है मतलब जिनकी डायरेक्शन सेम किस किस की है सर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आप बोल सकते हो समझ में लाइक वेक्टर का जो पेयर है वो ए वेक्टर और सी वेक्टर सामने देख रहे हो ना ए <laughs> वेक्टर और सी वेक्टर कैसे अरे वो थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा था सर डायरेक्शन सेम बी और सी की है मैं अच्छा सॉरी तो B वेक्टर एंड C वेक्टर आप बोल सकते हो अनलाइक वेक्टर मतलब जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो एक तो A वेक्टर एंड B वेक्टर और दूसरा आप बोल सकते हो सर uh, C वेक्टर एंड A वेक्टर ये हमारे पास अनलाइक वेक्टर्स आएंगे दीज आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स क्लियर है बहुत बढ़िया समझेगी नहीं समझे आ जाइए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर बाय नॉन जीरो नंबर अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मेरी बात ध्यान सुनना आप इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं मान लो ये एक वेक्टर है इसका ये एरो हेड है ये मतलब फाइनल पॉइंट ये इनिशियल पॉइंट जिसको आप टेल बोलते हो इसको आप एरो मतलब हेड बोलते हो इस तरफ अब अगर मैं इस वेक्टर को टू से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे चैट सेक्शन में मत बताना क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है ऐसे सुन लो सिर्फ जब मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैक्टर क्या हो जाएगा सर ये वैक्टर और बड़ा हो जाएगा इसी डायरेक्शन में अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो सर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट और ये इस डायरेक्शन में दुगना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो बेसिकली अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड बदल देता है और डायरेक्शन सिर्फ दो ही तरीके से बदल सकता है समझ में डायरेक्शन मतलब एक ही तरीके से बदल सकता है और वो क्या है कि वो उसको अपोजिट कर दे जैसे मान लो कि ये एक ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ये थी तो जब मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर ये इसकी लेंथ मान लो थ्री यूनिट है तो ये हो जाएगा सर सिक्स यूनिट का वेक्टर डायरेक्शन दोनों की सेम यहां से यहां जाते वक्त आपने टू से मल्टीप्लाई किया यहां से यहां जाते वक्त सर आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया सर ये हाफ लग नहीं रहा है मैंने कहा अभी बना देते हैं एक बार सभी लोग अपनी आईज क्लोज करेंगे यस अब अब ठीक है क्या? हाँ, अब ठीक है है क्या तो दिस इज माइनस ए वेक्टर अपॉन आईज ओपन कर लो शाबाश क्योंकि कई लोग आंखें बंद करने के लिए बोलता हूं खोलनी बोलना भूल जाता हूं तो वो आंख बंद करके ही पढ़ जाते हैं पूरा चैप्टर बाद में पता चलता है कि कुछ समझ में उनको आ ही गया होगा तो दिस इज ए ए वेक्टर वेक्टर ऑफ माइनस में क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा समझे कि नहीं समझे सर एकदम क्लियर है अब मेरी बात ध्यान सुनना तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं कि जब भी मैं किसी एक वेक्टर को दूसरे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे जो वेक्टर मिलता है वो या तो उसी की डायरेक्शन में होता है या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है दैट मींस सर ये वाले जो तीनों वेक्टर्स हैं ए वेक्टर टू बी वेक्टर सॉरी टू ए वेक्टर माइनस ए वैक्टर अपॉन टू क्या मैं इन सभी को कोलिनियर वैक्टर्स बोल सकता हूं आए ना दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूंगा हेलो हेलो यस सर अगर दो वैक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनके बीच में ये वाला रिलेशन होता है ए वैक्टर इज लेमडा टाइम्स बी वैक्टर वेयर लेमडा इज ए स्केलर लेमडा क्या है जी स्केलर है स्केलर मतलब समझ गए कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट यस और नो ए बराबर लैमडा बी वैक्टर देखने और सुनने में बात ये बहुत ये मामूली सी है बट आपको आगे चलकर पता चलेगा ये बात में बहुत दम है समझ में आएंगे हाँ, इसकी जरूरतें कम है ना इसलिए इस बात में बहुत दम है आ जाओ भाई सर पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं आप ओरिजिन फिक्स है ओरिजिन मान लो यहां गई है यहां गई है अब आप किसी भी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर निकालना चाहते हो तो ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर चलना स्टार्ट करो और उस पॉइंट पर पहुंच जाओ तो ओरिजिन से जिस पॉइंट की ओर आप जाओगे वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाता है जैसा कि आपको यहां पर डी के डी है दैट इज दिखाई दे रहा है ठीक है तो ये रहा ओरिजिन ये रहा पॉइंट ए और हमने यहां से लेके यहां तक एक वैक्टर खींच दिया तो ये इसका पोजिशन वैक्टर कहलाएगा और जब भी हम पोजिशन वैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ठीक है बोलते पोजिशन वैक्टर है उसको लिखते उसके बगल में है ब्रैकेट में तो मैंने कहा यार देखना जरा एक बार ये हमारे पास ये रहा पॉइंट और ये रहा ओरिजिन ये वाला वेक्टर बताना जरा क्या होगा तो सर दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको वेक्टर लिखना है तो सर ये जो वेक्टर है देखो ये वाला एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रखे हैं थ्री वन और माइनस टू मैं आपसे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पूछना चाह रहा हूं मतलब मैं ये वाला वैक्टर ए वैक्टर पूछना चाह रहा हूं दैट इज ओ से लेके ए वाला वैक्टर जब आप ओ से लेके ए वाला वैक्टर लिखते हो तो ओ इज अवर इनिशियल पॉइंट ए इज अवर फाइनल पॉइंट सर फाइनल में से इनिशियल घटा दो दैट मीनस इसके कॉर्डिनेट में से इसके कॉर्डिनेट घटाओ और कैसे घटाने x में से x घटाओ दैट इज ये आ जाएगा थ्री आई कैप थ्री माइनस जीरो इज थ्री वन में से जीरो गया सो दैट इज वन तो ये आ जाएगा j कैप माइनस टू में से जीरो गया तो सर ये आ जाएगा माइनस टू के कैप अब कई कई बार शॉर्ट फॉर्म में मैं इस वेक्टर को ऐसे भी लिख दूंगा दैट इज थ्री वन माइनस टू क्या ये बात क्लियर है है हाँ ना

गजब वापस आईज क्लोज मूवमेंट ठीक है वापस आईज ओपन करो सर ये वाला जो वेक्टर है ना ये पूरा बी वेक्टर है तो बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर ठीक है इसके बगल में ये लिख दीजिए तो यहां से यहां यहां से यहां अब मुझे ए से बी की ओर जाने वाला वैक्टर लिखना है ए से बी की ओर जाने वाला वैक्टर लिखना है तो सर ए से बी की ओर जाने वाला वैक्टर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज बी वेक्टर वेक्टर माइनस ए क्या ये बात क्लियर है फाइनल माइनस इनिशियल जो फाइनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटा दो सर हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और ये बात आई कहां से सर ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से आई है किससे आई है बेटा लॉ ऑफ एडिशन अभी जानते हैं ठीक है बट हां ये करना होता है क्लियर है अब यहां आ जाओ सर दो पॉइंट दे रखे अब की बार ओरिजिन का कोई लेना देना नहीं है ए से बी की ओर जाने वाला वेक्टर लिखना है हमें दिस इज ए से बी की ओर जाने वाला वेक्टर दैट इज ए बी वेक्टर तो बी में से घटाओ तो इसके कोऑर्डिनेट में से अगर मैं टू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यह आ जाएगा माइनस क्लियर है सर में से चार घटाओगे तो सर यह आ जाएगा प्लस और तीन में से घटाओगे, तो यह आ जाएगा -3। तो सर, ये वाला जो है, इसको आई कैप का बना दो, ये वाला जो है, इसको जे कैप का और ये वाला जो है इसको के कैप का। तो बेसिकली हमारे पास ए बी वैक्टर आ गया माइनस थ्री थ्री माइनस थ्री क्लियर है ये बात एकदम वाओ आसान है छोटी-छोटी बातें समझ में आ छोटी-छोटी बातें बट ये बड़ी होकर बहुत काम आएगी ध्यान रखना आ जाइए अगला छोटी-छोटी बातें वेक्टर इन टर्म्स ऑफ और्थ ऑर्थोगोनल ट्राइड सर ये ऑर्थोगोनल ट्राइड किसको बोलते हैं मैं कह अभी देख अभी बता देते हैं इसमें क्या बड़ी बात है ऑर्थोगोनल ट्राइड का मतलब है कि आई कैप जे कैप और के कैप यस और नो इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्राइड एक तो ये तीनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं मतलब नब्बे डिग्री एंगल बनाते हैं और जितने भी वेक्टर्स आप लिखते वो सारे -सारे इन तीन के में लिखे जाते हैं क्या आपको लिखा जाएगा जिसको आप ओ से पी की तरफ जाने वाला वैक्टर दैट इज ओ पी वैक्टर तो यह आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इसकी अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो ये वैक्टर बना कैसे होगा ये ऐसे बना था ध्यान सुनना पुराने टाइम की कहानी बता रहा हूं बहुत पुराना सर आप इतने पुराने हो क्या अरे मैंने कहा मैं तो नहीं हूं बट कहानियां तो चलती हैं ये आई कैप है ये जे कैप है और ये के कैप है सुनता तो जाना अब अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दू एक्स इज ए नंबर स्केलर क्वांटिटी तो मैंने इसी वेक्टर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला वैक्टर मेरे पास आ गया एक्स आई कैप और यह पॉइंट हो जाएगा एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो फिर मैंने क्या किया इसको जेड से मल्टीप्लाई कर दिया ये हमारे पास स्केलर है जेड एक और इसको के कैप से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला वेक्टर आ गया अब आप मुझे ये बताओ कि ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा ध्यान सुनना मेरी बात यहां से लेके यहां तक तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स जेड प्लेन में एक पैरलोग्राम बन रहा है एक जेड एक्सिस है एक एक्स एक्सिस है और कुछ पैरलोग्राम टाइप का बन रहा है तो मुझे ये बताओ ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस जेड केक कैप ये ठीक है हा है ना ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगा रहा हूं बिना पढ़ाए थोड़ा बहुत संभाल लेना भाई अब सर एक बात बताओ <coughs> मैंने कहा पूछो बोले सर अगर इसमें हम y से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो सर ये वाला जो पूरा वेक्टर है ना ये वाला इसी डायरेक्शन में पूरा वेक्टर आ जाएगा y j कैप और आपको पता है ये वाली बात क्या कि आप एक वेक्टर को उठाकर कहीं भी ले जा सकते हो और उसका मैग्नीट्यूड ऐसे बढ़ा सकते हो तो ये वाला वेक्टर यहां लिख देता हूं ठीक है ये हमारे पास वाई जे कैप है तो हमने क्या किया इस वेक्टर को उठाकर यहां रख दिया ठीक है

ये नहीं बोल रहा हूं हाँ, अच्छा बनने के लिए फास्ट नहीं होगा अभी कहां की है बेटा अभी तो विमान जो है वो रनवे पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अभी तो इंजन भी चालू नहीं किए तू कह रहा है फास्ट हो रहा है कुर्सी की पेटी हाँ सारी पेटियां बांध लेना बेटा वरना गड़बड़ हो जाएगी आ जाइए और बोले फास्ट हो रहा है भाई साहब गजब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं दो वेक्टर्स को आप ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से कैसे जोड़ सकते हो तो ध्यान रखिएगा मेरी बात अरेंजमेंट होनी चाहिए ये वाली सर ये वाली कौन सी अरेंजमेंट होती है मैंने कहा देख ले लिखा हुआ है एक का सर दूसरे की पूछ के ऊपर बैठा हो समझ में हाँ दिस इज एवेटार सिचुएशन नहीं अपोजिट टू एवेटार एवेटार में क्या हो रहा था <coughs> पूछ से पूंछ मिलाने पर कनेक्शन फिट हो जा रहा था यहां पर कुछ और प्रोग्राम है यहां पर सर एक का सर दूसरे की पूंछ से मिलना चाहिए तब जाकर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ओपन पूंछ से लेके ओपन सर की तरफ ये खाली पूंछ थी और ये खाली सर यहां से लेके यहां तक आप चले जाओ दिस इज ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर और आप इसी अरेंजमेंट में इंक्लाइंट जितने भी वैक्टर्स हैं उनको जोड़ सकते हैं समझे नहीं समझे आप इसी वैक्ट अरेंजमेंट में आप इसी वेक्टर में मतलब इसी अरेंजमेंट में बहुत सारे वेक्टर्स जोड़ सकते हो जैसे इसका सर इसकी पूंछ इसका सर इसकी पूंछ मतलब सी वेक्टर की पूंछ और इसका सर ऐसे करके ये ऐसे जुड़े हुए हैं तो मैं पूछूं सबका रिजल्टेंट क्या आएगा बोले सर ओपन पूंछ से लेके ओपन सर की तरफ एक वेक्टर बनाओ तो, तो दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर और जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा ए वैक्टर प्लस जितने भी आ रहे हैं सबको जोड़ दे क्लियर है ये वाली चीज तो मतलब जितने इसमें फिट बैठे हैं अरेजमेंट में उन सबको जोड़ दीजिए प्लीज क्लियर क्या लिख रहे हो भाई बहुत बढ़िया शाबाश ठीक है आ जाइए अब सर पैलेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी बता दो क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम जान गए हैं मैंने कहा पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देख ले उसकी जो अरेंजमेंट थी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की उसमें क्या होता है एक वेक्टर का सर और दूसरे की पूंछ ओवरलैप करनी चाहिए तो ऐसा करने के बाद में एक पूंछ वाला टेल मतलब दैट इज टेल वाली चीज ओपन रहेगी और एक हेड वाली चीज ओपन रहेगी तो टेल से हेड की ओर वेक्टर हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा

लॉ ऑफ एडिशन ही है कैसे सर क्योंकि आप इस वेक्टर को यहां ले जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी गणित में जितने भी वेक्टर्स हम यूज करते हैं उनको हम मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड समझ में आया उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए आप उसको एक पोजिशन से दूसरी ओर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लियर है ठीक है बिल्कुल सही तो ये वाला वैक्टर ऐसे आ गया समझे कि नहीं समझे चलिए जी अब इसका मैं आपको एक स्पेशल रिजल्ट बताता हूं और वो स्पेशल रिजल्ट इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जब आप कोई पैरलोग्राम ड्रॉ करते हो तो ध्यान सुनना पैरेलोग्राम में खास बात यह होती है कि उसकी जो डायगेल होती है ना बेटा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है ये 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 वाली वाली एक दूसरी ये अगर पॉइंट ओ पर मीट कर रही है, तो अगर मान लो मैं बोलता हूं कि ए बी सी डी तो पैरेलोग्राम में आप लोग ये सब लोग बात जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरल बट द बेसिक एंड द मेन प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज कि भाई साहब ए और सी का मिड पॉइंट ओ है और बी और डी का मिड पॉइंट है तो इस सिचुएशन को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज अदर अब इसी से ही स्पेशल रिजल्ट हमने ड्राइव किया जो कि कि बहुत जगह यूज होता है इज अगर ये ये है B ये, अगर मैं दोनों को जोड़ देता तो ये वाला एक वैक्टर आता अगर मैं दोनों को जोड़ देता तो ये पूरा एक वैक्टर आता अब मुझे जो है ना वो वेक्टर ये वाला चाहिए बस इतना ये लाल वाला वेक्टर जो इसके नीचे दिखाई दे रहा है तो सर ये पूरा वेक्टर अगर मान लो एक्स वेक्टर है तो इस आधे पॉइंट तक आप हाँ पहुंचे हो अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा है तो मुझे बताइए कि ये पूरा वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो ये इतना वेक्टर क्या हो जाएगा आधा सिर्फ मैग्नीट्यूड आधा किया है तो सर अगर मैग्नीट्यूड आधा किया है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन टू और नो बहुत बढ़िया शाबाश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन टू आधा हो गया उसका अब इसको हम यूज कैसे करते हैं मेरी बात ध्यान सुनना <coughs> कभी भी किसी एक पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहे हो जैसे मान लो ये वाला अल्फा वेक्टर ये वाला बीटा वेक्टर अब आप इन दोनों के एरो हेड को जॉइन करो ये एक लाइन आएगी इस लाइन का मिड पॉइंट लोकेट कर लो मिड पॉइंट का मतलब है कि ये और ये बराबर और यहां से यहां की ओर ले जाओ तो ये जो वेक्टर है ये बेसिकली दोनों का एडिशन बटे दो दैट मींस डिवाइडेड बाय टू तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ना मिड पॉइंट लग रहा है क्या ये वाला और ये वाला तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज मिड पॉइंट तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज अल्फा वैक्टर प्लस बीटा वैक्टर अपॉन टू क्लियर है ये वाली चीज क्लियर है ये वाली बात बोलो जल्दी से इज दिस क्लियर हा ना ये है क्या बस हाँ इसी का ही स्पेशल रिजल्ट है मतलब पूरी डायगेनल ना लिखकर आधे पे रुक गए अच्छा मुझे एक और बात, बात बताओ कि ये वाली डायगनल कौन सी हो जाएगी सर इसको हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से संभाल लेते हैं मैंने पूछा कैसे बोले सर ये बी वैक्टर है तो इसकी डायरेक्शन अगर पलटनी है तो इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो अब जरा देखना ये वाला हो जाएगा माइनस बी वैक्टर और ये वाला तो ए वैक्टर ही है तो ये वाला वेक्टर ओपन पूछ से लेके ओपन सर की ओर जाने वाला वेक्टर इसका और इसका एडिशन होगा दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो ये वाला जो वेक्टर है दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है बेटा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को अपने हिसाब से चेंज मत कीजिएगा समझेगी नहीं समझे अरेंजमेंट को अपने हिसाब से मत चेंज कीजिएगा ठीक है जो उसने बोली है कि ये बेसिक अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए तो वैसा पहले कर लेना उसके बाद में आप रूल लगाइएगा प्लीज क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शाबाश आ जाओ एक सवाल सॉल्व करते हैं जल्दी से हाँ बढ़िया 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 जल्दी से एक सवाल सॉल्व करते हैं आप सभी लोगों ने आई बिलीव अपनी रफ कॉपी अपने पास रखी हुई है और पैनल में उसमें कलम चला रहे हैं चीजें आपको जो है वो नोट्स मिल जाएंगे यहां से जो आप बनाओगे वो डायरेक्टली शॉर्ट नोट होने चाहिए पूरे लेक्चर के नोट्स बनाने बैठोगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा समझा क्या क्या हो गया सर टाइम लग जाएगा बहुत ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं सीधा शॉर्ट नोट काम काम की बातें लिख लो जो फॉर्मूले सामने आएंगे वो लिख लीजिए बस क्लियर है सर प्लीज कंप्लीट दिस सेशन इन थ्री आवर्स हाँ बेटा पहले मैं टू आवर्स कंप्लीट कर लू आफ्टर दैट आई विल कंप्लीट दिस सेशन इन आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू से ठीक है इतने बड़े बड़े मैसेज उसमें आग दिल पता नहीं चिल्लाने वाली स्माइली क्या क्या भेज रहे पता नोटेड yes, बाकी लोग यहां जाइए हा है ना अबे तुम शुरू होने से पहले ही पूछने लग जाते हो यार कि कब खत्म करोगे? थैंक यू स्लाइड इधर ही है। बस ऐसे ऊपर स्लाइड करो तुरंत पहुंच सकते हैं बताओ गजब देखो ध्यान से क्या है सर? ए बी सी डी ई एफ सर व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल इसका मतलब यह है सारी साइड की लेंथ जो है वो बराबर है चलो शुरू हो जाते हैं ठीक है अब वो बोल रहा है ए बी वैक्टर जो जो वैक्टर वो बोलता जा रहा है ए बी वैक्टर मतलब ए से बी वाला फिर सर ए सी वैक्टर ए से सी की तरफ फिर वो बोल रहा है सर 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 ए ए ए ए ए डी डी से से की की तरफ तरफ फिर फिर वो वो बोल बोल रहा रहा है है ई ई अरे वाह वाह एफ देख रहे हो कैसे उसने रेनबो टाइप सिचुएशन बना दी वो बोल रहा है इन सब का एडिशन ए डी वैक्टर के टर्म्स में आएगा मतलब इसके टर्म्स में हमें जवाब निकालना है ओके क्रिस्टल क्लियर दो <us> जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है देखो एकदम फिट बैठ रहा है अगर ये आपका ए एफ वैक्टर है तो ये वाला भी एफ वैक्टर है सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप मैंने कहा खुद सोच मैथमेटिकली इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैंने बदला नहीं यहां पर ये वेक्टर AF था इसको उठा के यहां ले गया तो अभी भी तो ए एक्टर है बोले अच्छा सर अच्छा ये वाला वैक्टर कौन सा है सर ये वाला वैक्टर है एसी अच्छा वैक्टर ये वैक्टर कौन सा है एडी अच्छा वैक्टर अच्छा तो ध्यान सुनना ये वाला वैक्टर है सर हमारे पास ए सी वैक्टर फिर सर ये वाला वैक्टर है ए एफ वैक्टर और सर ये वाला जो वेक्टर है यह एडी वैक्टर क्या ये ज्योमेट्री ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करती है तो आंसर इज यस एक का सर और दूसरे की पूंछ ओवरलैप कर रही है तो आप बोल सकते हैं कि ए सी वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर बराबर एडी वैक्टर तो चलिए सर हमें ये तो समझ में आ गया सर ए सी प्लस ए एफ तो इनका जो एडिशन आएगा वो एडी वैक्टर आएगा सिमिलर सिचुएशन एकदम सेम चीज आपको सोचनी है और सवाल खत्म वो ये है कि अगर मैं ओ भाई इसको यहां ले जाऊं सुनना यहां से लेके आया था इसको और यहां ले गया तो मैंने पूछा वेक्टर, था। बिना बिना मैं यहां पर एक वेक्टर लिख रहा हूं तो एक्टर -E तो एक दिखाई दे रहा होगा आपको ध्यान सुनना e और एक्टर -E फिर सर ए से डी e से की और डी e वैक्टर लिखना चाहिए अरे मैंने कहा अब सर ये वाला जो वैक्टर है ए से डी की और दिस इज ए डी वैक्टर काम खत्म क्या ये ज्योमेट्री फिर से ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करती है तो हाँ सर ये देखो इसका सर और इसकी पूंछ मिल रही है तो सर हमारा जवाब हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस ए ई e वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर कितने लोग एग्री करते हैं तो सर एक काम करो इसको तो ऐसे ही रहने दो ए बी और ए ई e का एडिशन ए डी आ रहा है इन दोनों का एडिशन ए डी आ रहा है और ये तो खुद ही ए डी है सर तो पूरे का जवाब पूरा हमारा जोर नहीं लगा जवाब आ गया सर दिस इज थ्री एडी वैक्टर ऑप्शन सी इज करेक्ट कितने लोगों को समझ में आई बात कि C जो है वो सही जवाब है दो हजार तेरह में पूछा गया था फिर पहले आईडी जेई स्क्रीनिंग में 2003 में आया था फिर जेई मेंस 2013 वालों ने ये सवाल पूछ लिया आ जाइए फटाफट बताएंगे जल्दी से जल्दी से बताएंगे प्लीज सर दो वेक्टर दे रखे हैं हमें और ट्राइंगल बना रहा है भाई साहब ट्राइंगल व्राइंगल सब पता रहने चाहिए ध्यान रखना कैसे बनते हैं सर ट्राइंगल हमने बहुत बनाए मैंने कहा अच्छा हाँ मैंने कहा ठीक है चलिए अब ये बताओ तो, ए से बी की ओर अबे इसका साइन कहां चला गया ओ भाई ये हाँ वेक्टर है ध्यान रखना तो ए से बी की ओर जाने वाला वेक्टर जो है दिस इज अपना थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप फोर के कैप सॉरी और ए से बी की ओर जाने वाला जो वेक्टर है हां देख लेना ये पॉइंट बी ले लो ए से वाला 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 वेक्टर ये है, A से C वाला वेक्टर ये ये है है से दैट इज कैप 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 जल्दी से जवाब बता दो भैया मैं थोड़ा ये डेकोरेटिव टाइम इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आप जवाब देकर चैट सेक्शन को भर दो सर ये मीडियन क्या होती है मैंने कहा मीडियन सामने वाली साइड अगर आप इस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करना चाह रहे हो तो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट लोकेट कीजिए और उसको इससे ज्वाइन कर दीजिए तो ये जो है ये ए एम है तो मैंने कहा चलो ठीक है ए एम वैक्टर क्या हो जाएगा सर ए एम वैक्टर हो जाएगा अब वही पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का स्पेशल यूज दो वैक्टर ये रहे इन दोनों के एरो को हमने ज्वाइन किया मतलब एरो हेड जो है उनको ज्वाइन किया और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से यहां से निकलता हुआ वैक्टर क्या होगा इन दोनों का एडिशन दैट इज थ्री आई कैप प्लस फोर के कैप और ये वाला वैक्टर फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप इन दोनों का 2. Sir, ये तो पास ए एम वैक्टर पूछ रहा है अलॉन्ग वैक्टर बोल सकते हो तो सर so, अगर वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हम जानते हैं आठ बटे दो सर दिस इज फोर आई कैप माइनस जे कैप यहां जे कैप है नहीं टू से डिवाइड करोगे तो सर ये जे कैप ही हो जाएगा माइनस टू जे कैप डिवाइडेड बाई टू सर ये आ जाएगा फोर के कैप सर ये हो गया हमारे पास ए एम वैक्टर जरा बताना ना वट इज मैगनीटूड एम वैक्टर सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम हो जाएगा सोलह सोलह बत्तीस और एक तेतीस रूट थर्टी थ्री ऑप्शन सी इज करेक्ट भाई साहब गजब कर दिया तुमने हा है ना रूट थर्टी थ्री इज द करेक्ट आंसर यस और नो रूट थर्टी थ्री बाई टू का है बोल रहा है बेटा टू तो समा गया इसके अंदर दोनों को जोड़ ना? भोलू? जोड़ बेटा दोनों को कैसे काम चलेगा ऐसे रूट थर्टी थ्री क्लियर है ये वाली आ जाइए इसी सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे बट उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट इज वेक्टर अलोंग एंगल बाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है लो सामने देखना जब आप दो वैक्टर्स को जोड़ते हो ये वाला हमारा ए वैक्टर और ये वाला हमारा बी वैक्टर तो सर ये जो वेक्टर आता है ना दोनों को जोड़ने पर दोनों को जोड़ने पर यह वाला जो वेक्टर आता है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यह इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता मतलब यह एंगल अगर अल्फा है और अगर यह एंगल बीटा है तो अल्फा इज नॉट इक्वे टू तो बीटा इन जनरल कैसा इन जनरल बट अगर आपको चाहिए कि एक ऐसा वेक्टर आप बनाएं आपको चाहिए कि आप एक ऐसा वेक्टर ढूंढ रहे हैं जो दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करे मतलब इस एंगल को बराबर भागों में बांट दें तो सिंपल सा लॉजिक है दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ने से पहले सेम कर लो या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करके जोड़ दो आपके पास दो अलग अलग वैक्टर है तो सर दोनों का यूनिट बना दो मैंने कहा बहुत बढ़िया तो मैंने क्या किया इसके अलॉन्ग मैंने लिख लिया बी कैप ध्यान सुनना दिस इज बी कैप तो इसका मैग्नीट्यूड वन हो गया डायरेक्शन वही रही इसके अलॉन्ग मैंने लिख लिया ए कैप सर मैग्नीट्यूड हो गया डायरेक्शन वही रही अब अगर मैं ए कैप और बी कैप को जोड़ता हूं ध्यान सुनना तो ये वाला जो वेक्टर हमारे पास आएगा दिस इज ए कैप प्लस बी कैप ए कैप प्लस बी कैप हा है ना सर ये जो वेक्टर है ना ये इस एंगल और इस एंगल को बाइसेकट करता है तो दिस इज अवर वी वन वैक्टर विच द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या ये बात क्लियर है बोलो 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 वेक्टर जो है वो क्या रहा है दोनों के मतलब लॉजिक ये है कि दोनों के यूनिट वेक्टर बनाओ और उनको फिर जोड़ दो सर इसमें आप देखना जरा जब आप दो वेक्टर्स बनाते हो तो वैसे तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये वाला ही होता है ठीक है बट कई कई बार सर अगर हम इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी पाए माइनस थीटा हो जाएगा इसको तो आपने चलो बाइफर्केट या दो बराबर भागों में बांटने वाला वैक्टर बता दिया सर इस तरफ वाला वैक्टर बता दो मैंने कहा यार देख ये वाला वैक्टर अगर ए था तो इस तरफ वाला वैक्टर क्या हो जाएगा माइनस ए तो अगर आपको दूसरे वाला वैक्टर चाहिए तो किसी भी एक की डायरेक्शन पलट दो तो दूसरा वेक्टर जो है दैट इज ए कैप माइनस बी कैप बोल दो या फिर बी कैप माइनस ए कैप बोल दो बिकॉज लॉजिकली स्पीकिंग अगर वो आपसे सिर्फ ये बोले कि वी नीड ए वेक्टर विच बाइसेक्स द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स तो वो सिर्फ वही जवाब आएगा वो सिर्फ वही जवाब आएगा समझ में आएंगे नहीं समझ में आएगा वरना सर ऐसे तो चार वेक्टर्स हो सकते हैं एक, एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ और एक इस तरफ

कि एंगल ए को बाइसेट करने वाला वेक्टर कौन सा होगा ये जो आपने बताया ये तो सामने वाली साइड को बाइसेकट करने वाला वेक्टर है एंगल ए को बाइसेकट करने वाला वेक्टर बताइए प्लीज जल्दी से बताओ कैसे सॉल्व करोगे उसमें एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर कैसे निकालोगे ये बताओ तो सर अगेन ज्योमेट्री बना लीजिए हा है ना तो ये रहा ए ये रहा बी और ये रहा सी अगर आपको एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर चाहिए तो ए बी का यूनिट वेक्टर बना दो मैंने कहा किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं बोले सर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और इसका मैग्नीट्यूड अब की बार पांच है सोलह प्लस नौ प्लस जीरो का रूट सोलह नौ पच्चीस का रूट पांच सर सिमिलरली आप ये वाला वेक्टर बना दो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा सर ये हो जाएगा ये वाला है ए बी कैप और ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा ए सी कैप तो इस वेक्टर को आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो दैट इज फाइव कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप किससे डिवाइड करना है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 25 4 उनतीस उनतीस 29 मतलब 16 हाँ रूट फोर्टी फाइव वाह सही है ना तो रूट फोर्टी से इसको डिवाइड कर दिया समझ में आया अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ता हूं तो मुझे ये वाला एक वेक्टर मिलेगा दैट इज ए कैप प्लस सॉरी इन दोनों का एडिशन तो दैट इज कैप प्लस एसी कैप क्या ये बात समझ में आती है अब सवाल में सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट किया और आधे धेर अब तक तो मैंने ये पूछा था कि एक एंगल को बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर बताओ, तो आपने बोल दिया ए बी कैप प्लस बी की बी ए बी कैप प्लस ए सी कैप अब मैंने सवाल थोड़ा और बदल दिया फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंगल ए के बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बताइए तो आपको शायद यह पता होगा कि जब आप दो यूनिट वेक्टर्स को जोड़ते हो तो जो जवाब आए वो यूनिट वेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल एक आई कैप और एक जे कैप दोनों यूनिट वेक्टर होते हैं सर अगर दोनों को जोड़ दें तो ये जो वेक्टर आता है इसका मैग्नीट्यूड रूट टू होता है समझ में तो अब की बार मैं क्या पूछ रहा हूं कि वो बोल रहा है कि इस एंगल बाय के अलोंग मुझे यूनिट वैक्टर चाहिए दैट मीन सर आप एक काम करो ये वाला वैक्टर निकाल लोगे वी वैक्टर हाँ सर दैट मीन्स अगर वो यूनिट वैक्टर चाह रहा है तो वो वी का कैप चाह रहा है और वो कैसे बनेगा पहले ये वेक्टर बनाओ फिर वो जो वेक्टर आएगा आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में उसका आप मैग्नीट्यूड निकालो और इसको फिर डिवाइड कर दो क्लियर है हा ए कैप प्लस मतलब इन दोनों का इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको बनाना है तो अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है दो यूनिट वेक्टर्स को जोड़ने पर यूनिट वेक्टर नहीं आता है ठीक है अभी दिखाई दे आई कैप प्लस जे कैप यहां सिंपल सा है क्लियर हाँ तो वी कैप क्या हो जाएगा सर वी कैप हो जाएगा ए कैप प्लस आ, मतलब ab कैप प्लस ac कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ab कैप प्लस ac कैप बस इतना अब पूरा बनाना नहीं है बस इतना ही बहुत है चलिए जी अब हम आते हैं एक छोटी सी बात पर दैट इज सेक्शन फॉर्मूला समझ में आया दैट इज आयाशन फॉर्मूला आपको दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं सुनते जाना आराम आराम से बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है जब मैं बोलता हूं कि पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसका मतलब सर अगर आप वो पूरा वेक्टर बी देखना चाहते हो तो जहां कहीं पे भी ओरिजिन है ओरिजिन से इसको कनेक्ट करिए ये जो वेक्टर आएगा दिस इज बी वेक्टर ये जो वेक्टर आएगा दिस इज ए वेक्टर

हाँ, तो वो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा इस दिस क्लियर छोटी छोटी बातें हैं समझ में आनी चाहिए बहुत बढ़िया शाबाश ठीक है चलिए अब आते हम कोसाइन फॉर्मूला पर ये वाली जो चीज है बेसिकली दिस बिलोंग्स टू द चैप्टर सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल नाम के चैप्टर से बिलोंग करती है बट सर जब हम ज्योमेट्री को देखते हैं तो ज्योमेट्री में इसका मतलब ट्राइंगल जहां पर भी बनेगा इसका बहुत बेहतरीन और बहुत जबरदस्त प्रयोग हो सकता है तो ऐसा पाया गया है कि वेक्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन में से ज्योमेट्री लगती है और वहां पर ट्राइंगल बन रहा होता है तो आपको कोसाइन फार्मूला लगाना आना चाहिए बेसिकली ये कोसाइन फार्मूला तब लगाया जाता है वेन ऑल द साइड्स आर नॉन हमें चारों साइड सॉरी तीनों साइड्स पता हो ट्राइंगल की और हमें एंगल निकालने के लिए बोल दिया जाए जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस एंगल अगर मैं इसको बोलता हूं एंगल पी तो व्हाट इज कॉस ऑफ पी तो पता ये क्या बोलता है कोसाइन कि ये जो वेक्टर सामने देख रहे हो ना सभी लोग ये जो एंगल है सामने देख रहे हो हाँ। क्योंकि ये बिकॉज इसका यूज पता है होगा आगे चलकर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाऊंगा ठीक है हा है ना क्लियर है ये वाली बात चलिए जी सामने देखना तो सर ये वाला जो एंगल है ये इन दो साइड्स के बीच में बन रहा है तो जिन दो साइड्स के बीच में ये बन रहा है उनके स्क्वायर्स का सम आप ऐसे लिख दो माइनस एंगल पी के सामने वाली साइड का स्क्वायर आप घटा दीजिए होल डिवाइडेड बाय टू टाइम्स टू एक्स्ट्रा आता है ध्यान रखना इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट दैट इज थ्री इन टू फाइव सर दिस इज नथिंग बट ये आ गया हमारे पास कॉस्ट पी ठीक है सिमिलरली एक बार और लगा के दिखाता हूं शायद आप सीख जाए मैंने पूछा फटाफट बता दे भाई कॉस क्यू क्या होगा तो सर ये जो एंगल क्यू है ये सेवन और फाइव के बीच में बन रहा है और सामने वाली साइड इसकी थ्री है तो सेवन और फाइव का तो स्क्वायर जो सामने वाली साइड होती है उसका स्क्वायर घटा दीजिए होल डिवाइडेड बाय टू इन टू जिन दोनों साइड्स के बीच में ये बन रहा है जिनका आपने स्क्वायर ऊपर जोड़ा है उन्हीं का ही मल्टीप्लीकेशन नीचे क्लियर ये क्या है बीच में रितिक रोशन कहां से आ गया ऋतिक <laughs> भैया भी पढ़ाई कर रहे हैं क्या वाह वट इज कॉस आर जल्दी से बोलते भाई सर कॉस आर क्या हो जाएगा <coughs> वापिस ये इन दोनों साइड के बीच में बन रहा है

चलिए अब मैं चलता हूं और आगे थोड़ा सा आसान सा ही टॉपिक है इसको मैं अभी यूज करूंगा ध्यान रखना एकदम आपको कोसाइन फॉर्मूला लगाना आ गया बोले सर बहुत अच्छे से आ गया अब एक छोटी सी चीज देखिए दैट इज एंगल बिटवीन टू दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है आप पूरी इंग्लिश में ये वाली बात लिखो या मैथमेटिकली ये लिख दो एक ही बात है सर ये कैप का साइन लगता है इसके ऊपर था अरे मैंने कहा नहीं दो वेक्टर्स के बीच में ऐसे ये कैप वाला साइन लगा दे जिसको हम किंक बोलते हैं तो सर ये मतलब वो पूछ रहा है कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन प्लीज दिस को आप याद रखें ठीक है हाँ तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका वो है ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम ए वैक्टर और बी वैक्टर के बीच का एंगल लिखते हैं तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए तभी आप एंगल बताओगे अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी नहीं, नहीं नहीं देखना सही जवाब नहीं बताना इनिशियल पॉइंट सेम कर लो फिर आप एंगल बताओ और सर ये जो एंगल की रेंज होती है ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का जो रेंज होती है वो रेंज होती है सर जीरो से लेके पाए जीरो से लेके पाए मतलब सर बस आपके पास वेक्टर अगर ऐसे हैं तो आप ये वाला एंगल नहीं बताओगे बिकॉज ये पाए से बड़ा हो गया आप ये वाला एंगल बताओगे समझे कि नहीं समझे इनिशियल पॉइंट सेम बनाने के बाद में तो सर ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वारंट के एंगल ही हम यूज करते हैं बस ठीक है अब जैसे मैंने आपको दो वैक्टर दिए हैं मुझे फटाफट बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है क्योंकि अब आप इस बात को समझिए ये वाली बात हमें कहां पर सवाल में अटका सकती है मैंने कहा यह वाली बात वहां अटका सकती है जहां पर कोई भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वाली चीज जैसे डॉट प्रोडक्ट मैं आपको निकालने के लिए बोलूं तो मैं जैसे मान लो इसका मॉडुलस दे दू तीन इसका मॉडुलस दे दू सात मैं पूछूंगी वट इज डॉट ऑफ ए एंड बी वैक्टर तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कुछ लोग इसको कॉस वन डिग्री ले लेंगे जो लोग कॉस वन थर्टी फाइव डिग्री लेंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि आपने ए और बी वैक्टर के बीच का एंगल ढंग से देखा नहीं उसने बोला है कि पहले इनिशियल पॉइंट सेम बना लो तो सर ये वाला जो वैक्टर है इसको हम उठाकर आगे ले आएंगे जब हम इसको आगे ले आएंगे तो अब ये B वेक्टर ये A वेक्टर अब इनका बन गया इनिशियल पॉइंट सेम अब आप इनके बीच का वेक्टर बताइए तो सॉरी इनके बीच का एंगल बताओ तो सर ये पूरा एंगल 180 ये 135 डिग्री तो ये हो जाएगा सर 45 डिग्री तो वट इज एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर दैट इज फाइव बाई फोर या फिर आप बोल बोल सकते हो फोर्टी फाइव डिग्री ये बात ध्यान रखिएगा दिस इज बहुत छोटी सी बात है बट सवालों में बहुत जोरदार तरीके से लगती है जी आ जाइए अब जिस चीज का आपको इंतजार था उस पर आते हैं यस अब जो है वो हमारा विमान टेक ऑफ करेगा कर चुका है मतलब ठीक है हाँ देखिए ध्यान से वट इज डॉट प्रोडक्ट हमारे पास मेजरली दो टाइप के प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं वन इज डॉट प्रोडक्ट अनदर इज क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि दो वेक्टर्स का डॉट लिया जाए तो एक स्केलर जवाब आता है ठीक है और मतलब क्या है सर थीटा थीटा वेयर इज द एंगल बिटवीन टू इसको हम प्यार से स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं कारण क्या है सर इतना प्यार बिखेरने का इस पर मैंने कहा बहुत सिंपल सा कारण है क्योंकि जो जवाब आ रहा है दिस इज प्योरली ए स्केलर इसमें कहीं पे वेक्टर नहीं दिखाई दे रहा तो दो वेक्टर्स के बीच में या तो डॉट होता है या क्रॉस होता है बस एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है दो स्केलर के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है एक स्केलर और एक वैक्टर के बीच में ना ही डॉट लगा सकते ना ही क्रॉस लगा सकते समझे कि नहीं समझे क्लियर है यस और नो सर एकदम क्लियर तो मैंने कहा ये देख लिया सारी बातें वही लिखी हुई है फटाफट यहां आते हैं अगर आपको पता चले कि ए डॉट बी पॉजिटिव है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया सर ये देखो ये मॉड्यूलस है मॉड्यूलस तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है तो मतलब आप ए डॉट बी को पॉजिटिव बोल रहे हो मतलब आप कॉस थीटा को पॉजिटिव बोल रहे हो मैंने कहा बिल्कुल सही इफ यू नो कि ए डॉट बी जो है वो पॉजिटिव है इसका मतलब सर उनके बीच का जो एंगल है वो क्यूट <laughs> एंगल है ए क्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा अगर ए डॉट बी नेगेटिव आए तो इसका मतलब सर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है आपने बोला था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यूज करते हैं ये नेगेटिव आ रहे हैं भैया इसका मतलब वो एंगल कौन से क्वार्टन से होगा से का मतलब सर नब्बे डिग्री से बड़ा एंगल सर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए मानो या ना मानो ठीक है हा सीरीज आती थी बचपन में एक हम तो बोलते थे यही नहीं मानेंगे बट यहां मान लेना अगर आपको कभी भी इस पूरे चैप्टर में आपको बोला जाए परपेंडिकुलर 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 ये नाम ये शब्द अपनी आंखों में अपनी कानों में बसा लीजिए क्योंकि पर पर भी वेक्टर्स की बात होगी हम डॉट को जीरो करेंगे कैप, कैप, कैप मल्टीप्लीकेशन तो जे कैप के कोफिशन का कैप के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन के के और जोड़ दीजिए क्या आपको ये वाली बात पता है कि आई कैप का डॉट आई कैप के साथ जे कैप का डॉट जे कैप के साथ के साथ सारा बताया जा रहा है ध्यान रखना इससे ज्यादा बेसिक्स तो फिर मुझे बम बम बोले मस्ती हाँ या तो फिर मुझे आमिर खान बनना पड़ेगा तुम बनोगे दर्शिल सफारी फिर अब वही बचता है बट हां सर इतना ठीक है सर इनका जो डॉट है वो क्या आता है सर दिस इज जीरो क्योंकि इन दोनों के बीच में सर एंगल कितना है जीरो डिग्री एक वेक्टर और उसके बीच का एंगल जो होता है वो जीरो डिग्री होता है समझ में आएंगे नहीं समझ में क्लियर है ये वाली चीज और सर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है दोनों का डॉट जीरो आ जाएगा हाँ ना बहुत बढ़िया क्लियर आसान-आसान बातें मेजर पार्ट और बहुत जबरदस्त बात पे मैं अब आता हूं ध्यान रखना सवालों पे अभी मूव करने वाले हैं घबराइएगा है नहीं अबे एक लिख रहे हैं सर फास्ट भाई साहब सर प्लेन के अंदर बैठेगा सर कोई टेक ऑफ करवाओगे क्या रुक जा भाई <laughs> आखिरी लेक्चर बनवाना चाह चाहेगा मेरा रुक जा बोल रहा और फास्ट चलिए अब तेज तेज बढ़ाते हैं अब यहां पे तेज तेज हो पर ना तू तो ही रोएगा बाद में आ जाइए प्लीज सर ये जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर ये एक वेक्टर का डॉट उसी के साथ इसका मतलब सर दो वेक्टर्स के बीच में जो डॉट होता है तो एंगल जो होता है दैट इज जीरो तो सर ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए फिर मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ जीरो लिखा हुआ है आगे चल के अगर कहीं पर ऐसे भी लिख देना एक वेक्टर का स्क्वायर तो सर देखो वेक्टर का स्क्वायर मतलब ऐसा तो है कि नहीं दोनों यहां आपस में पास लाके छोड़ दिए या तो इनके बीच में डॉट होगा या क्रॉस होगा तो वेक्टर का स्क्वायर मतलब है कि उसी वेक्टर का उसके साथ डॉट तो आप चाहे ऐसे, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है इससे हमें यह समझ में आया कि जब भी वो किसी वैक्टर के स्क्वायर की बात करेगा दैट मीन्स की उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात हो रही है दैट मीन्स की उसका डॉट उसी के साथ लेना है कितने लोगों को बात समझ में आई बात एक ही है लिखी तीन तीन तरीके से जा रही है है हाँ ना सर ये बताओ a प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन्स इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट मीनस इसी वेक्टर का डॉट इसी वेक्टर के साथ हां लाइन से समझे लाइन से समझे कि नहीं समझे ये क्या है बहुत बढ़िया आ जाओ सर अब इसको हम क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं तो आंसर इज यस इस वेक्टर को इसके पास भेज दीजिए और बीच में साइन आएगा डॉट का दैट इज ए डॉट ए होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर जब आप इसको इसके पास भेजोगे तो ये हो जाएगा सर ए डॉट बी और जब आप इसको इसके पास भेजोगे सर ये हो जाएगा बी डॉट ए डॉट में इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन पहले लिखा हुआ है कौन बाद में लिखा हुआ है और सर ये जो चीज़ आएगी दिस इज बी डॉट बी जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बोलते हैं तो बेसिकली ये आइडेंटिटी ये बन गई सर ये चीज़ ध्यान रखना भाई हाँ बड़ी बड़ी बातें कर लोगे पता चला नहीं पता हाँ तो इसको आप डायरेक्टली याद रखने का तरीका बताता हूं जब भी किसी वेक्टर के एडिशन का स्क्वायर की बात करें तो आप एक काम करो जैसे आप नॉर्मल एल्जेब्रा में आइडेंटिटी लिखते हो वैसे लिखना स्टार्ट करो सर इसका स्क्वायर तो अब ये वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्योंकि तो वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता है वेक्टर बी का स्क्वायर ये रहा मतलब अगर ये एक्स होता ये वाई होता तो ये एक्स स्क्वायर लिखते ये वाई स्क्वायर फिर यहां क्या आता टू एक्स वाई वाली टर्म आती तो जहां पर आप एक्स स्क्वायर सोच रहे हो मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता है जी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर सर बी का स्क्वायर दैट मींस ऑफ मीन स्क्वायर और फिर सर जहां पर आप टू एक्स वाई वाली टर्म लिखोगे तो दो वैक्टर्स को ऐसे मत छोड़ना बीच में डॉट लगा देना क्लियर है ये वाली बात इसी चीज को अगर मैं यहां लगाने के लिए बोलूं तो सर यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कहा बिल्कुल सही सोचा ऐसे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न लाइक दिस क्लियर है प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉर्मल एलजेब्रा वाली आइडेंटिटी मैंने कहा इसमें लगा नॉर्मल एलजेब्रा वाली आइडेंटिटी जल्दी से बता सर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस एड का स्क्वायर बोल रहा हूं मैंने कहा मनी मन में बोलता जाओ और लिखना स्टार्ट कर सर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर अब सर टू टू वाली टर्म्स आएगी टू ए डॉट बी क्योंकि दोनों वेक्टर्स को ऐसे तो लिख मत देना पास में फिर टू बी डॉट सी अब ये लिखना आना चाहिए भाई क्योंकि यहीं पर तुम स्टेप्स में गड़बड़ करते हो टू सी डॉट ए क्या ये बात क्लियर है एक छोटा सा एग्जाम्पल और है हाथ गर्म करने के लिए फटाफट सर अगर एक्स वैक्टर ये है तो एक्स वैक्टर का स्क्वायर बताइए मैंने कहा बहुत आसान है एक्स वैक्टर का स्क्वायर मतलब सर अब इस पूरे का स्क्वायर शुरू हो जाओ सर अगर थ्री एक्स वैक्टर होता या थ्री एक्स होता तो स्क्वायर क्या लिखते नाइन एक्स स्क्वायर लिखते तो सर ये आ जाएगा नाइन टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स दिस इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर टू ए बी वाली टर्म में माइनस सिक्स आएगा माइनस सिक्स इंटू टू तो दैट इज माइनस ट्वेल्व ए वैक्टर और बी वैक्टर को ऐसे ही है, पास पास लाके नहीं छोड़ना है, बीच में डॉट लगा देना क्लियर शाबाश लिखते जाओ फटाफट लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगी कि हम कहां खेल रहे हैं ये क्लियर है ना अगर मान सर यहां माइनस साइन होता तो, तो सर यहां भी माइनस होता फिर यहां और यहां भी माइनस होता यहां पर भी माइनस आता यहां भी माइनस आता और यहां माइनस आ जाता करके देखें खुद तो मेरे ख्याल से आप इसके साथ अब डील कर सकते हैं बहुत अच्छे से आ जाइए जी एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम डॉट प्रोडक्ट की वजह से यूज करते हैं ठीक है डॉट प्रोडक्ट की मदद से जिसको हम निकालते हैं दैट इज प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन के बारे में आप जब सोचेंगे जब मैं आपको कभी भी लेंथ निकालने के लिए बोलूं समझ में जब कभी भी लेंथ इन्वॉल्व हो ना लेंथ इन्वॉल्व हो तो हम प्रोजेक्शन के बारे में सोचते हैं सर प्रोजेक्शन होता क्या है एकदम डिटेल में समझाओ मैंने कहा देख सामने ये हमारे पास एक ए वेक्टर है और ये हमारे पास एक बी वेक्टर है इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं ठीक है तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा है मतलब आपने ये बोला हेलो हेलो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है अब मैं आता हूं कि प्रोजेक्शन क्या होता है उस बात पर सामने देखता रहना सर इसके एरो से आप इस पे परपेंडिकुलर डालो जो इसका फाइनल पॉइंट है ना एरो हेड उससे परपेंडिकुलर डालो और इसके टेल से इस पे परपेंडिकुलर डालो तो ये जो हमारे पास इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की ये जो लेंथ आएगी ना दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है भाई तो बेसिकली प्रोजेक्शन इज ए लेंथ क्या हम ये लेंथ निकाल सकते हैं तो आंसर इज सर वेरी यस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ये वाली जो लेंथ है अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर पेंडिकुलर डालू तो क्या ये, ही ये होगी क्या तो आंसर इज सर यस ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा क्या आंसर इज सर यस अच्छा ये लेंथ क्या हो जाएगी ग्रीन वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए यस और नो मॉड ऑफ ए ये ठीक है अब एक बात बता यार ये तुम्हें फिजिक्स में सिखा रखा है क्या इसका ये वाला कॉस कॉम्पोनेट होता है ना इसका जो ये वाली चीज है ये क्या लिखा जाएगा सर दिस इज मॉड ऑफ ए कॉस थीटा ठीक है ये वाली लेंथ तो मैं आपको बोल सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर ऑन बी वैक्टर देखा देखा सुना सुना सा लग रहा है मैंने कहा पूछा कैसे सर जब हम ए डॉट बी लिखते हैं तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी थीटा आता है मैंने कहा बहुत बढ़िया व्हाट इज मॉड ऑफ ए थीटा तो सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसी को ही आप ऐसे लिख सकते हो किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो सर वो बन जाता है यूनिट वेक्टर क्लियर है ए डॉट बी कैप आप लिख सकते हो तो बेसिकली जिस फॉर्मेट में आपको इसको याद रखना है वो मैं आप बताता हूं अगर आप ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो दोनों वेक्टर्स का डॉट हो रहा है और जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से यहां डिवाइड किया जा रहा है ए वेक्टर का बी वेक्टर के पे अगर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो इन दोनों का डॉट हो रहा है और सर जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड समझ में आ गया यस yes, सर आ जाइए तो वट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये फॉर्मूले की तरह रट ले बेटा हाँ सर वट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो वापस। अगर आप इस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा अगर आप इस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा जो दो वेक्टर्स इन्वॉल्व है उनका तो डॉट होना ही है सर यहां पर A आना चाहिए था अरे मैंने कहा भाई डॉट में फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले कौन बाद में लिखा हुआ है अब कई कई बार वो प्रोजेक्शन वैक्टर भी पूछ लेता है सर ये प्रोजेक्शन वैक्टर क्या होता है समझा दो मैंने कहा ये देख प्रोजेक्शन लेंथ तो ये वाली हो गई प्रोजेक्शन वैक्टर सर ये वाला हो जाएगा इसको हम बोलते हैं दिस इज वेक्टर इसको अब दो तीन तरीके से बताता हूं टेक्निकल लैंग्वेज दो तीन तरीके से बताने के चक्कर में तुम एक भी ना सीख पाओ ऐसा मत कर देना यार दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर ठीक है और क्या बोल सकते हो सर इसको दिस इज वेक्टर कॉम्पोनेंट ऑफ दिस इज वेक्टर कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर ये ए वेक्टर का बी वेक्टर के पहले जो आपने निकाली वो सिर्फ कॉम्पोनेंट था वो सिर्फ लेंथ थी अब उसका वेक्टर कॉम्पोनेंट मतलब वेक्टर बनाना चाह रहे हो क्या आपने कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया जरा देखना ये फोर्स यहां पर थीटा एंगल पे लग रहा है ठीक है ये फोर्स है और ये थीटा एंगल पे लग रहा है तो ये वाला जो फोर्स है ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा ऐसा लिखते हो क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए प्लीज मैं कुछ सीखना चाह रहा हूं तुम्हें तो बाद में सिखा दूंगा पहले खुद तो सीख लूं ये एफ वेक्टर ऐसे लग रहा था ये एंगल थीटा है तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो वेक्टर है ना ये ये वाला वेक्टर, वेक्टर वैक्टर थीटा। है। क्या ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है ये देखो ये एक बार देखो सही चैट में बोले सर सही है फिर बोले सर फिजिक्स तो समझ में आती है उसमें जो मैथ लगती है ना वो हमें नहीं आती बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस एक बार बता इसको एक बार आंखें नैन चक्षु खोल के देख ये तूने एफ वेक्टर को कॉस् थीटा से मल्टीप्लाई किया है सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है या तो ये पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा तो अगर आप किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो या तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है या मैग्नीट्यूड कम हो जाता है या डायरेक्शन पलट जाती है ये घूम कर यहां कैसे आ गया मैं ये देख रहे हो मैथ में भी तुम्हें फिजिक्स की गलतियां सिखा दे रहा हूं मत करना ऐसा क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट ऐसे नहीं निकाला जाता है कि थीटा से मल्टीप्लाई करो और तुम बोलो कि वाह 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 आ गया जवाब अब तो मैं ब्लॉक को आगे की तरफ खींची ले जाऊंगा <laughs> ऐसे नहीं पता ब्लॉक ही हमें पीछे की ओर खींच ले जा रहा है आ जाइए सर ये वेक्टर कैसे निकाले मैंने कहा ध्यान सुनना तो वट इज दिस वेक्टर ध्यान सुनिएगा प्लीज हेलो ध्यान सुनना हेलो सर बोलो तो सही कुछ हमें सिर्फ यही सुनाई दे रहा है कि ध्यान से सुनना आगे बोलो मैंने कहा ये देख वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या है वो बता दो प्लीज राजवंत सर कराइंग <laughs> अबे भाई साहब डू नॉट से दिस प्लीज चलिए सर एक काम करो जो वेक्टर होता है ना आप कभी भी कोई वेक्टर लिखते हो जैसे मान लो थ्री आई कैप क्या आपको ये बात पता है थ्री आई कैप एक वेक्टर है हाँ सर सर ये है डायरेक्शन और ये है सर मैग्नीट्यूड तो आप एक काम करो अगर आपको वेक्टर कॉम्पोनेंट लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है मैंने कहा ये रहा मॉड ऑफ ए थीटा इसको मल्टीप्लाई कर दो आप बी कैप से किससे मल्टीप्लाई कर दो बी कैप रीजन बींग सर ये इस तरफ डायरेक्शन ये वाला वेक्टर बी कैप बी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन बी कैप का होगी सर बी कैप ये हो जाएगा इसके अलोंग यूनिट वेक्टर इसकी जो डायरेक्शन है वही बी कैप की डायरेक्शन है वही इस वेक्टर कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन हमें किसकी यूज करनी है सर बी कैप की में बी की डायरेक्शन क्लियर तो. है बिल्कुल सही कोई दिक्कत किसी को अब सर कई कई बार वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी पूछ लेता है कई कई बार वो क्या करता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी पूछ लेगा अब मुझे ये वाला और बता दे यार फटाफट मैं इसका पूरा नाम सिर्फ बोल के बता दे रहा हूं जैसे मान लो ये वाला जो वेक्टर है ना ये एक्स वेक्टर बोल देते हैं सर यह वाला वेक्टर था ए वेक्टर यह वाला वेक्टर आपने निकाल ही लिया वो ये है मॉड ऑफ ए थीटा बी का वैक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन अब सर हमें ये वाला वैक्टर चाहिए जिसको आप एक्स वैक्टर बोल रहे हो यह क्या है परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट ऑफ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट ऑफ ए वैक्टर परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट ऑफ ए वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी वैक्टर बी वेक्टर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो इसको कैसे निकालोगे सर इसमें तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे इसका और इसका एडिशन ये होगा बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की ज्योमेट्री को फिट बैठ रहे हैं इसका जो सर है और इसकी जो पूछ है वो मैच करती है मैंने कहा ठीक है भाई तो एक्स वैक्टर कैसे लिखूंगा सर ये अगर मान लो अल्फा वैक्टर है और ये हमारा x वेक्टर है तो सर x प्लस अल्फा बराबर आ जाएगा a वेक्टर, x वेक्टर चाहिए तो बता दो तो जल्दी से शाबाश यस कमॉन कमॉन क्या लिखोगे भैया दिस इज a वेक्टर माइनस ये वाली चीज और जहां जहां पर आपको मॉड ऑफ ए थीटा दिखाई दे रहा है आप उसकी जगह ये वाला प्रोग्राम तो लिख ही सकते हैं क्लियर है तो हमने चार चीजें डिस्कस कर ली दैट इज परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन किसी भी एक वेक्टर का दूसरे पर वो लेंथ होती है जी दूसरा वेक्टर कॉम्पोनेंट मतलब उस डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर चाहिए कॉम्पोनेंट का भी हमें वेक्टर बनाना है एक लिख रहा है सर सुसु आई है तो बेटा चला जा वट यू वॉन्ट मी टू डू क्या करू खमाल यार वाओ इतनी सारी चीजें बेटा नेट पे देखेगा ना गड़बड़ हो जाएगी <laughs> यहां देखिए प्लीज एक इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ठीक है एक बोल रहा है ब्रेक अबे रुक जा भाई बराबर देखो इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है पहली चीज हीरो बनकर ऐसा मत कर देना कि इसे दोनों तरफ ए वैक्टर ए वैक्टर उड़ा दिया बी वैक्टर बराबर सी वैक्टर ऐसा मत करिएगा प्लीज ये छोटे छोटे पॉइंट है जो जवाब आपका जो है वो गलत कर सकता है समझ में आया तो वट यू हैव टू डू क्या करना है सर जब भी कभी ऐसा कुछ हो तो सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आइए ठीक है अब ये आप एक काम करो ए डॉट कॉमन ले लो बोले ठीक है सर सर एक बार बताओ दो वेक्टर्स का डॉट जो है वो जीरो आ रहा है ये बात हमें क्या समझाना चाह रहा है या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ये बोल रहा है कि बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर परपेंडिकुलर है क्योंकि जिन भी दो वेक्टर्स का डॉट जीरो आए वो वेक्टर्स क्या होते हैं परपेंडिकुलर क्लियर है ऐसे करना है ऐसे मत करना ध्यान रखना प्लीज नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट बात और इस बात को जो सीख गया तो समझो 99.99 परसेंट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द वेक्टर्स आप निपटा ले जाओगे जब भी आपको कभी एक वेक्टर रिलेशन दे रखा हो तो इसको आप सिर्फ मामूली बात समझने की कोशिश मत करिएगा ये एक बहुत बड़ी घटना का विटनेस है अब सर जब विटनेस होता है ना तो वकील पे इस बात डिपेंड करता है सर एक सेकेंड आप जेई की प्रिपरेशन करवा रहे हो कि बीच में ही वकालत शुरू कर दी मैं कहा, सुन पूरी बात बीच में हीरो बन रहा है तो उस क्वेश्चन का सबसे बड़ा विटनेस यही होगा जो आपको वेक्टर रिलेशन दे रखा होगा अब विटने... तुम हो वकील अब तुम्हें विटनेस से वह क्या करना है सारी इंफॉर्मेशन उगलवानी है बोले बता क्या क्या हुआ था तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक इंफॉर्मेशन छुपी हो इसमें लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन छुपी होती है नाउ दैट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे कैसे निकाल सकते हैं तो जब भी कभी आपको किसी सवाल में वेक्टर रिलेशन दिखाई दे तो समझ लेना कि वहां से ही सारी बातें निकल के आएंगी अब वो कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको बताता हूं जैसे कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं सर इसका आप डॉट ले सकते हैं किसी भी वेक्टर के साथ डॉट विद एनी वेक्टर हा एनी वेक्टर मतलब सर मैंने कहा एनी मतलब एनी कोई भी वेक्टर के साथ डॉट ले रहे भाई बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर के साथ सर सी वेक्टर तो दिख ही नहीं रहा मैंने कहा फिर भी ले सकते हैं डॉट दिस इज इंपॉर्टेंट चलिए ठीक है सर कैसे लिखेंगे एक करके दिखाइए मैंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए वैक्टर के साथ डॉट तो जहां जहां पर जो भी टर्म है ये लो सर अरे वाह अरे वाह 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 वा. देखो बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया क्लियर है ये वाली चीज इस बात को समझ में आना ध्यान रखना प्लीज इस बात को समझना ध्यान से आप किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस ले सकते हैं क्रॉस विद एनी वेक्टर वेक्टर मान लेते हैं हैं सी के साथ क्रॉस ले रहे ठीक है ये दूसरा स्टेप बता रहा हूं अच्छा क्रॉस लेते वक्त हमें ये देखना होता है कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से तो आपने क्रॉस के राइट में लेफ्ट मतलब राइट में सी वैक्टर को लिखा है तो अगर सी वैक्टर का हर एक टर्म के साथ क्रॉस ले रहे हो तो अगर राइट में रख रहे हो तो सभी के राइट में रखना जी अरे वाह सर ऐसा हम कर सकते हैं मैंने कहा मैंने कहा अभी तो असली बात बताई नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा दाव वो क्या है दैट इज आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं <laughs> एक लिख रहा है मुझे शादी करनी है <laughs> बेटा तेरे लिखने से कुछ नहीं होगा हाँ देर इज ए प्रोसेस पूरा हिरार आप क्रोनोलॉजी समझिए आई का पेपर दो पास हो बढ़िया आपको नौकरी मिलेगी बढ़िया आपका पैकेज लगेगा उसके बाद में शादी <laughs> से मन उठ जाएगा समझ में हाँ, बस और कुछ नहीं सोचना है यहाँ आ जाइए सर स्क्वायर करने का मतलब क्या दैट इज एक्स वैक्टर का स्क्वायर दैट इज ए वैक्टर प्लस टू बी वेक्टर का स्क्वायर ये ठीक है क्या दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब यह अब देखो ध्यान से सर इसका स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इन दोनों का जो डॉट आएगा वो तो टू ए डॉट बी आएगा टू से और मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर ए डॉट बी आ गया क्लियर है हाँ सर अब एक चीज मैं आपको ऑब्जर्व करना चाहूंगा या फिर आप चाहूंगा कि आप लोग ऑब्जर्व करें कि ध्यान से देखना किन दो वेक्टर्स के बीच में डॉट बनाए सर जिन दोनों को आपने एक तरफ रख के स्क्वायर किया है ए और बी एक तरफ थे उनके बीच में डॉट प्रोड्यूस हो गया अगर मान लो मुझे इसी में ही एक्स डॉट ए बनाना है तो सर कुछ नहीं इस पूरी रिलेशन को आप ऐसे लिख दो ए वेक्टर को लेफ्ट साइड में भेजकर अब स्क्वायर कर दो बस यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको सवाल में जाकर सोचने हैं यस और नो इजी है क्या बिल्कुल सही अब स्क्वायर करना सर ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू ए डॉट एक्स लिख दो एक्स डॉट ए लिख दो एक ही बात है और यहां आ जाएगा फोर टाइम्स ऑफ़ बी हुआ रिलेशन अलग है, है. है yes, डॉट बना एक्स और, और ए एक के बीच में तो सर हमें कैसे ये कैसे पता चलेगा कि कि किसको किस तरफ रखते हुए स्क्वायर करना है मैंने कहा वो सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है कि उसने क्या पूछा और क्या दे रखा है नहीं समझे अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे दूं तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया मैंने और मैंने पूछा ए वेक्टर और एक्स वेक्टर के बीच का एंगल बताओ ए वेक्टर और एक्स वेक्टर के बीच का एंगल बताओ वापिस सुनो इफ आई से ये वाली चीज कब कम आएगी कि एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है टू यूनिट्स ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है थ्री यूनिट्स और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वन यूनिट ये तीनों चीजें दे दी और ये एक रिलेशन दे दिया मैंने बोला एक्स और ए के बीच में मुझे एंगल चाहिए एंगल का मतलब है डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से हम एंगल निकालते हैं दैट और A के बीच में डॉट बनना चाहिए तो लो सर एक्स और ए को एक तरफ लाकर हमने स्क्वायर किया तो ये पता है ये पता है और ये भी पता है तो यहां से ए डॉट एक्स निकल आएगा और ए डॉट एक्स क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दम मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ एक्स सब कुछ पता है समझेगी नहीं समझे अरे बोलो यस yes, सर और ये हम सवालों में भी ये सारी प्रैक्टिस करेंगे बहुत बढ़िया शाबाश बहुत हो गए प्रवचन लो भैया सत्य वचन जल्दी से है ये कौन है बे कोई लिख रहा रहे हवा आ रही है रिपीट भाई कंट्रोल इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इज टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज थ्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज वन एंड ऑल थ्री वेक्टर्स सेटिस्फाइज दिस रिलेशन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स वेक्टर एक्स वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल बता दे दोस्तों बताइए भैया अब ठीक है रिपीट ओ भाई चलिए सर एक्स और ए के बीच का एंगल चाहिए तो जब भी आपको एंगल चाहिए समझ लेना उनके बीच में डॉट बनाना है तो हमने क्या किया इसको इधर लेके गए तो एक्स वेक्टर माइनस ए वैक्टर बराबर टू बी वैक्टर और अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ध्यान सुन... और अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ध्यान सुनना फटाफट ये वाली चीज बता चुका हूं फिर से लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स का स्क्ट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू ए डॉट एक्स बराबर में प्लग इन कर दो <laughs> ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले सुना इक्वेशन में प्लग इन अरे मतलब वैल्यू पुट कर दो रख दो सर हाँ ये सही लगता है ये आ गया चार ए का मैग्नीट्यूड क्या है दिस इज नाइन स्क्वायर लिख रहा हूं ध्यान रखना सर दिस इज टू ए डॉट एक्स बी का मैग्नीट्यूड क्या है भाई वन एक बार बताओ आर यू हैविंग फन नो सर सर ये लिखा हुआ है सर ये आ गया नाइन चलिए लैग अबे यार अब ठीक है क्या पहुंच गई है। आपकी बात मेरे तक अभी इसका इलाज किया जाएगा अब मुझे बताइए अब ठीक है क्या ना ओके इफ इट इज ना ओके देन एन ओके लिख के भेजो ताकि मुझे समझ में आ जाए अब ये हाथ वात मत जोड़ो यार ये क्या स्माइली भेजते थे सीधी सीधी बातें करो ना तुम्हें जो छोटे में लिखोगे वो मैं पढ़ पाऊंगा इतना बड़े पाठ लिखोगे यहां पर सर करके ऊपर चला जाता है थोड़ा तो दिमाग लगा सवाल के साथ साथ चैट में भी ना ओके okay. बहुत बढ़िया तो मैं ये सारा डाटा दे रखा और हमने क्या किया इस तरफ से एक्स को स्क्वायर कर दिया बस कुछ नहीं वैल्यूज को प्लग इन कर रहा हूं लगता है आप सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल गए <laughs> मैंने बस इतना बोला था कि वैल्यूज को प्लग इन कर दो वैल्यू पुट कर दो मतलब ये चार ये चार गया सर ये आ जाएगा नाइन बाई टू यहां बचेगा ए डॉट एक्स और ए डॉट एक्स होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू कॉस्ट थीटा यही होता है हाँ सर फटाफट कॉस् थीटा की वैल्यू निकाल लो भाई सर ये आ जाएगा नाइन अपॉन यहां पर एक टू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए को भी उधर डिवाइड करो और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स को भी उधर डिवाइड कर ठीक लिखा है क्या जरा बोलना हां इसका मैग्नीट्यूड कितना है दो इसका तीन ठीक है जी सर ये आ गया थ्री अपॉन फोर कौन कौन है फिफ्टी थ्री डिग्री वाला भाई ये सब बातें फिजिक्स में बोला करो फिफ्टी थ्री थर्टी सेवन कोई है क्या हाँ थ्री बाय फोर कॉस इनवर्स ऑफ थ्री बाय फोर चलिए जी ये रहा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं डायग्राम बनाइएगा आई एडवांस दो का क्वेश्चन है ठीक है और वो इसकी वैल्यू नहीं होती वो थ्री बाय फाइव होती है बिल्कुल सही सर थ्री बाय फाइव होती तब हम बोल देते हैं फिफ्टी थ्री डिग्री कभी किसी भी सवाल में देखा है पर सर ये फिजिक्स में तो प्रचंड रूप से यूज होता है मैंने कहा, छोटे <coughs> बच्चे को एक टॉफी दी जाती है वो दे रखी है वो खुश है उससे कॉस फिफ्टी थ्री बोले थ्री अपॉन फाइव वाह मत कर देना ठीक है आ जाइए चलिए जी फटाफट है? पहले वाला क्वेश्चन अबे कौन सा पहले वाला अबे यार क्या है मुझे नहीं समझ में अच्छा 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 पहले कोई और क्वेश्चन था क्या सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता चला आ जाओ ये रहा सॉरी ये रहा तो अरे महाराज ये रहा तुम भी पहले खुद बोलते हो बीच में सर वो सवाल करवाओ अब सर क्या है उस सवाल को करवाने लगे जब बोले पहले वाला करवाओ भाई साहब उ कैन आई डील विद सिचुएशन आ जाइए सर जय दो हजार उन्नीस का सवाल है वाओ बाकी सब छोड़ दोस्त आपका ध्यान इसकी ओर गया कि नहीं गया <laughs> सर न्यू ईयर एंड गोवा मतलब सर एक तो हम वैसे त्रस्त बैठे घर पे आप ये एंगल और पूछ लिया करो ऐसे गोवा वाले घबरा <laughs> मत तेरी भी बारी आएगी गोवा जाने की टेंशन ले। ए बी और सी तीन वर्टिस दे रखे ट्राइंगल के एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी चलिए फटाफट डायग्राम बना लो फटाफट ये रहा ए ये रहा बी ये रहा सी सर ए जो है दिस इज थ्री जीरो माइनस वन जो बी है वो है दो दस और छ और सर जो सी है वो एक दो एक, एक दो एक यस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ए सी का मिड पॉइंट है सर एम वाओ है ना जी डिवाइड्स द बी एम इन रेशियो टू इज टू वन तो बेटा ये वाली जो लाइन है ये बी एम है इसके ऊपर कहीं पर जी बैठा है जो इसको टू रेशियो वन में डिवाइड करता है समझ में बी एम बी पहले लिख रहा है तो बी की तरफ टू बनेगा एम बाद में है तो एम वन जो है वो एम की तरफ बनेगा कॉस ऑफ एंगल गोवा सर वट इज ओ ओ द ओरिजिन सर यहां कहीं पे ओरिजिन हमें नहीं पता कहां है ये रहा ये ये रहा ये ये जो एंगल बन रहा है थीटा तो वो आपसे कॉस थीटा पूछ रहा है अब सर हम कैसे सॉल्व करें मैंने कहा सेक्शन फॉर्मूला यहां पे बहुत अच्छे से काम आएगा ध्यान रखिएगा प्लीज हाँ अब सर ये वाला जो पॉइंट है तो आंसर इस यस मैंने कहा जल्दी से बता दे तीन प्लस एक चार चार बटे दो दो जीरो प्लस दो 2, 2 दो बटे दो एक माइनस वन वन जीरो जीरो बाई टू जीरो आप इसके पॉइंट बता सकते हो मैंने कहा बिल्कुल सही कैसे सर सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन हो रहा है अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो टू इज टू वन है टू को इससे मल्टीप्लाई करो तो टू इन टू वन इन टू होल डिवाइडेड बाई टू प्लस वन एक्स कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट लिखना चाहते हो तो वाई कॉर्डिनेट को यूज करना टू इंटू वन वन टेन होल डिवाइडेड बाई थ्री है ना टू प्लस वन टू इंटू जीरो वन सिक्स ओ भाई जल्दी से बताना ये पॉइंट क्या रहा है सर चार दो छे तीन तो दो आ गया क्या सिक्स बाई टू सिक्स बाई थ्री इज टू बारह बटे चार तो सर ये तीन आ गया क्या सॉरी एक सेकेंड बारह बटे तीन तो ये चार आ गया क्या सर ये आ जाएगा टू टू फोर टू आ रहा है आप सभी लोग एग्री करोगे क्या टू फोर टू आ रहा है इज दिस क्लियर हाँ सेंट्रॉयड बोल दो तब भी आप कर सकते हो तीनों का एडिशन डिवाइडेड बाई थ्री वो भी ठीक है है ना टू इस टू वन में वही डिवाइड करता है है हाँ ना ये भी बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है कि भैया जिसकी बात कर रहे हैं वो सेंट्रॉइड ही है सर क्या है सेंट्रॉयड और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिर थ्री में हम इसके फॉर्मुले भी देख लेंगे टू फोर टू बिल्कुल सही अब सर एक काम करो अब हमें जो एंगल निकालना है वो इन दो वेक्टर्स के बीच में है। मैंने कहा अब देख अब बहुत आसान चीज है ये वाला वेक्टर बना ले और ये वाला वेक्टर बना ले सर ये तो बहुत आसान है मैंने पूछा कैसे बोले अगर आप ये वाला वेक्टर बनाना चाहते हो तो ये वेक्टर तो यही हो जाएगा सर थ्री जीरो माइनस वन थ्री आई कैप प्लस जीरो माइनस के कैप और ये वाला जो वेक्टर है इसके इसके पॉइंट पॉइंट में से घटा दीजिए तो वो आ जाएगा टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस आ, टू के कैप दैट मीन सर इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो है थीटा क्या करेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट दोनों का डॉट कीजिए फटाफट ठीक है ओ ए वैक्टर का डॉट ओ जी वेक्टर के साथ आंसर बताओ यार तुरंत मॉड ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ ओ ए मॉड ऑफ ओ जी इंटू कॉस ऑफ थीटा लो भैया सर अगर दो वेक्टर आपको इस फॉर्मेट में दे रखे हो तो आपको मॉड लेना आता है डॉट प्रोडक्ट मैंने कहा तो इसका वेक्टर का डॉट इसके साथ थ्री इंटू टू सिक्स सर इसको मत मल्टीप्लाई कर देना कैप का कॉपिशन यहां जीरो है तो यहां जीरो आएगा यहां आएगा माइनस टू में से दो गया ये लिखा हुआ है चार है ना देख लेना वट इज मॉड ऑफ ओ ए नौ और एक दस रूट टेन आ रहा है वट इज मॉड ऑफ ओ जी चार चार आठ सोलह और चार बीस चौबीस रूट ट्वेंटी फोर और सर ये आ गया कॉस्थीटा कॉस्ट थीटा की वैल्यू बता दो यार सर दिस इज फोर अपॉन ये कितना होता है टू रूट सिक्स और ये होता है सर रूट टेन ना? वाव। है ना वो और कैंसिलेशन करने हैं क्या हाँ सर इसको लिखो रूट फाइव इंटू रूट टू इसको लिखो रूट थ्री इंटू रूट टू रूट टू रूट टू टू गया वन अपॉन रूट फिफ्टीन आ रहा है हाँ ना वन अपॉन रूट फिफ्टीन आ रहा है आंसर आ रहा है ये सभी का वेरी गुड अरे दोनों का डॉट प्रोडक्ट बेटा यही आएगा अगर आप बोल रहे होगी यहाँ पे टू लिख रहे हो तो गड़बड़ है क्योंकि आपने ध्यान से देखा नहीं इसका और इसका डॉट बेटा ये ये ऐसे लिखा हुआ है हाँ थ्री जीरो माइनस वन तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा छ जीरो माइनस छ नहीं नहीं, नहीं। इसको, और इसको हाँ इन दोनों को छ जीरो माइनस दो में से दो हो गया चार क्लियर है आधे लोग आंसर बी बोल रहे हैं आधे लोग आंसर जी बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं क्या हो गया भाई बहुत बढ़िया शाबाश अगला सवाल टू एडजस्टिंग साइड्स ऑफ ए पेलेग्राम ए बी सी डी बहुत बढ़िया abcd एक पैरेललोग्राम है उसकी दो अर्जेंट साइड हमें दे रखी है ab वेक्टर और ad वेक्टर तो ये ले लेते हैं a ये b और ये d और तो ये हो जाएगा c ये वाला वेक्टर हमें दे रखा है सर बिल्कुल सही ab ad वेक्टर दे रखे हैं द साइड ad इज रोटेटेड बाय एन एक्यूट एंगल अल्फा इन द प्लेन ऑफ द पैरेललोग्राम सो दैट ad बिकम्स ad डश मेक्स एन राइट एंगल विद साइड ab क्या बोल दो सर बोल रहा है इसको रोटेट करो एक्यूट एंगल अल्फा से ध्यान सुनना और वो जो एडी है ना इसी को ही रोटेट किया है और जो ये एडी है ये एडी डैश बन जाएगा अल्फा से रोटेट किया सच दैट ए परपेंडिकुलर हो जाए क्लियर है ये वाली बात हाँ ना? है ना ठीक है हा ना तो आपको क्या पूछा है कोसाइन ऑफ द एंगल अल्फा मतलब अब फिर से वो कॉस अल्फा पूछ रहा है शुरू हो जाइए तो सर बहुत इजी है इसको समझना मैंने कहा देख ये वाला वेक्टर क्या है एक बार सभी लोग एस लिख के भेजेंगे सर ये वाला वेक्टर है टू आई कैप्लस इलेवन के कैप और ये वाला जो वेक्टर है सर ये वाला जो वेक्टर है दिस वेक्टर इज माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप सॉरी प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप अब आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मैंने इसी वेक्टर को ऐसे रोटेट किया है तो जब मैं इसी वेक्टर को ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो एक छोटी सी चीज यहां पर एक्टिवेटेड होगी कि इसका और इसका और मैग्नीट्यूड इस बढ़िया है कि नहीं समझे ठीक yes no? है तो मैग्नीट्यूड वाइज ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होंगे बिकॉज आपने इसी को ही रोटेट किया है हाँ डायरेक्शन अलग अलग होगी इसलिए वेक्टर अलग अलग है और ये ये जो वेक्टर आएगा सर ये इसके परपेंडिकुलर है अरे भाई <laughs> कितने लोगों को उसकी गोची समझ में आ गई गोची मतलब छोटा बहुत उसने कुछ सर अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो एक बार बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा क्योंकि उसने खुद बोला कि ये ये एंगल 90 डिग्री अल्फा पूरा 90 तो सर ये ऑब्वियसली 90 माइनस अल्फा हो जाएगा क्या तो मैंने कहा अब जो तुझे ये दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं एक ये ए डी वेक्टर एक ये ए बी वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल है नाइन्टी माइनस अल्फा तो मैंने कहा एक काम कर मुझे तो फटाफट यह वाली चीज बता दे AD वेक्टर डॉट AB वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ AD वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इनटू कॉस के अंदर ही लिखूंगा परंतु लिखूंगा तो 90 डिग्री माइनस अल्फा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल देखो क्या है बस खत्म खत्म डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा सवाल देने का पूरा ताम झाम समझ पा रहे हो पूरा एकदम डेकोरेट किया गया बरातियों को बुलाया गया इज ए डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड चार चार आठ और एक नौ तो रूट सॉरी यहां पर लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी वैक्टर दैट इज थ्री सर यहां आ जाएगा एक सौ इक्कीस प्लस सौ प्लस चार वन ट्वेंटी फाइव सर ये तो फाइव रूट फाइव आ रहा आई बिलीव है ना है ना वो कितना आ जाएगा फाइव रूट फाइव ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा मैंने कहा ये ठीक है सर इन दोनों का डॉट लिख रहे ध्यान रखना ये आएगा माइनस टू सर ये आ जाएगा प्लस ट्वेंटी और सर ये आ जाएगा प्लस ट्वेंटी टू बताओ भाई कितना आ गया बताओ बताओ सर ये आ गया फोर्टी थ्री रूट फाइव और यहां पर एक फाइव था ये साइन अल्फा की वैल्यू फटाफट मुझे साइन अल्फा की वैल्यू बता दे भाई सर ये जाएगा इधर आठ एट अपॉन थ्री रूट फाइव ठीक है व्हाट अबाउट cos अल्फा टू टू फाइव आ रहा है क्या ओ भाई एक सेकंड एक सेकंड क्या कर दिया मैंने एक सौ इक्कीस सौ और चार अच्छा सर वो वाली बात होगी मैंने कहा कौन सी आप हमें चेक कर रहे होंगे शायद मैंने कहा यार तू तो समझ ही गया बात को हाँ तुम आगे चलो तुम आगे चलो रुकना नहीं यस बड़े चलो सर यहां पर भी फिर गड़बड़ कर दी आपने मैंने कहा ठीक है दिस इज फोर्टी दिस इज थ्री इंटू फाइव इंटू थ्री और ये लिखा हुआ है साइन अल्फा तो सर ये आ जाएगा आठ आठ बटे नो आ रहा है अब ठीक है क्या दिस इज एट अपॉन नाइन कॉस अल्फा की वैल्यू पूछिए कॉस अल्फा की वैल्यू बता दीजिए आसान है सर वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा सिक्सटी फोर अपॉन एटी वन डिनिनेटर में तो सर नाइन ही आएगा रूट के बाहर एटी वन माइनस सत्रह आ रहेगा रूट सेवनटीन रूट सेवनटीन अपॉन नाइन ऑप्शन बी इज करेक्ट और ये जो वैल्यू आपने निकाली है दिस इज अल्फा तो बेसिकली अच्छा एक बच्चा डाउट ये पूछता है कि सर हो सकता है साइन पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो कॉस पर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है मैंने कहा उसने खुद बोला है ए क्यूट एंगल क्यू टू साइंगल लिया उसमें वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी बेटा आ जाइए नेक्स्ट पार्ट इज चलिए जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान है क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सर वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं है ना हाँ ठीक है फिजिक्स वाले जितने भी तुम्हारे टीचर्स हैं <laughs> तुम्हें सिखाई दिया है डायरेक्शन किधर अंगूठा किधर करना है समझ में आया हाँ तो आ जाइए सर दो वेक्टर्स अगर आपको इस तरीके से दिए जाए ध्यान सुनना हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती ये लो ए वैक्टर और बी वैक्टर के बीच में ए वैक्टर और बी वैक्टर के बीच में एंगल है थीटा जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है उस पर अपना हाथ रखिए राइट हैंड और जो सेकेंड पोजिशन पर लिखा हुआ है, उस तरफ उंगलियां घुमा दो राइट हैंड कर लूल जिस तरफ अंगूठा जा रहा होगा दैट इज इस प्लेन के बाहर वो हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अब मैं इसको शो करना चाह रहा हूं बट शो कर नहीं पा रहा हूं तो इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं दिस इज अवर एन वेक्टर। और ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है क्या ये बात क्लियर है हां मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसा सिखाते हैं वो लोग वेरी गुड अच्छी बात है सिखाना चाहिए यूज कर रहे हैं समझ तो में सर व्हाट अबाउट बी क्रॉस ए तो सर बी पे आपको उंगलियां रखनी है हाथ रखना है और ए की तरफ घुमाना है तो अंगूठा नीचे की तरफ आएगा मतलब इन साइड ऑफ द प्लेन आएगा अगर ऐसा लिखा हुआ तो बट इसको शो करोगे तो अपोजिट मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन सिर्फ अलग होती है मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा और यहां पर एक आ रहा है एन कैप तो मतलब ये वाली जो पूरी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ए क्रॉस बी में अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा राइट हैंड थंब रूल वेरी गुड शाबाश इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं पहला पॉइंट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सर जैसे वहां पर डॉट में फर्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन लिखा हुआ है और बाद में कौन लिखा हुआ है बट इधर फर्क पड़ता है क्योंकि दोनों जगह से स्केलर सेम आएगा यहां पे सर डायरेक्शन मैटर करती है तो अगर आपने ए और बी की पोजिशन बदली क्रॉस के अबाउट तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है मतलब ए क्रॉस बी अगर इधर है तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ होगा सर अगर कभी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर स्केलर, स्केलर लिपटे झिपटे पड़े हो बी वेक्टर के साथ चिपटा पड़ा है सर एन ए वेक्टर के साथ एम ये दोनों स्केलर हैं कोई काम नहीं है इनका बाहर निकाल दो बाहर निकाल दो मतलब मल्टीप्लाई करके बाहर क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के बीच में लिया जाता है सेकंड पॉइंट पॉइंट इज आल्सो क्लियर थर्ड पे आते हैं क्रॉस जो है 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 वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता मतलब आप बांट सकते हो कोई दिक्कत नहीं बट उसकी मैटर करती है। अगर इस ब्रैकेट के पूरे में ये लेफ्ट में प्रेजेंट है तो ये अंदर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है बट ये दोनों टर्म्स के लेफ्ट में ही रहेगा सिमिलरली ये राइट right में प्रेजेंट है तो अंदर भेज दो तो अंदर भेज दो कोई दिक्कत नहीं है बट ये दोनों टर्म्स के राइट right में ही रहेगा क्लियर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो पैरेलल हो मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है तो उनका क्रॉस जो है वो जीरो वेक्टर आएगा नल वेक्टर क्यों सर क्योंकि जैसे ही आप बोलते हो कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा जीरो दोनों के बीच का एंगल अगर जीरो हुआ तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है बट आना चाहिए एक वेक्टर तो हम बोलते थे नल वेक्टर अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर है मतलब ये वाला जो कॉम्पोनेट है साइन नाइनटी डिग्री इसकी वैल्यू वन हो जाएगी तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन सिर्फ एन कैप ये इतना ही बचेगा क्लियर है ये वाली चीज छोटी छोटी बातें एकदम I का J के साथ क्रॉस साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते रहिएगा I का J के साथ क्रॉस K कैप होता है और इसी ऑर्डर में I का J के साथ क्रॉस K कैप J का K के साथ क्रॉस I कैप K का I के साथ क्रॉस जे कैप और किसी भी दो वेक्टर्स सेम वेक्टर का अगर आप क्रॉस लेते हो तो आंसर नल वेक्टर आता है दैट इज दिस क्लियर आपको कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर लिखा सुना दिखाई दे मुझे एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए जैसे प्रोजेक्शन के बारे में आप सोचते मतलब डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप सोचते हो जब आपको लेंथ वगैरह निकालनी हो परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए दैट मींस आप क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे और कहीं पर भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे उससे परपेंडिकुलर वेक्टर जनरेट होता है क्रॉस लेने के बाद में ये जो ये जो वेक्टर आया दोनों के परपेंडिकुलर है ठीक है तो आगे चलकर अगर थ्री का भी चैप्टर चल रहा है मैं बोलूंगी इन दोनों के परपेंडिकुलर मुझे एक वैक्टर चाहिए तो दो चीजों के परपेंडिकुलर अगर आपको जाना है तो उन दोनों चीजों का क्रॉस ले लीजिए क्लियर तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर चाहिए तो वेक्टर यहां से आ जाएगा लैमडा उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा बट अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो सर ये रहा वेक्टर और इसको इसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो ये हो गया सर यूनिट वेक्टर अब आपने बोला कि परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर तो सर यहां भी होता है और परपेंडिकुलर तो यहां भी होता है तो प्लस माइनस दो आएंगे क्लियर है हाँ जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अभी आप सवाल करोगे तो आपको ये पता चल जाएगी कि ये इंफॉर्मेशन पे सवाल कितने बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेम वैक्टर जो है सेम वैक्टर क्रॉस में दोनों जगह अवेलेबल हो सेम वेक्टर क्रॉस में दोनों जगह अवेलेबल हो तो अगेन यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स तो ये और ये कैंसिल मत कर देना भैया यहां पे कुछ और, किया जाता है और ये बेसिकली वेक्टर रिलेशन लिखा हुआ है अब वो वेक्टर रिलेशन जो है इसने मिला जुला के लिख दिया आपको अलग अलग करके लिखना है कैसे लिखते हैं मैं बताता हूं सर वापिस वही तरीका है सारी टर्म्स को एक तरफ लिया दिस इज ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी है सामने देखना भाई सर दोनों के लेफ्ट में ए क्रॉस प्रेजेंट है तो लेफ्ट साइड से ही इसको बाहर निकाल दो दो वेक्टर का क्रॉस एक नल वेक्टर आ रहा है ऐसा तभी हो सकता है सर जो तो दोनों वेक्टर्स क्या हो पैरेलल हो दैट मींस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ध्यान सुनना अब जो ये उसने रिलेशन लिख के दिया इसमें वैक्टर जो है वो क्रॉस में फंसे हुए हैं बट सर हम यहां से इस कैलकुलेशन की मदद से एक बढ़िया रिजल्ट बनाते हैं जिसमें हम उन वैक्टर्स को अलग अलग कर देंगे ध्यान सुनना मेरी बात सर ये वाली चीज समझ में आई अब ये भैया थोड़े से इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप है और ऐसे पे ये वाली चीज बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखेगी लिखी हुई सर अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो आप बोल सकते हो कोई भी एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स है पैरेलल बोलने का मतलब है सर कोलीनियर कोई भी एक वेक्टर जो है वो दूसरे का कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो कर दियो क्लियर है ये वाली चीज लिख के भेजो भाई सी एल और आर लिख के भेज दो मतलब सर वो जो जानकारी है वो डायरेक्टली एंड की यहां पर आकर रटने की जरूरत नहीं है समझने की जरूरत है भैया सर अगर हमें दो वेक्टर्स दे रखे हों तो हम कैसे निकालते हैं भैया है? उनका क्रॉस डिटरमिनेंट से ए क्रॉस बी है तो आई कैप जे कैप के कैप पहले वाला अगर जो वेक्टर लिखा हुआ है उसकी रो पहली बनेगी मतलब सेकंड रो बनेगी सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है उसकी थर्ड रो बनेगी क्या ये बात एकदम क्लियर हाँ सर हमें ये निकालना आता है ये डिटर्मिनेट एक्सपेंड करके दिखाया है सर जैसा आपने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम लोग करते हैं एक तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए और एक एरियाज लिखने के लिए ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करूं कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर्स का तो उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है जी ये इसके अलॉन्ग एक बी वैक्टर है और इसके अलॉन्ग एक ए वैक्टर है तो ये वाला जो है ए वैक्टर ये वाला जो है बी वैक्टर तो सर इसका जो एरिया ऑफ पैलेलोग्राम आएगा वो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो आता है जी समझ में वैसे तो ए क्रॉस बी क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इन टू एन कैप मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात कर रहा हूं दैट मींस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा समझे पैलोगोग्राम का एरिया क्लियर है द्विवेदी जी ज्यादा आगे ना भागो कई कई बार क्या होता है आगे भागने जनता पीछे से कहीं और ही मुड़ जाती है पहले तो लग रहा होता हम सबसे आगे हैं फिर लगता है कि हम ही सबसे अलग हैं, यहीं हम ही पहुंचे हैं तो अगर आप इन दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड लेते हो तो आपके पास एरिया ऑफ पैरलोग्राम आ जाएगा जिसके अडजस्ट साइड जो है आपको बना के दिखाए हैं ये अलॉन्ग द साइड्स है ये अलॉन्ग द क्या है साइड्स मतलब ये वेक्टर यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया तो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर मैं लिखूं तो अब की बार क्या होगा सर अगर पूरा पैरलोग्राम बनाते हैं और ये पूरा एरिया पूछते आप तो हम बोलते हैं नाउ है. अब जो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज ए डिफरेंट सिचुएशन अब की बार हमें क्या कर रखा है ट्राइंगल ए बी सी में वर्टेक्स एबीसी के पोजिशन वैक्टर दे रखे सामने देखना जरा यहां पर तो क्या था

तो कोई भी दो वेक्टर्स बना लो एक पॉइंट से निकलते हुए और साइड्स के अलोंग कोई भी दो वेक्टर्स बना लो एक पॉइंट से निकलते हुए और साइड्स के अलोंग तो सर ये वाला वेक्टर आ जाएगा वैक्टर माइनस ए वेक्टर ये वाला वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वैक्टर अब मैं इसके एरिया की अगर मैं बात करता हूं दट इज हाफ टाइम्स इन दोनों का क्रॉस और मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो किसको पहले किसको बाद में उस बात से फर्क नहीं पड़ता जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर ये आता है दैट इज ए क्रॉस बी साइक्लिक ऑर्डर में फिर बी क्रॉस सी फिर सी क्रॉस ए हां जी समझ में आएगी नहीं समझ में तो प्लीज इन सब बातों को ध्यान रखें मैंने आपको बताया है और ये गलती होने वाली सिचुएशन है जी हम्म क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बोलो आ जाओ अब सवालों की जड़ी। और अब बढ़िया सवाल तब निखर के बन के आता है जिसमें डॉट और क्रॉस दोनों यूज़ हो रहे अब हमने डॉट और क्रॉस दोनों पढ़ लिए अब सवाल करेंगे धमाधम तरीके से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो भी सवाल आपके सामने आ रहा है ट्रीट दैट एज योर जेई मेन्स दो का सवाल शिद्दत से सॉल्व करेंगे जो भी सीखा है फटा फटाफट नहीं बेटा मेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा एक पूछा सर आपके हाथ में दर्द हो रहा क्या कितनी चिंता है बच्चों को हमारी नहीं हो रहा है बेटा चलो सॉल्व करते हैं सर देखो ध्यान से इसमें एक ए वैक्टर दे रखा है बी वैक्टर दे रखा है सी वैक्टर दे रखा है थ्री गिवन वैक्टर बहुत बढ़िया इफ आर वैक्टर इज सच दैट ओ भाई ये मेरे को तो जो गुरुजी ने क्लास में बात बताई थी वो दिखी मैंने पूछा क्या दिखी भाई हमें भी बता दे बोले सर दोनों तरफ सेम वेक्टर अगर क्रॉस में प्रेजेंट हो तो हम एक बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हैं मैंने कहा अच्छा क्या करते होते हैं जो लोग रिपीट रिपीट लिख रहे थे बेटा फिर से देख ओ बेटा बाकी लोग सॉल्व करें सर सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आना होता है और उसके बाद में हमें कुछ कॉमन लेना होता है दिस इज आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर के साथ बराबर नल वेक्टर ठीक है जी जब आपको पता चले कि दो वेक्टर्स का क्रॉस नल वेक्टर आ रहा है इसका मतलब है कि अब उसको फाउंटेन वेक्टर बना दीजिए <laughs> नल वेक्टर फाउंटेन वेक्टर सर सर्दी में तो हमारा वैसे ही इच्छा नहीं होती नहाने की अरे मैंने कहा बेटा नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर तो सर दो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो तभी तो आता है जब दोनों वेक्टर्स क्या हो पैरेलल हो दैट इज आर वेक्टर माइनस सी वैक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, वेक्टर। पैरेलल का मतलब कोलिनियर जब भी दो वैक्टर्स कोलिनियर हो तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा तो यहां से आपके पास आर वेक्टर बराबर आ गया c वेक्टर प्लस लेमडा ए वैक्टर वहां से अटके यहां पहुंचे एंड दिस इज इंफॉर्मेशन का खजाना पैसा ही पैसा माल ही माल अब आपको इसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए समझ में आएगी नहीं समझ में ये क्या है रिपीट क्वेश्चन क्वेश्चन कहां से रिपीट करूं एक बोल रहा है रिपीट क्वेश्चन वेट ए मिनट टेंट है आ जाइए ठीक है ठीक है चलिए अब सर एक बार बताओ क्या पूछ रहा है आर डॉट ए पूछ रहा है ध्यान सुनना तो एक बच्चे ने बोला कि सर हमें याद है आपने बताया था आर और ए के बीच में डॉट बनाना है तो आप आर और डॉट को आर और ए वैक्टर को एक तरफ रख के स्क्वायर कर दो मैंने कहा पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है हमें वैक्टर ए बी और सी तीनों दे रखे हैं है जीरो दे रखा है चलिए तो क्या मैं इस वेक्टर का डॉट इस पूरी रिलेशन का डॉट बी वेक्टर के साथ ले सकता हूं तो is, sir, yes. is, ये क्या हो जाएगा आर वैक्टर ने खुद जीरो दिया है उसने जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मैं इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैंने पूछा वट इज सी डॉट बी सर सी डॉट बी तो बहुत आसान है ये रहे दोनों वन प्लस वन जीरो वन प्लस वन टू होता है सर लेमडा वट इज ए डॉट बी भाई साहब आपको दोनों वैक्टर जिंदा दे रखे हैं वन माइनस टू वन और माइनस टू को जोड़ू तो ये लो सर अरे वाह लेमडा की वैल्यू सर टू आ गई मैं का बहुत बढ़िया अब बताओ अब बताओ अब बताओ ए सर ये तो वैक्टर ही आ गया मैं का ये भी ठीक है चाहो तो अगर आपको आर डॉट ए चाहिए तो इसका डॉट ले लो ए के साथ बिना वैक्टर निकाले बता दे भाई बता दे जब आप बता दे यार सर सी डॉट ए जो है वापस से इसका और इसका डॉट वन माइनस टू प्लस वन वन माइनस टू प्लस वन वापिस देखना वन माइनस टू प्लस वन सर ये वन माइनस टू प्लस वन तो जीरो होता है दिस इज टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कितना है जी चार एक, एक चार और दो छे छः इन टू दो बारह ट्वेल्व आ रहे गया अरे भाई मैं ही लेट हूं इतना ज्यादा लेट हो गया हूं कि बच्चों ने जवाब बता दिया है वेक्टर रिलेशन से यहां पहुंचे जो इंफॉर्मेशन यहां दे रखी है उसको यहां बनाने की कोशिश की आर डॉट बी बनाने का पहला रास्ता तो आपके पास ये होना चाहिए कि पूरे के साथ डॉट ले लो जब पूरे के साथ डॉट लिया तो ये चीजें बनी और इन सबकी वैल्यू पता है अगर इनमें से कोई चीज नहीं पता तब मैं डिफरेंट रास्ता सोचता यस yes और नो no? एमडीएच लिख के भेजोगे अगर जवाब मैच हो गया है तो 2022 का क्वेश्चन है जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी लोग <coughs> हाँ डॉट क्रॉस का कॉम्बिनेशन अब जोरदार बनेगा अब बनेगी बात सर वापस थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा जो है वो पाई बाय फोर और सिक्सटी डिग्री के बीच में पैंतालीस और साठ के बीच में है दोनों का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है सर ये एक बहुत ही गंदा सा रिलेशन दे रखा है मैंने कहा टें बिल्कुल ना ले टेंशन बिल्कुल ना लेना बोले ठीक है सर एक काम करो इसको ओपन करते हैं आराम आराम से से ठीक है ऐसे कि पेपर चल रहा है और इसमें अगर आपने गलती की तो गड़बड़ हो जाएगी सर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो और बीच में क्रॉस फंसा हुआ है सर ये इधर ले जाओ मतलब इसके इसके, इसके पास भेज दीजिए तो बी क्रॉस ए और इसका साइन था नेगेटिव बी लेफ्ट में था ए राइट में था प्लस सर ये इधर जाएगा तो दिस इज सर ए क्रॉस बी ये और ये बीच में क्रॉस है और ये इधर जाएगा तो माइनस बी क्रॉस बी और इस पूरे का मैग्नीट्यूड सर खुद का क्रॉस खुद के साथ ये जीरो होता है खुद का क्रॉस खुद के साथ जीरो होता है सर आप इसमें इस नेगेटिव साइन को यूज करके आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए इज ए क्रॉस बी और यहां भी लिखा हुआ है सर ए क्रॉस बी और इसके मैग्नीट्यूड का सर स्क्वायर हो रहा था तो ये लो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो सर ये लिखा हुआ है टू ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सर ये लिखा हुआ है फोर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैंने कहा व्हाट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चार आ गया क्या जवाब नहीं रुको व्हाट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है और इसका स्क्वायर इसके साथ सर ये बैठा था साथ में यहां पर एडिशन में एक चीज और भी है दैट इज दोर ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड मतलब ए डॉट बी का स्क्वायर ए डॉट बी तो एक स्केलर होता है तो सर ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर चलिए अब अगर मैं इनको जोड़ दूं दोनों के बीच में हमने इसको सिंप्लीफाई किया ये ये आया प्लस में ये बैठा था तो सर फोर कॉमन ले लो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर भी कॉमन ले लो यहां बचेगा साइंस स्क्वायर थीटा और यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा जब आप बताना चाहेंगे क्या आप सर थीटा से इंडिपेंडेंट ही आ गया दिस थिंग इज वन और इसका जवाब मुझे बता दीजिए प्लीज सर ये आ जाएगा हमारे पास फोर इन टू वट इज मैग्निट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर सोलह वट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर नाइन फोर्टी एट अब एक आएगा फोर्टी एट फाइव सेवेंटी सिक्स बिल्कुल सही सिक्सटीन इंटू थर्टी सिक्स ले बेटा अट्ठारह इक्कीस ठीक है तो ये कितना आ गया सर दिस इज 576 ये हमारा आंसर है आ जाइए अगले सवाल पे चले ओ भाई। <laughs> देखते ही जई मेंस वाले हर वो काम करने लगे हैं जो जई एडवांस वाले करते थे सवाल ही ऐसे रूप में पूछ लो कि आधे लोग तो सवाल देखते ही वापस भाग जाएं बोले ओ मोरी मैया देखा देख लो वापिस चलो हाँ <laughs> ये वो अपीरियंस वाला क्वेश्चन है जिसको देखते ही आपका छोड़ने का मन करेगा <laughs> बोले वेक्टर से सर कह रहे थे आसान सवाल आते हैं सर लगता है हमें बेवकूफ बना दिया ये क्या आ गया बोले मैंने कहा एक बार रुक के देख तो भाई थोड़ा बहुत तो टाइम स्पेंड कर इसके साथ <laughs> सर वापस एबीसी एक ट्राइंगल है और उसने सारे वेक्टर्स जो है हमें वो दे रखे हैं किसके अलाग कौन सा है वेक्टर मैग्नीट्यूड ए दे रखा है बी दे रखा है बी डॉट सी दे रखा है ट्वेल्व ठीक है चलिए तो लो सर हमने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया यहां पर हम मान लेते हैं ए यहां पर मान लेते हैं बी यहां पर मान लेते हैं सी अब जो थ्योरी हमने सीखी है सर उनको क्वेश्चंस पे लगाते हैं बिकॉज दैट इज मैथमेटिक्स ओनली थ्योरी विल नॉट हेल्प क्योंकि हमें पता है डॉट क्रॉस क्रॉस का फॉर्मूला सबको पता है अब सर ऐसे सवाल डराते हैं मैंने कहा यस आ जाइए अब मेरी बात ध्यान सुनना सर उसने बोला बी से लेके सी की तरफ जाने वाला वैक्टर ये ए वैक्टर है और इसकी डायरेक्शन ये है बी से सी की तरफ सर सी से ए की तरफ जाने वाला वेक्टर ये वाला बी वेक्टर है बोले ठीक है और ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर सी वेक्टर है जब भी तीन वेक्टर्स या ज्यादा वेक्टर्स कुछ भी वेक्टर्स लूप में कभी लिखे हो वरना ये देख लो यार जो बोलना चाह रहा हूं पहले देख ले ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है इन दोनों का एडिशन सर ये आना चाहिए था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बट उसने यहां से यहां दे रखा है ये सी वेक्टर दे रखा है तो सर ये वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी है सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है तो आप लिख सकते हो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर टाइम सी वैक्टर माइनस सी करूंगा तो वो ये वाला वैक्टर आ जाएगा ठीक है और डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि एक लूप में ये जुड़े हुए हैं लूप में मतलब एक का सर वहीं से दूसरे की पूंछ फिर वापस से जहां से इसका सर है वहां से इसकी पूंछ तो ये लूप बना रहे हैं क्लोज लूप तो इसका आंसर आएगा नेट रिजल्टेंट जीरो समझ में है तो आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो या नल वेक्टर लिख लो भाई। है जी। सर हमें कुछ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ठीक है, 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 है सर ये तो सारी जानकारी हम बचा के लिख लेते हैं स्टेटमेंट वन की ओर चलते हैं स्टेटमेंट वन की ओर जो कि सबसे भाई साहब ये कौन है द्विवेदी ब्लॉक होना है क्या बेटा है <laughs> बैच मैनेजर द्विवेदी नाम का एक बच्चा है बाकी लोग सामने देखें <laughs> और क्या है देखना जरा अब ये सर ये बहुत ही बड़ी सी स्टेटमेंट दिख रही है और सच में आप हमारी बात मानिए बड़ा खतरनाक कुछ लग रहा है मैंने कहा देख देखना जरा ध्यान से ये वाली चीज क्या लिखी हुई है देख ध्यान से सर ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी आराम से टाइम स्पेंड कीजिए कोई दिक्कत नहीं है मैं सिर्फ इस फैक्टर की बात कर रहा हूं और इसका मैग्नीट्यूड सर ये देख रहे हो दोनों में बी वेक्टर प्रेजेंट है क्रॉस के साथ तो उसको राइट साइड से कॉमन निकाल दिया क्या हम ऐसा लिख सकते हैं है हाँ ना क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बी वेक्टर को राइट साइड से कॉमन निकाल दिया क्रॉस है हाँ ना बिल्कुल सही सर अच्छा ए प्लस सी कितना है बेटा ए प्लस सी वैक्टर सर माइनस बी वैक्टर मैंने कहा माहौल बना रहा था क्या <laughs> बोले सर सच में एक वेक्टर का क्रॉस उसी के साथ ले वो, जीरो लिखा हुआ भैया इधर है। अच्छा तो ये वाली पूरी चीज होगी सर जीरो बच्चा सर माइनस टाइम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चलिए सर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं मैंने कहा बहुत बढ़िया अब आप सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आपको बी डॉट सी दे रखा है ध्यान सुन है ना तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या आप हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भैया वो बता दो इंफॉर्मेशन <laughs> 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 <information> का खजाना पे आपकी ध्यान गया नहीं मेरा ही नहीं गया तो तुम्हारा कैसे जाएगा सर इसमें बी डॉट सी प्रोड्यूस करते हैं मैं क्या कैसे बोले सर बहुत आसान है हमें यह सिखाया गया है कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में आपको डॉट प्रोड्यूस करना है उनको एक तरफ रख के स्क्वायर कर दो क्योंकि उसने जानकारी दे रखी है बी डॉट सी जो चाहिए और जो दे रखा है वही बनाने की कोशिश करो तो बी डॉट सी बना रहा हूं तो मैंने इसी में ही इसको ऐसे लिखा और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया अब ये जो छोटे छोटे स्टेप्स मैं एक ही सवाल में लगा रहा हूं इसको सिंप्लीफाई किया ये गायब हो गया यहां बचा मॉड ऑफ सी मेरा ध्यान मॉड ऑफ सी निकालने पर है और उसके लिए पर्याप्त जानकारी आपके पास है जी इंफॉर्मेशन का खजाना जहां पर भी आपको वेक्टर रिलेशन दिखाई दे सारा ज्ञान यहीं से निकलने वाला है स्क्वायर कर दीजिए फटाफट जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर टू टाइम्स बी डॉट सी आंखें फाड़ के अगर ध्यान से देखेगा तो तुझे ये पता चलेगा कि इसमें सिर्फ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी अननोन है फटाफट बता बताते सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कितना है सर ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसका स्क्वायर चारती है बारह सर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर लिख लेंगे टू बी डॉट सी की जगह उसने दे रखा ट्वेल्व क्या आप लोग भी कैलकुलेट कर रहे हो क्या इसकी जगह बारह वट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए की मैग्नीट्यूड छत्तीस इंटू दो बेहतर सेवेंटी टू फटाफट आप मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर बताइए प्लीज ये ऐसा तो नहीं आएगा पक्का स्टेटमेंट वन इज फॉल्स assertion रीजन का क्वेश्चन नहीं है बेटा ये ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है कितना आ रहा है अबे कैलकुलेट कर लो ये कितना आ गया जरा बोलना चौबीस छत्तीस इधर जाएगा सर ये छत्तीस ही हो जाएगा ऑब्वियसली तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी प्लस माइनस छे नहीं बेटा सिर्फ प्लस छे तो सर ये तो गलत लिखा हुआ है आ जाइए अब आते हैं एबीसी एंगल ABC जिसके लिए मैं आपको कोसाइन फार्मूला लगाने के लिए बोलूंगा एक काम करते हैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूं हाँ ना बोलो भाई बोलो भाई बोलो चलिए सर अब जो कोसाइन फार्मूला आपने सिखाया था उसको लगाने का वक्त आ गया सर ये ए ये बी ये सी ये वाला मैग्नीट्यूड हमने निकाला ये छे ये टू रूट थ्री और ये सर सिक्स रूट टू क्या ये बात क्लियर है ना कौन सा एंगल आपसे पूछा है ए बी सी ए बी सी दिस थीटा चलिए सर इस पे कॉस्ट फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट थीटा जो आपको कोसाइन रूल में सिखाया था जिन दो साइड्स के बीच में ये एंगल बन रहा है उनके स्क्वायर्स का सम दिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स रूट टू का स्क्वायर जल्दी से सर सामने वाली साइड का स्क्वायर घटा दीजिए टू रूट थ्री का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू इन टू इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट ऐसे किए जाते हैं फॉर्मूले याद बता दो भाई बता दो खत्म खत्म hmm. सर पूरा सॉल्व कर लेंगे मेरे तेरी इच्छा है बारह इंटू छः सेवेंटी टू रूट टू चलिए जी ऊपर hmm, कितना बन गया मेरे ख्याल से ये ठीक लिखा हुआ है Both statements are false. अरे यार मैं सोच रहा था कैलकुलेशन तुमसे ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा साठ और साठ प्लस थर्टी सिक्स सर नाइनटी सिक्स आ जाएगा मैंने कहा बहुत बढ़िया दिस इज नाइन्टी सिक्स और बारह इंटू छूट टू है ना आठ चार यहां पर तीन है ना और ऊपर इसको उड़ाओगे तो दिस इज टू रूट टू तो टू रूट टू अपॉन थ्री अब भाई कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने इसका स्क्वायर ये रहा ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट इसका ये वाली साइड ही तो है इसका स्क्वायर आएगा बारह दोनों का एडिशन कितना आ गया सिक्सटी सर ये नाइनटी सिक्स बारह आठ पे उड़ाया आ, 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 अच्छा हो सकता है हम जबरदस्ती किसी चीज को सही बनाने की कोशिश कर रहे हो टू रूट टू अपॉन थ्री आ रहा है क्या आपका भी ये बताओ पहले तो आपका भी टू रूट टू अपॉन थ्री आ रहा है दोनों मिलके फिटूस कर लेते हैं फटाफट हाँ सर तो सर ये भी नहीं आ रहा आंसर कॉस इनवर्स बराबर अरे भाई <laughs> कौन है ये झूठा आदमी सवाल ही दोनों झूठ बना दिए दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों ही फॉल्स हैं बता रहे हैं शाबाश <laughs> इतना बड़ा सवाल बनाया तो एक आधा तो बना देता बढ़िया ओ भाई देखने में ही रंग बिरंगा सवाल है बस <coughs> अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सवालों की झड़ी और सवालों पे अटैक करना सीखिए प्लीज कोई भी बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है सिर पे मत हावी होने देना क्योंकि जिस हिसाब की मैथमेटिक्स आजकल पूछी जा रही है वो आपको इनिशियल फेज में तो डराएंगे ही ताकि तुम उस सवाल को ना पढ़ो यहां पर एक्स वाई बस बोले छोड़ दो इसको वैक्टर ए वैक्टर है वो नाइन है बी वैक्टर इज सच देट फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू दिस सर ये क्या है मतलब ये क्या है? मैंने कहा देख जो भी तू कोई बनाता है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर मतलब रियल नंबर है वाई भी रियल नंबर है माइनस जीरो जीरो का मतलब है कि एक्स की वैल्यू भी जीरो और वाई की वैल्यू भी जीरो मत लेना बाकी किसी भी टाइप का पेयर टू कॉमा वन माइनस वन कॉमा रूट थ्री कोई भी दो रियल नंबर्स का पेयर बना लो x कॉमा वाई वो हर रियल वैल्यू है जीरो जीरो को छोड़कर ये लिखने का तरीका है हा है ना तो सर द वेक्टर दिस अच्छा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा ध्यान दिस इज परपेंडिकुलर टू तो दिस वेक्टर तो उसने बोला एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू तो दिस वैक्टर सिक्स वाई ए वैक्टर माइनस एटीन एक्स बी वैक्टर ठीक है ये पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा चलिए आपको यह बताया गया है भैया जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो का करना चाहिए सर दोनों का डॉट निकालकर जीरो कर लेना चाहिए क्या आप इस बात से सभी लोग सहमत हैं क्या एस एच एम टी लिख के भेजो कि हां सर हम भी यही करते या आपके दिमाग में कोई अतरंगी थॉट आ रहा है ठीक है वेरी गुड सर अब एक काम करो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो जब हम इसको और इसको तो सर ये देखना जरा एक्स और वाई तो स्केलर है तो ये सिक्स एक्स वाई आ जाएगा ए का डॉट ए के साथ दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर फिर जब आप इसको और इसको लिखोगे दैट इज सिक्स वाई स्क्वायर सिक्स इंटू वाई सिक्स वाई इंटू वाई दैट इज सिक्स वाई स्क्वायर पहले स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा दो तो ए और बी का डॉट सर ये यहां लिखोगे जब ये इधर जाएगा वापस माइनस एटीन एक्स स्क्वायर और यहां पे था ए और यहां था बी तो दिस इज ए डॉट बी वेक्टर्स के बीच में डॉट लगता है ध्यान रखना प्लीज और सर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज माइनस एटीन एक्स वाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अब इस सवाल में सबसे जोरदार चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ए डॉट बी का कॉपीशन इकट्ठा कर लीजिए प्लीज है हाँ ना और एक्स वाई का कॉपीशन इकट्ठा कर लीजिए एक सेकेंड आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है क्या? है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको नाइन दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं दिया है। अच्छा अच्छा इसमें अब सबसे मजेदार बात बताऊं क्या है सबसे मजेदार बात है ये जिस पे आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा समझ में आएगी नहीं समझ में हाँ अभी आते हैं इस बात पे चलिए इकट्ठा किया हमने ए डॉट बी तो सर ये कितना आ जाएगा ए डॉट बी आ जाएगा दिस इज सिक्स वाई स्क्वायर माइनस एटीन एक्स स्क्वायर इसका कोपिश जो है दैट इज ए डॉट बी है ना बिल्कुल सही और जो एक्स वाई का कोपिशेंट आ रहा है ना एक्स वाई वाली जो टर्म है इसमें से अगर मैं एक्स वाई कॉमन लूं तो दिस इज सिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और इसमें से एक्स वाई कॉमन लू तो माइनस एटीन मैग्निट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और यहां लिखा हुआ है सर जीरो यहां तक क्लियर है आराम से देख लो कुछ नहीं किया इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या ए डॉट बी कॉमन ले लिया तो ये सिक्स वाई स्क्वायर माइनस एटीन एक्स स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन ले लिया ऐसे लिख दिया अब इस बात को मैं अलग से आपको एक समझाता हूं छोटी सी चीज या फिर ऐसे देखो और अतरंगी तरीके से अल्फा स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस बीटा स्क्वायर माइनस वन इन टू वाई मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी इसको आप फील करने की कोशिश कीजिएगा और आज के बाद इस चीज को याद रखना जब वो लिखा जाता है फॉर एवरी एवरी मतलब सर मैं आपको बोलूं कि यार अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ कि ये जो इक्वेशन है ये एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो वापिस अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ कि ये जो इक्वेशन है ना ये x और y की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो मतलब सर हम x और y चाहे हाँ। मतलब कुछ भी पटक दें मैंने कहा मतलब हम x और y कुछ भी पटक दें हां सर बोले ये सर ये तो बढ़िया है तो एक बच्चे ने बोला सर x और y जीरो पटक दो मैंने कहा तूने सवाल समझा ही नहीं मैं x और y की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं बोल रहा हूं अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ कि एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर कोफिशियंट्स को जीरो कर देते हैं एक्स और वाई के जो है जो वेरिएबल टर्म्स है उनके कोफिशियंट को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि अगर ये नॉन जीरो हुए मान लो इसकी वैल्यू आती है सेवन ये लिख दिया एक्स इसकी वैल्यू आती है सर लट से सिक्स वाई अब ये जो इक्वेशन है ना दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है कुछ वैल्यू के लिए जरूर ट्रू है जैसे आप बोल सकते हो एक्स जीरो वाई जीरो एक्स की वैल्यू वन बाय सेवन वाई की वैल्यू माइनस वन बाय सिक्स तो जो आप सोच रहे हो वो आप रख रहे हो वो ठीक है बट हर वैल्यू के लिए ट्रू है क्या एक्स की वैल्यू टू रख वाई की वैल्यू थ्री रखिएफाई कर रहा है तो नो सर दैट मीन ये वाले यहां पर बचने नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये बचे तो सर हर वैल्यू के लिए ट्रू वाली बात गलत हो जाएगी मैंने कहा अभी इस सवाल को पढ़कर मुझे बता क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए मुझे जो भी एक्स वाई मेरे दिमाग में आए जो भी अतरंगी बस जीरो जीरो को छोड़कर टू फाइव सिक्स इलेवन थ्री जो मुझे अच्छा लगे मैं पुट करूं और ये वैल्यू ये इक्वेशन जीरो बन जाए तो so, इसका मतलब है इन भैया को जीरो होना पड़ेगा वेरिएबल टर्म का जो कोफिशंट है और इन भैया को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू जीरो मत कर देना वो तो खुद ही निपटे हुए हैं चलिए तो so, सर हमें एक चीज समझ में आई दैट इज सिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एटीन मैग्निट्यूड ऑफ बी स्क्वायर एक तो ये जीरो होना चाहिए और एक ए डॉट बी जीरो होना चाहिए ए डॉट बी जीरो मैंने कहा हां क्या मतलब है इसका कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बटे अट्ठारह दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर सर यहां आएगा हमारे पास छ इंटू तीन सर ये लिखा हुआ है नाइन इसका मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर हो जाएगा एटी वन अपॉन थ्री दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ओ भाई ट्वेंटी सेवन आ रहा है सर वट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा थ्री रूट थ्री ठीक है अच्छा अब एक बार बताओ ए क्रॉस बी पूछा है भैया ने तो वो क्या होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन दोनों के बीच का एंगल साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री क्योंकि हमें पता चला ए डॉट बी जीरो है सर दिस इज नाइन दिस इज थ्री रूट थ्री एंड दिस इज वन आंसर बोलिए प्लीज सत्ताइस रूट तीन इज द करेक्ट सत्ताईस रूट थ्री इज द करेक्ट आंसर क्लियर है क्या रिपीट करूं जो मैंने बात बोली उसको कि अगर ये चाहते हो लिख लेना ये बात अगर आप चाहते हो कि कोई भी इक्वेशन फॉर एवरी रियल वैल्यू या एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू हो तो वो एक आइडेंटिटी होती है जिसमें हम वेरिएबल के कोफिशियंट को जीरो कर देते हैं सीधे से अगर यहां पर एक टर्म और भी होती है एक्स वाई की उसका भी कुछ कोफिशियंट होता तो मैं उसको भी जीरो करता समझ में क्योंकि तभी ये बात सत्य हो सकती है अब खुद सोचो यहां जीरो बन गया और यहां जीरो बन गया अब एक्स वाई की वैल्यू ठुमक ठुमक के जो रखनी है रखो, हमेशा करेगी। बढ़िया सवाल। <laughs> कैसा लगो बढ़िया था ना हाँ अब इस सवाल का थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर देता हूं ध्यान सुनना प्लीज एक हम बात बोलते हैं दैट इज ऑब्वियस इन इक्वेलिटी ध्यान सुनिएगा प्लीज सर ये ऑब्वियस इनइक्वालिटी क्या है? मैं का बताता हूं अभी ऑब्वियस इन है जी ये अगर आपके पास ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर ये है तीन यूनिट वेक्टर्स मतलब सर आपने सिर्फ इनका magnitude दे रखा है किसके बीच में कितना एंगल है मुझे नहीं पता मैंने कहा बिल्कुल सही अब अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तीनों को जोड़ दूं और तीनों के जोड़ने के बाद में मैग्नीट्यूड लूं और स्क्वायर कर दूं क्या ये वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी आएगी क्या सुनता जाना आराम आराम से क्या ये बात जीरो या हां सर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है जीरो जब तीनों का एडिशन नल वैक्टर बन जाए उसके अलावा कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा तो उसका स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर आएगा आपने सही लिखा है मैंने कहा ओपन कर दे प्लीज सर दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर और आप जानते हैं इसको कैसे ओपन करते हैं डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हैलो हैलो सामने देखते रहना प्लीज मेरा तो यही है कहना सर कैसे मैंने कहा उसने दे रखा है तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं द ओनली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड और गिवन इज कि भाई साहब वो तीनों यूनिट वेक्टर हैं यहां से आप मुझे बताइए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए तीन यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई सर एक प्लस एक प्लस एक तीन ये तीन इधर जाएगा तो दैट इज और ये जो टू था इससे आप डिवाइड कर दीजिए क्या ये बात सही लिखी हुई है तो आंसर इज सर यस अब सर ध्यान सुनना इक्वेलिटी किस केस में होल्ड करती है इक्वेलिटी किस केस में होल्ड करेगी वो मुझे बताओ अच्छा इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो इक्वेलिटी होल्ड करने का मतलब क्वेलिटी होल्ड मतलब ये इसके बराबर तब होगा जब ये चीज इसके बराबर होगी तीन यूनिट वेक्टर हैं तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और आपको उनका रिजल्टेंट जीरो तीनों वेक्टर्स की पोजीशनिंग ऐसे होनी चाहिए मतलब ये ए वेक्टर है या ए कैप लिख लो ये बी वेक्टर है ये सी वेक्टर है और उनके बीच में जो एंगल है वो एक डिग्री का होना चाहिए सर क्योंकि अगर आप दो वैक्टर्स को जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है उनको एक डिग्री पर रखते हो तो जो रिजल्टेंट वैक्टर आता है उसका भी मैग्नीट्यूड वही होता है जो उन दोनों का है तो सर अगर मैं इसका और इसका रिजल्टेंट निकालने जाऊं तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ही होगा बस डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दिस इज द ज्योमेट्री फॉर इक्वेलिटी टू होल्ड फॉर इक्वेलिटी क्या ये बात क्लियर है मतलब आप बोल सकते हो हर एक के बीच में एंगल 120 डिग्री होना चाहिए वैसे ये कॉस थीटा लिखा हुआ है क्योंकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वो दोनों वन वन है कॉस थीटा ए और बी के बीच का एंगल कितने लोगों को बात समझ में आई <coughs> ये कौन है भाई एक बोल रहा है स्टोरी बताओ ना भाई साहब क्या यार एक बार सभी लोग एस लिख के भेजो तो इक्वालिटी के लिए सर ये वाली कंडीशन है क्या ये बात एकदम क्लियर है तीन यूनिट वेक्टर उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा दो दो के डॉट का सम जो है वो मिनिमम माइनस थ्री बाय टू होता है दिस इज मिनिमा अब इस बात पे सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा गया है यस और नो बहुत बढ़िया सर आई आई टी जे दो हजार बारह का क्वेश्चन है एडवांस का ध्यान रखिएगा प्लीज वापिस से मुझे तीन यूनिट वैक्टर्स जब भी आपको कभी भी तीन यूनिट वैक्टर्स दिखाई दें आप तुरंत लिखना स्टार्ट कीजिए सर ये क्या लिखा हुआ है पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं मैंने कहा यार इसका स्क्वायर तो पचास बार लिखना सिखा दिया बोले सर झूठ ना बोलो पचास बार नहीं सिखाया तो मैंने कहा छह बार तो हो गया बोले हाँ फिर ठीक है हाँ रैंडम कुछ भी काउंटिंग फेंक दे रहे हो हमारी तरफ ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी सर दोनों यूनिट वेक्टर है तो ये आ जाएगा टू माइनस टू ए डॉट बी क्या ये बात क्लियर लिखी हुई है क्या हाँ सर सिमिलरली सिमिलरली भाई साहब कुछ शब्द जो इंग्लिश के बहुत खतरनाक है <laughs> ओहो सर सिमिलरली इसको जब ओपन करोगे मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस टू बी डॉट सी मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी की वैल्यू वन वन है तो ऑब्वियसली क्योंकि यूनिट वेक्टर दे रखा है कैं की यूनिट वेक्टर दे रखा है अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो ध्यान सुनना ये कितना आएगा दो दो चार और दो छे छ माइनस दो इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और ये वाला एडिशन जो है ना उसने नाइन के बराबर खुद दे रखा है तो मैंने कहा यहां से तो वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो यहां से ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू जो है वो माइनस थ्री बाई टू आ रही है आराम से देख ले तीन यूनिट वैक्टर और इनके दो दो के डॉट का सम जो है वो माइनस थ्री बाई टू आ रहा है इक्वेलिटी कब होल्ड करती है अभी बता के आया हूं पक्का सर वो ये बोलना चाह रहा है कि उन दो तीनों यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल 120 120 120 है <laughs> वाह क्योंकि देख लेना भाई इसको इधर लेके गए इसको इधर लेके छह में से नौ गया तो माइनस तीन और बटे दो तो दैट मीन सर इनकी जो ज्योमेट्री है इनकी जो ज्योमेट्री है वो पक्का ऐसी है क्या आपको ये बात समझ में आती है

आप इस ज्योमेट्री को देखकर बोल सकते हो कि b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज माइनस a वेक्टर क्योंकि इधर इक्वेलिटी होल्ड करने का मतलब है इधर इक्वेलिटी होल्ड करना और तीन वेक्टर्स का सम जीरो आएगा तभी इक्वैलिटी होल्ड करेगी तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर नल वेक्टर b प्लस सी की जगह माइनस ए लिख सकते हैं ना नू ना नै ना नी, नी ना ने कौन है भाई कहा चाहिए अभी ये बताओ समझ में आएगा एसएमजे लिख के भेजिए प्लीज माइनस थ्री कौन है भाई यहां से सीधा पिएगा मजा ज्यादा आएगा ध्यान रखना ये तो इनडायरेक्ट है इसमें क्या यहां पे खोपड़ी गर्म हो जाती है फिर अंदर से हा है ना सीधा पीना यहां से निकाल के दे दूंगा एक थैली सीधा तेरे घर पे माइनस थ्री क्यों मैग्नीट्यूड निकाल रहा है माइनस थ्री प्लस थ्री बेटा प्लस थ्री एसएमजे <laughs> लिखने के लिए बोला था बीच में लोग ब्रेक ब्रेक बोले ये कुछ लिखवा रहा है फटाफट फटा अपनी बात भी लिख देते हैं है ना डाक लाया बहुत बढ़िया आ जाइए प्लीज नेक्स्ट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए जवाब मतलब तीन वेक्टर्स को इस तरीके से सेट से कर दो डॉट और क्रॉस के कॉम्बिनेशन से कि जवाब एक स्केलर आए इसको हम प्यार से बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं ऑल्दो इस पे आपको प्यार बहुत आना चाहिए बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट इसको हम क्या बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट क्या बोलते हैं बेटा बॉक्स प्रोडक्ट क्योंकि ऐसे बॉक्स लगा के लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन है बस ऐसे समझो तो सर दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट ठीक है लिखने का तरीका है ऐसे ठीक है डायरेक्टली इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे अगर आपको वेक्टर्स तीनों आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दे रखे हो और आपको बॉक्स एबीसी पूछा है तो पहले वाले से पहले वाले के आई कैप जे कैप के कैप के कोविशन से रो वन बना दो दूसरे वाले के इससे रो टू बना दो इससे रो थ्री बना दो ठीक है हाँ ठीक है हाँ या ना। सर डिटर्मिनेंट कहा जब आप ए क्रॉस बी निकालते हो तो डिटर्मिनेट आता है है हाँ ना बस डॉट सी के साथ लोगे तो के अंदर भेज दिया डॉट को तो सी वाला जो फैक्टर है वो आ गया बस आई कैप जे कैप के कैप की जगह सी वन सी टू सी थ्री आ गए ठीक है तो ये हमारे पास सर जनरल फॉर्मूला है बॉक्स प्रोडक्ट का याद रखिएगा प्लीज क्या ये बात एकदम क्लियर है क्या यस और नो दिस इज क्लियर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सर सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी पहली चीज है डॉट और क्रॉस कैन चेंज देयर साइन कैन चेंज देयर पोजिशन मैं अगर ध्यान से बताऊं आपको तो मैंने ये नहीं बोला कि वैक्टर्स की जगह बदल दो उसने बोला है कि डॉट और क्रॉस की पोजिशन बदल दीजिए डॉटर क्रॉस की पोजिशन बदलने का मतलब है कि जहां पर डॉट लगा हुआ है वहां पर क्रॉस लगा दो जहां पर क्रॉस लगा हुआ है वहां पर डॉट लगा दो ज एज सेम ठीक है अब आप इसको डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं कि अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डॉट में तो पोजिशन मैटर करती नहीं तो B क्रॉस C ये डॉट पहले लिखा हुआ है बाद में लिख दो तो सर इसका हम क्या करेंगे अगर आप हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोलो या इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलो तो सबसे पहले B वेक्टर है तो B वेक्टर के कैप कैप को कैप के कोपिशन से रो वन बन बना दो दूसरे पोजीशन पर C वेक्टर है तो C वेक्टर के कैप 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 के कोपिशन से रो टू बना दो और लास्ट पोजीशन पे सर ए है अब सर ये वाला डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है सर ये दोनों सेम कैसे हैं मैंने कहा से यहां जाते वक्त इवन नंबर ऑफ चेंजेस क्या आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज याद है नहीं याद है तो फॉर द टाइम अभी आप ऐसे याद रखो कि डॉटर क्रॉस की पोजिशन चेंज की जा सकती है अगर आप साइकिल ऑर्डर में मूव करते हो साइकिल ऑर्डर में मूव करते हो मतलब ए के बाद में बी सर बी के बाद में सी और सी के बाद में ए अगर आप साइकिल ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करते हो तो बॉक्स की वैल्यू सेम आती है ध्यान सुनिएगा, साइकिल ऑर्डर डिस्टर्ब किया मतलब ए बी सी लिखा हुआ है आपने देखो ए के बाद में बी आना चाहिए था आपने सी लिख दिया तो आपने वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन से चेंज हो जाएगी मतलब एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा क्लियर है दयावंती जी पूछ रही हैं कि थ्री डी कौन पढ़ाएगा ये जोखिम भरा कार्य मैं करूंगा अबे कोई भी पढ़ाए तुम्हें उससे क्या लेना देना है मैं पढ़ा दूंगा ठीक है सर हमें तो आपसे पढ़ना ही नहीं था मैं अच्छा कोई बात नहीं फिर भी मैं ही पढ़ाऊंगा टेंशन ना लो अब आ जाओ इधर ठीक है हाँ ठीक है एस टी पी इन एनी टू फॉर एनी टू और थ्री वेक्टर्स आर पैरल जीरो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स में आपको पैरेलल दे दूं, समझ में इसका मतलब जैसे मान लो ये लिखा हुआ ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री कैप कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल आपको बताने हो तो a1 वन अपॉन बी वन पैरल तब होते हैं a2 टू अपॉन बी टू

एक बोल रहा है सर ये टॉपिक तो शायद केमिस्ट्री का है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भाई हाँ माय मिस्टेक बेटा माय मिस्टेक आपकी कोई गलती नहीं है इसमें एसटीपी की शॉर्ट फॉर्म हाँ भाई साहब गजब यार गजब ठीक है तो जैसे ही आपने दो वेक्टर्स को पैरेलल दिया मतलब इस डिटर्मिनेंट की सर दो रोज जो, हैं वो सर, I, J, जो है वो एक दूसरे की मल्टीपल होगी डिटर्मिनेट की वैल्यू जीरो माइनस वन आ जाएगा जब भी बॉक्स की वैल्यू पॉजिटिव आए तो आप बोलना राइट हैंडेड सिस्टम है जब भी बॉक्स की वैल्यू नेगेटिव आए तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है ऐसा बोला जाता है समझ में बॉक्स पॉजिटिव तो राइट हैंडेड सिस्टम बॉक्स नेगेटिव तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम इससे कोई सवाल नहीं पूछेगा घबराओ मत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दिस अब आते हैं सर जिससे क्वेश्चन आना है ठीक है हाँ सभी लोग अपने लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल की आवाज धीरे कर लेंगे ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए के के पी एन सी सी सिचुएशन मेरी आज ही बात हुई है एन टी ए वालों से हंड्रेड परसेंट उन्होंने बोला है कि हमने सभी शिफ्ट में इस पर सवाल डाले हैं किसी को मत बताना किसी को पता नहीं आवाज धीरे कर ली ना ठीक हाँ, है इस पे यहां पे आपको जो सात सवाल सॉरी चार फॉर्मूलाज दिख रहे हैं हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आएगा <coughs> सर आपकी एनटीए वालों से बात हुई है <coughs> आपको पेपर पता है मतलब है? मैं कह यार अब देखो <coughs> पेपर पता करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि एनटी वालों को क्या पसंद है हाँ तो पिछले सारे पेपर उठा के देखता हूँ तो इसके सवाल पता नहीं क्यों मुझे वहां पर ही जाता है समझे कि नहीं समझे हाँ ठीक है ध्यान रखिएगा प्लीज पेपर लीक <laughs> बेटा पर तू आगे लीक मत कर देना ठीक है हाँ। सर पहली प्रॉपर्टी क्या है कि बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर देखो ये स्पेस में लिखते हैं थोड़े थोड़े वेक्टर्स। अगर ये स्केलर्स यहां पे लिपटे झिपटे पड़े हैं तो इनको सबको बॉक्स से बाहर निकालो और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स एबीसी की वैल्यू आ जाती है जी क्लियर है ड्रेड परसेंट आएगा याद करेगा मेरे को ध्यान रखना सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना मतलब ये वाला जो है इस पर अभी हम सवाल करते हैं इसमें क्या है जो पहला वैक्टर है वो तीन वैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो दूसरा वैक्टर है वो भी तीन वैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो तीसरा वैक्टर है वो भी तीन वैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है तो इस केस में आप क्या करो तो ये जो तीन वेक्टर्स है इनका बॉक्स तो बाहर लिख दो अब जरा देखना यहां पर ए बी और सी वेक्टर के जो कोफिशियंट हैं ए वैक्टर बी वैक्टर और सी वैक्टर के जो कोफिशियंट है अल्फा बीटा गामा उसकी एक रो बना यहां पर जो है L, M और कोफिशियंटल उसकी एक रो बना यहां पर जो कोफिशियंट है P, Q, R, उसकी एक रो बना तो एक डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइडी सर दो बॉक्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है मतलब तीन अलग वेक्टर्स है हमारे पास उनका बॉक्स तीन अलग वेक्टर्स है उनका बॉक्स दिस इज बेसिकली डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है तो इसको इधर भेज दो एल डॉट ए एल डॉट बी एल डॉट सी एमडोटॉट बी एमडोट सी एन डॉट ए एन डॉट बी एन डॉट सी लिखा हुआ अब यहां आ जाइए प्लीज इनफैक्ट जेन्स दो हजार चौदह का तो क्वेश्चन यही है उसने पूछा ये ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए किसके बराबर होता है तो बॉक्स ए बी सी के स्क्वायर के बराबर इसका प्रूफ अभी बता दूंगा बट यहां से यहां जाना इज वेरी इजी बोले सर कैसे मैंने कहा देख ले बॉक्स ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई बॉक्स ए बी सी एल एम एन की जगह ए बी सी रख दो तो यहां पर अगर मैं यहां पर, A रखूं, पर A रखूं, ए रखू यहां ए रखू तो ए डॉट ए ए रखू तो बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी सी डॉ ए सी डॉट बी सी डॉट सी सर ये जो आपने सारे सवाल करवाए हैं अगर इस पे एक बढ़िया एग्जाम्पल हो जाए तो मजबू आ जाओगो मैंने कहा देखो भैया फटाफट मुझे बताना इसका सबसे पहले जवाब कौन देगा ए वैक्टर जो है हाँ जी थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप and b vector is i cap plus j cap minus k cap and c vector is 4 i cap minus j cap plus 5 ya 2 k cap तब आप मुझे फटाफट बताएं then find the value of फटाफट हाँ सारे अभी जो भी प्रॉपर्टीज बताई उनको एप्लीकेशन बता रहा हूं पहला बॉक्स ऑफ a c b या फिर ए बी सी ये तो सही बता दो चलो दूसरा थ्री ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर प्लस टू सी वैक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सॉरी ए वैक्टर माइनस सी वैक्टर बी वैक्टर प्लस फोर सी वैक्टर ठीक है थर्ड इज माइनस टू ए वैक्टर प्लस थ्री सी वैक्टर मतलब ये दूर लिखा हुआ है माइनस टू बी वैक्टर इसकी वैल्यू फोर्थ इज फटाफट ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी का बॉक्स चलिए फटाफट वैल्यू बताना स्टार्ट कीजिए प्लीज ये सारी प्रॉपर्टीज जो पिछले चार्ट पे मैंने बताई है ये वाले सारे के सारे फॉर्मूले अब लगाना सिखाते हैं सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर तीन वेक्टर्स आपको ऐसे दे रखे हों तो उसमें बॉक्स प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं डायरेक्टली सर बॉक्स ए बी सी ध्यान सुनिएगा प्लीज बॉक्स ए बी सी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए प्लीज क्या करिए डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस यहीं पर ही सॉल्व करके जाइए ताकि आपको घर पर दिमाग ना लगाना पड़े क्या मेरी बात समझ में आती है है ना आ जाओ सर क्या आएगा जरा बोलना <coughs> सर आई कैप के कोपिशन से बना दो आप एक रो मैंने बना दिया फिर जे कैप के कोफिशन से आप मतलब बी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के कोपिश से आप एक रो बना दो इसके इसके और इसके और कोफिशन उठा लो और डिटर्मिनेंट में पटको फटाफट ठीक कर रहा हूं ना फोर माइनस वन टू सर यह आएगा थ्री इन टू ये आ जाएगा बेटा टू माइनस वन प्लस वन टू सर क्या है बी ए प्रॉपरली मैंगा सॉरी माइनस एक माइनस चार क्या है विचार सर ये लिखा हुआ है थ्री सर ये लिखा हुआ है सिक्स ओ भाई ये तो नेगेटिव आ गया बे कोई बात नहीं अरे यार ये माइनस बना रहेगा अब ये कौन है जो नाइन लिख रहा है बेटा भोले यहां पे प्लस बनाएगा ध्यान रखना ये वाला ठीक लग रहा है चेक कर लेता हूं है ना एक बच्चा बोलेगा यहां प्लस वन आएगा नहीं आएगा बेटा प्लस वन यहां पर प्लस वन नहीं आएगा बिल्कुल सही माइनस वन इज द करेक्ट आंसर आ जाओ सर ये तो उसने बॉक्स ए -बी -सी पूछा है मैंने कहा उदास क्यों हो रहा है बता दे फिर बोले सर इतना आसान पूछ लिया मजा नहीं आया फिर सर इसमें हमें बताया गया था कि जो भी स्केलर बैठे हो उनको बाहर भेजो बाहर भेजने का मतलब है मल्टीप्लीकेशन में दिस इज माइनस टू इंटू थ्री इंटू माइनस टू पीछे बचेगा बॉक्स ए बी सी आंखें खोल के देख लेना बेटा बॉक्स ए सी बी लिखा हुआ है सर ये लिखा हुआ है बारह और जब आप इसको ये बॉक्स ए सी भी लिखा हुआ है और आपके पास वैल्यू जो है वो बॉक्स ए बी सी की है एक चेंज आपको करना पड़ेगा साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब किया है तो हम इसको लिखेंगे माइनस बॉक्स ए बी सी अब अगर, अगर आपने ये गलत जवाब दिया है तो ऑब्वियसली आपकी फॉल्ट है बेटा देखो ये माइनस साइन था बॉक्स ए बी सी की खुद की वैल्यू माइनस वन है तो करेक्ट आंसर इज ट्वेल्व आप लोग अगर माइनस ट्वेल्व दे रहे हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि आपने प्रॉपर्टी नहीं सीखी क्योंकि यहां पर आपने वैल्यू निकाली है बॉक्स ए बी सी की यहां पर देख रहे हो एक चेंज हो रखा है बी और सी की पोजिशन चेंज कर रखी थी मैंने तो जब ये एक चेंज करोगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा समझ में प्लस ट्वेल्व इज द करेक्ट आंसर सर ये भी देखना जरा अब जब आपने फॉर्मूले याद करते हो तो खुद बोल बोल के ए क्रॉस बी फिर बी क्रॉस सी फिर सी क्रॉस ए जो मैंने आपसे पूछा है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया ध्यान रखना हम्म ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी नहीं है यहां बैठा है अच्छा तो सर एक काम करते हैं इसको यहां और इसको यहां लेके आते हैं दैट इज एक चेंज करते हैं एक चेंज करने से सर एक नेगेटिव साइन आ जाता है क्या आपको यह बात पता है फिर एक बच्चे ने बोला सर अब जवाब आ गया प्लस वन फिर एक ने बोला थोड़ा समझदार बोले वीट ही मिनट मैंने पूछा क्या दिक्कत है बोले ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी हम्म सर कुछ जीडीबीडी लग रही है जीडीबीडी मतलब गड़बड़ है ऑब्वियसली सर यहां पर होना चाहिए था सी क्रॉस ए आपने लिखा हुआ है ए क्रॉस सी हमारे साथ कॉमेडी मैंने कहा सर आप जब पोजीशन चेंज करोगे तो ये रहा समझ में आया यहां पे सी क्रॉस ए नहीं था बेटा ए क्रॉस सी था जगह बदली तो एक माइनस साइन आया अब ये जो माइनस साइन है ये स्केलर है इसको बाहर भेज दे हां अब ये बन गया ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए माइनस साइन बाहर भेजने के बाद में वो होता है बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर हां माइनस वन और वन में उलझे हुए हो बेटा लपेटे जाओगे बहुत बुरे आराम से गो बाय द कॉन्सेप्ट इस माइनस साइन को बाहर भेजा माइनस माइनस गायबी बी क्रॉस सी सी का स्क्वायर बॉक्स एबीसी की वैल्यू माइनस वन है उसका स्क्वायर आंसर जोरदार आना चाहिए अगर आपका वन से माइनस वन भी आ रहा है तो आप समझ लेना ज्यादा मतलब ज्यादा बड़े गड्ढे में हो क्योंकि माइनस वन घर आएगा मेरे घर आया एक वन, समझ में डू यू हैव टू इन दिस क्वेश्चन सर ये वाली प्रॉपर्टी यहां से उठाई गई है अब की बार जो है वो बॉक्स तीन अलग अलग वेक्टर्स का है जो कि इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है समझ में इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो आप क्या करो पहले इसको सही से लिख लो हाँ क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन में जो आपने पहले पोजिशन पे ये जो वैक्टर दे रखा है इसके कोफिशियंट जो है वो डिटर्मिनेंट में जाएंगे कंफ्यूजन ना हो तो मैंने तो ऐसे लिख लिया ए वेक्टर प्लस जीरो बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर बिकॉज तीनों में ए बी सी दिखाई देना चाहिए तो दिस इज जीरो ए वेक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस फोर सी वैक्टर क्योंकि सर माइनस वन घर नको लाने का अब ए बी सी के जो कोफिशेंट हैं उनसे एक डिटर्मिनेंट बनेगा थ्री माइनस वन टू सर यहां आ जाएगा वन जीरो माइनस वन और सर दिस इज जीरो वन फोर और मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स ए बी सी जिस ऑर्डर में आपने वेक्टर्स लिखे हैं ए पहले बी बाद में सी बाद में वैसे यहां पर लिखे जाएंगे क्लियर है ये कितना आ रहा है जल्दी से बता दो सर नाउ वी कैन गो बाय दिस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ये थ्री इन टू फोर जीरो आएगा प्लस वन ठीक है और उसके बाद में ये आ जाएगा सर प्लस वन फोर ठीक है और फिर आएगा सर प्लस टू वन आ, तीन चार और दो सात और दो नौ ओ भाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है नाइन बॉक्स एबीसी की वैल्यू आ रही है माइनस वन दिस इज माइनस नाइन अगर आपका एक भी जवाब गलत है तो माइनस वन लिख लीजिए कॉपी में माइनस मैं। फाइव इंपैक्ट क्योंकि यह सवाल गलत होना नहीं चाहिए आई बिलीव प्रॉपर्टी क्लियर है ठीक है अब चलते हैं हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे, जो आप बॉक्स कैलकुलेट करते हो वो एक वैल्यू वैल्यू आती है, वो है, वो वो किसको रिप्रेजेंट करती मैं आपको बताता हूं। सभी लोग अपने से, अपनी अपने क्षेत्र अपने अपने का चलता है, उसके हिसाब से बोलते हैं कुछ लोग कुछ लोग मेरी वाली तरह मतलब, बोल देते हैं कुछ लोग इसको पैलेलो पाइप बोलते हैं कुछ और भी थोड़े पाइप समझ में हाँ पूरा नहीं बोलेंगे पैपाइप ठीक है ऐसे भी आप बोल सकते हैं जो आपको ठीक लगे वो सर मुद्दे पे आते कि ये होता क्या है जिस कमरे में आप बैठे हैं दैट इज क्यूबॉइड जिसके सारे फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगल होते हैं ध्यान सुनिएगा प्लीज ठीक है जिसके सारे फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगल होते हैं अभी हमें ये पता चला है कि अगर हम उन्हीं सारे रेक्टेंगल फेसिस को पैलोगोग्राम बना दें और कमरा जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो दैट दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज पैरलो ठीक है सर सर बेसिकली जब आप क्यूबॉइड बनाते हो तो आप देखना जरा ऐसा बनाते हो क्या मैंने कहा हां बोले ये क्या है ये बन गया क्यूबॉइड सारे फेसेस रेक्टेंगल हैं बोले अच्छा अब आप एक काम करो सारे फेसेस पैरलो ले लो ये जो बनेगा इसको हम पैरल बोलते हैं क्लियर है चलो सर जो भी बोलते हैं समझ गए अब इसके तीन को इनिशियल एजेस या को टर्मिनस एजेस एक पॉइंट से निकलने वाले तीन मतलब आ जा हाँ ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये सी वेक्टर समझे कि नहीं समझे हाँ सर दिस इज सी वेक्टर दिस इज ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर तो एक पॉइंट से निकलने वाले तीन वेक्टर हमें पता चल गए ए बी सी को को इनिशियल को टर्मिनस कुछ भी बोल सकते हैं वैसे तो जो फॉर्मूला होता है

अब सर ये टेट्राहेड्रन क्या प्रोग्राम है इसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म समझ में आया ट्राइंगुलर सॉरी ट्राइंगुलर प्रिज्म नहीं ट्राइंगुलर पिरामिड टेट्राहेड्रन क्या होता है बेटा ट्राइंगुलर पिरामिड होता है पिरामिड का नाम आपने सुना है हाँ छोटे बच्चों की तरह बोल दो पिरामिड मतलब इजिप्ट बोले मम्मी अरे मैंने कहा बस उससे भी बाहर आ जा भाई पिरामिड मतलब आप कोई भी एक स्ट्रक्चर अपने हाथ पे ड्रॉ कीजिए उस उसके सारे वर्टिसेस को ऊपर एक पॉइंट से जोड़ दीजिए दैट इज कॉल्ड पिरामिड समझ में हाँ अगर आपने बेस लिया है स्क्वायर और उसको ऊपर सबसे जोड़ दिया तो ये कहलाएगा सर स्क्वायर पिरामिड पेंटागन लिया है तो पेंटागोनल पिरामिड कि नहीं समझे ऐसे तो अगर आपने टैट्राइडन पे क्या होगा भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन <laughs> गजब जो काम जहां करना चाहिए हम वहां नहीं करते आगे चल के बहुत समस्याएं आएंगी ध्यान रखना सुधार लो इसको यहां पे टेट्रा हाइड्र देखते ही बोले sp3 हाइब्रिडाइजेशन हाँ सर हम तो क्या है वो हमने ऐसे बस नाम आप तो हमसे अगर कोई ओरल जेई का पेपर होता ना मतलब वाइवा टाइप्स तब हमारी रैंक सर बहुत बढ़िया आती

प्राउड ऑफ यू शाबाश है ना वाई बात चल रहा है कुछ भी बोल दो नंबर तो मिल ही जाने हैं है <coughs> टाइट्राइड्रन इज ए ट्रैंगुलर पिरामिड टैट्रा इज ए ट्राइंगुलर पिरामिड बहुत बढ़िया सर इसके कितने फेसेस होते हैं हर एक फेस ट्राइंगल बनता है समझ पा रहे हो जैसे आपने ये एक टेट्राइड्रन बनाया सामने देखो ठीक है तो इसमें ये एक ट्राइंगुलर फेस है ये एक ट्राइंगुलर फेस है ये एक ट्राइंगुलर फेस है और ये एक ट्राइंगर फेस है तो टोटल तो 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 हमारे पास चार ट्राइंगर फेस है एजेस की अगर मैं बात करूं तो छह एजेस है एक दो तीन चार पांच छह टोटल तो हमारे पास छह छियर है अब है अब अगर इसमें एक पॉइंट से निकलने वाले एक पॉइंट से निकलने वाले तीन वेक्टर्स आपको ऐसे मिल जाए इनिशियल एजिस तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो बेसिकली बेसिक फार्मूला तो ये है जैसे पैरलो पाइप का बेसिक फार्मूला जो है वो ऊपर लिखा हुआ है बेस एरिया हाइट तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो ये वॉल्यूम ऑफ इज एट्राइडन बेस एरिया इंटू हाइट जहां पर भी आप बेस पर रखी हुई चीजों को ऊपर किसी से कनेक्ट करोगे उस हर उस टाइप की स्ट्रक्चर की वॉल्यूम में वन बाई थ्री का फैक्टर आता है जैसे आप कौन देखते हो तो कोन है ना तो वॉल्यूम क्या होती है वन बाई थ्री पाई आर स्कवायर एच तो वॉल्यूम ऑफ़ टेट्राहेड्रन निकल के आएगी हाँ जी, उनका अगर आप बॉक्स लोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगी पैलो पाइप की अगर आप उसको वन बाय सिक्स से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम टेट्राहेड्रन की मिल जाएगी चलिए अब हम सवालों की ओर चलते हैं पैदलो पाइप और एस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं बेटा हम लोग करेंगे बट आप हमेशा याद रखिएगा एस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम्म एक जब से लिख रहा 800 लोग भाग गए और हंस भी रहा है <laughs> तेरा कुछ लेके भागेंगे वे <laughs> कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं ले गए <laughs> जो तू तो उनको ढूंढ रहा है सर जेई नाइनटीन नाइनटी फाइव में एक सवाल आया दो मार्क्स का सर ये इतना सवाल पुराना कहां से आ गया <laughs> मैं कहा आई आज की थोड़ी है हाँ ऐसे करते करते ऐसे हो जाओगे तब भी वो नहीं होगा चलिए फटाफट सॉल्व करके बताओ इसका जवाब इनमें से किसके बराबर है बॉक्स सीबीसी अबे सीबीसी कहा से आ गया सी बी ए यहां पे सी बी ए है चलिए ब्रेक देंगे बेटा चलिए सॉल्व करें सर ये काम करते हैं पहले तो इसको सॉल्व करते हैं मैंने कहा बहुत बढ़िया ध्यान रखना ये ऐसे टाइप की चीजें चलती रहती है ए क्रॉस सॉरी ए प्लस बी का जो क्रॉस है वो ए वेक्टर प्लस सी वैक्टर के साथ है चलो भैया इस ए को भेजो इधर विद क्रॉस तो ये आएगा ए क्रॉस ए और ये आएगा सर ए क्रॉस सी फिर यह आएगा सर बी क्रॉस ए फिर यह आएगा बी क्रॉस सी है ना सर खुद का खुद के साथ क्रॉस जीरो महंगा बहुत बढ़िया <coughs> चलिए तो सर ये लिखा हुआ है ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी ठीक है अब इस पूरे के बाहर बैठा है ए प्लस बी प्लस सी जल्दी से जवाब बताना क्या आएगा और इसका इसके साथ डॉट अब एक एक करके भेजते हैं एक एक करके सर इसका डॉट इसके साथ कितने लोग एग्री करते हैं ए का डॉट ए क्रॉस सी के साथ जीरो आएगा आप दोनों ही एंगल से सोच सकते हो अगर आप डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो पहली रो भी ए वन ए टू ए थ्री दूसरी रो भी ए वन ए टू ए थ्री दैट मीन डिटर्मिनेंट की दो रो सेम होगी तो ऑब्वियसली सर ये जीरो वरना आप टेक्निकली सोचो तो ए वेक्टर और सी वेक्टर का आपने क्रॉस लिया तो एक वेक्टर आया जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है अब उस वेक्टर का डॉट आप फिर से ए वेक्टर के साथ ले रहे हो डॉट ले रहे हो दैट मीन सर वो जीरो आएगा दैट मीन सर क्रॉस में ये वाली चीज आ जाएगी जीरो फिर इसके साथ ये क्या आएगा वापिस सर ए का डॉट बी क्रॉस ए के साथ वो भी जीरो ए का डॉट बी क्रॉस सी के साथ ये ठीक है सर ये थोड़ा जिंदा बचेगा क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस a वो तो जीरो ही हो गया ना भाई सेम लॉजिक से अब सर b का डॉट इसके साथ दिस इज बी डॉट ए क्रॉस c b का डॉट इसके साथ जीरो b का डॉट इसके साथ जीरो c का डॉट इसके साथ जीरो c का डॉट इसके साथ लिखा जाएगा दैट इज सी डॉट बी क्रॉस a c का डॉट इसके साथ जीरो इसके साथ सी डॉट बी क्रॉस a c का डॉट इसके साथ जीरो अब सर जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में इनका बॉक्स बना दो बॉक्स ए दिस इज बॉक्स बी ए सी एंड दिस इज बॉक्स सी बी ए अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइक्लिक ऑर्डर यहां ब्रेक हुआ बी के बाद में सी आना चाहिए था दैट मीन अगर आप साइक्लिक ऑर्डर ठीक करो तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा है ना वरना आप ए लिख लो कोई दिक्कत नहीं बीसीए लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ये और ये गया सिर्फ ये बच गया दैट इज सी बी ए सी बी ऑप्शन बी टप्पो इज करेक्ट सही है अब ये डी वाला कौन है कुछ भी ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए क्या बात कर रहा है यार ऐसे नहीं आई डी जी का पूछा हुआ सवाल बढ़िया सवाल है <coughs> एक बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या नहीं समझ में आया भाई आराम आराम से क्रॉस प्रोडक्ट को अंदर भेज लेफ्ट साइड वाला वेक्टर लेफ्ट में रहेगा राइट right साइड वाला वेक्टर राइट right में रहेगा सारों को मल्टीप्लाई कर दे उसके बाद में बाहर से डॉट जब भेजेगा चल तुझे दूसरे तरीके से समझाता हूं चलो इसको रटने वाले तरीके हूँ देख बेटा यहां से जो वेक्टर उठ रहा है यहां पर अगर वो इनमें से किसी के साथ बैठा है जैसे मान लो ए यहां पर भी है यहां पर भी है तो इसका इसके साथ डॉट जीरो डॉट जीरो ट्रिक होती है इसका इसके साथ डॉट बचेगा वैसे ही सर इसका सिर्फ इसके साथ डॉट बचेगा मतलब इसका एक सेकेंड तो ट्रिक आप सीख लो पहले अच्छे से मैं कहा इसका इसके साथ डॉट बचेगा बाकी सब जीरो हो जाएगा इसका इसके साथ डॉट बचेगा और इसका इसके साथ डॉट बचेगा बाकी सब जीरो हो जाएगा ठीक है लास्ट स्टेप क्या है भाई ये देख इस ऑर्डर में लिखा जाता है अब ये और ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं कैसे पता चलेगा सर अब भैया Hmm, सर एक काम करो इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा पोजीशन चेंज करने पे कोई खर्चा नहीं आता बोले हाँ सर एक नेगेटिव साइन का खर्चा आता है बीसीए की जगह साइकिलिंग ऑर्डर मेंटेन करते हुए क्या आप एबीसी भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नहीं सुनी थी क्या ओ भाई बी सी ए की जगह आप एबीसी लिख सकते हैं ठीक है आई होप चलिए

उसके तीन को इनिशियल एजेस उसके तीन को इनिशियल एजेस यही तीन लोग हैं तो अगर आप इसकी वॉल्यूम लिखना चाहते हो तो दैट इज बॉक्स ऑफ ए कैप बी कैप सी कैप ठीक है बट सर हमें जनरली पता है बॉक्स प्रोडक्ट लिखना तब आसान लगता है जब वेक्टर हमें आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दे रखा हो बट बेटा अगर उसके अलावा कभी आपको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना पड़े दैट यू हैव टू गो बाय द प्रॉपर्टीज और आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए एक सबसे मजेदार और जोरदार प्रॉपर्टी जो कि सबसे मुश्किल होगी क्लास मतलब क्वेश्चन में हिंट लगना जिसका वो होती है ये वाली जब आपको तीन वेक्टर्स दे दिए जाएं तीनों का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और हर दो के बीच में एंगल दे दिया जाए तब भी आप बॉक्स प्रोडक्ट निकाल सकते हो क्योंकि बॉक्स का जो स्क्वायर है वो देख किसके बराबर है ए डॉट ए वेक्टर्स का डॉट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन दाहो तो आप इस बात को चाहो तो लिख लो ये जो तीसरा या पॉइंट कब यूज होगा वेन वी हैव मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन द तब आप इस फॉर्मुले से बॉक्स प्रोडक्ट निकाल सकते हैं तो मैंने कहा देख भैया वी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं बोले सर ठीक है और सर वी स्क्वायर मतलब इनका तो ये क्या आएगा ए कैप डॉट ए कैप एक कैप डॉट बी कैप कैप डॉट सी कैप बी कैप डॉट ए कैप जब आप बताओ जब तक मैं ये तैयार करता हूं हाथ मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन सर अब की बार एंगल तो नहीं दे रखा। अरे मैंने कहा ये क्या है सर ये तो हाफ है अरे इसको पूरा लिख पूरा छोटू अच्छा ए ये ठीक है सर अभी कुछ लोग अभी भी सर खुजा रहे हैं बोले सर इसमें ठीक क्या है वन वन कॉस थीटा हाफ सिक्सटी डिग्री नहीं दिखाई दे रहा अच्छा नहीं समझ में आया अच्छा कुछ भी कर लो बोले नहीं समझ में आया चलो भैया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ए डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट सी एक यूनिट वेक्टर का डॉट खुद के साथ करोगे तो वन 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 आंसर आता है ए डॉट बी बेटा उसने हाफ दे रखा है ए डॉट सी भी बेटा उसने हाफ दे रखा है देख लें सर ए डॉट बी भी उसने हाफ दे रखा है बी डॉट सी भी उसने हाफ दे रखा है हैं, देख इधर, चलिए सॉल्व करो फटाफट जवाब बताइए क्या जवाब आता है आई बिलीव ये वन बाई टू निकल के आता है अबे पाँच मिनट का नहीं तसल्ली से ब्रेक ले लेंगे पहले ये सॉल्व कर ले तू। बोल रहा है हाँ पाँच मिनट सर हम तो बैठे बैठे ही हैं पाँच मिनट आपको भी जल्दी <hah> से कितना आ रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा बस कैसे पता चलता है क्योंकि जो टेक्निकल तरीका स्क्यू सिमेट्रिक जानने का पहली चीज तो ये डिटर्मिनेंट है उसके डायगनल एलिमेंट पहली बात जीरो होनी चाहिए ठीक है हाँ ये वैल्यू पूरी निकल कर आएगी हाफ अब एक मजे की बात घर पे माइनस वन मत ले आना, चलो बच गए हाफ इसमें आंसर नहीं है ये आपने बॉक्स का स्क्वायर बताया है तो इसका जो रूट है वो वन बाय रूट टू आ जाएगा वॉल्यूम पूछिए उसने yes or no? Clear है? बहुत बढ़िया शाबाश अब हम आते हैं VTP पर ठीक है अब पहले लिख देता हूं भैया वीटीपी क्या है तीनों के इनिशियल्स देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब सर अब तक हम बात कर रहे थे STP की <coughs> तीन वेक्टर्स का हम स्केलर मतलब तीन वेक्टर्स को डॉट और क्रॉस के कॉम्बिनेशन में इस तरीके से फिट किया था कि जवाब जो है वो स्केलर आए अब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसमें हम तीन वेक्टर्स को इस तरीके से डॉट और क्रॉस यूज करेंगे कि जब आप एक वेक्टर आए तो जब हमने ये पूरे कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश की तो तीन वैक्टर्स अगर आप ले रहे हो तो आप एक भी जगह डॉट नहीं यूज कर सकते क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी डॉट लगाया तो सर वो क्या करेगा <coughs> वो क्या करेगा वहां पर स्केलर बना देगा फिर क्रॉस में कोई काम नहीं आएगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो तो हमने पढ़ लिया अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सर ये देखिए जरा समझ में आया अगर आप दो वैक्टर्स का क्रॉस लोगे तो एक वैक्टर आएगा उसका क्रॉस तीसरे वैक्टर के साथ वो भी एक वैक्टर आएगा समझे कि नहीं समझे हां बस ये छोटा सा पॉइंट है इसके बाद में फिर ब्रेक लेंगे हंड्रेड परसेंट बोल रहा हूं एक सेकंड, देख मैं बता देता हूं क्या क्या पढ़ाना है बस ये इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी फिर ब्रेक है हंड्रेड परसेंट फटाफट देखता जा थोड़ा सपोर्ट तू भी कर यार आप लोग भी कीजिए आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा आप लोग हैं खाना खाने का टाइम दे दिया जाएगा घर वालों को अंदर से आवाज लगा के बोल दीजिए नौ बज के पांच या सात मिनट पर दस मिनट पर नौ बज के दस मिनट पर ब्रेक मिलने वाला है खाना लगाने के लिए बोल दो बोले बढ़िया सलाद वलाद काट देना ठीक है पढ़ाई कर रहे हो उस चीज का यूज करो क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी इज्जत होती है वो पढ़ने वाला कैंडिडेट होता है और अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज क्योंकि अगर नहीं विश्वास होता तो एक बार बाहर आवाज लगा के देख लो जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा समझ में तो आपकी इज्जत हो रही है तो उसका फायदा उठा सकते हैं ठीक है बोले गर्मा गर्म रोटी बना के रखिए अभी थोड़ी देर में ब्रेक होने वाला है राजा साहब जो है पढ़ने के बाद में खाना खाएंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे ठीक है हाँ चलिए ठीक है बट हाँ गलत फायदा दूसरे सेंस में मत उठाना आ जाओ ज्यादा ज्ञान की बातें क्या है अपने पास टाइम कम है वरना मैं बताता आपको और भी बातें सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी अच्छा मैंने कहा देखना सर ध्यान से ये रहा ए क्रॉस बी इसका जो क्रॉस आएगा वो सर ये आएगा क्या दिस इज ए क्रॉस बी सर पक्का सी वेक्टर यहां कहीं है ए क्रॉस बी सी के साथ इधर ए क्रॉस बी है अब सर ये वाला जो है ये सी वेक्टर है मैंने कहा ठीक है अब ए क्रॉस बी का क्रॉस सी के साथ लेंगे तो वापिस एक वेक्टर आएगा जो इन दोनों के प्लेन प्लेन में होगा ए और बी के प्लेन में तो बेसिकली जब आप तीन वैक्टर्स का क्रॉस लेते हो तो एक वैक्टर आता है जो कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैक्टर्स के साथ तो कोप्लेनर होता है और ब्रैकेट से बाहर प्रेजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है मतलब अगर आप कभी ऐसा लिखते हो अल्फा वेक्टर का क्रॉस डेल्टा वेक्टर के साथ और बाहर जो है वेक्टर थीटा है तो ये पूरा एक वेक्टर आएगा जो ब्रैकेट के अंदर कौन से वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सर अल्फा वेक्टर और डेल्टा वेक्टर तो इनके साथ यह वैक्टर कोप्लेनर होगा और इसके वो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा ऐसा आप ऐसा बोल सकते हैं ठीक है ज्योमेट्री यही बोलती है तो विच इज विद ए एंड एंड बी परपेंडिकुलर टू सी वैक्टर ये लैंग्वेज ध्यान रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो वो सवाल में बोल रहा है कि लेट लेटर सपोज ए एक्स वैक्टर विच इज कोप्लेनर विद ए वैक्टर एंड बी वैक्टर एंड परपेंडिकुलर टू सी वैक्टर तो आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर सकते हो ठीक है फिर सर ये वाले में जो ब्रैकेट के अंदर है उनके साथ तो को प्लेनर और जो ब्रैकेट के बाहर है उससे परपेंडिकुलर तो ये वाली जो ज्योमेट्री है आप अगर याद रखो तो भी अच्छी बात है वरना मैं थ्योरम इन प्लेन बताऊंगा उससे भी ये काम हो जाता है बट आप मेरी बात ध्यान सुनिए आपको ये तीन वैक्टर्स का क्रॉस ओपन करना आना चाहिए कैसे करते हैं सर जो ब्रैकेट से बाहर बैठा है उसके ऊपर जाके बैठ जाओ <coughs> हाँ तोड़ मत देना इसका वैक्टर कहीं ठीक है सर दूर वाले के साथ डॉट नजदीक वाले का कोफिशंट माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट बचे हुए का कोफिशियंट सर वापिस 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 मैंने कहा वापिस आ जा आ जा आ जा सर वापिस किस पे बैठना होता है जो ब्रैकेट के बाहर है उसके रिस्पेक्ट में दूर और नजदीक देखते हैं दूर वाले के साथ डॉट नजदीक वाले का कोफिशियंट माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट दूर वाले का कोफिशियंट सर एक बार और मैंने कहा टेंशन ना ले मैं पहले से ही जानता हूं रिपीट तुम बोलोगे तो तैयारी के साथ आया हूं चलिए दूर वाले के साथ डॉट ओ भाई नजदीक वाले का कोफिशियंट माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट दूर वाले का कोफिशियंट क्लियर है क्लियर हो गया तीन बार बता दिया है। ठीक है और ये दूर और नजदीक सर जो ब्रैकेट के बाहर मौजूद होगा उस पर बैठकर हमें ये चीजें सोचनी है आई होप आपको ये एक्सपेंड करना आ गया होगा क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो हमें इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी ठीक है आ जाओ भाई अब जो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको ये वाली पहली की ध्यान से देख प्रॉपर्टी जो है मैंने यहां पर भी लिखवाई थी थोड़ी देर पहले कि बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए बॉक्स ए बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है क्या यह बात क्लियर है तो आंसर इस सर ये रहा। क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक कहां किधर पॉजिटिव अबे पॉजिटिव नहीं है वो क्रॉस है तुम ऐसे होके देखो ना भाई मैंने ऐसे होके लिखा है गजब यार गजब करते हो गजब यार तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए का जो है वो स्क्वायर वो ये आता है ये आपको प्रूव करना है VTP इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वी नो वेरी वेल सर दोनों वेक्टर्स बराबर नहीं होते ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों पे ब्रैकेट लगाते हो तो अलग जवाब आएगा इन दोनों पे ब्रैकेट लगाओगे तो अलग जवाब आएगा तो इसलिए इक्वल नहीं है अगर आपको कभी भी एक यूनिट वैक्टर चाहिए को प्लेनर विद ए वैक्टर एंड बी वैक्टर एंड परपेंडिकुलर टू तो सी वैक्टर तो आप डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर सकते हो इफ यू नीड ए यूनिट वैक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वैक्टर को प्लेनर विद ए वैक्टर एंड बी वैक्टर एंड पेंडिकुलर टू सी वेक्टर। आगे जब हम चल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये आपको लाइन कहीं पर भी दिखाई दे इतनी बात समझ लेना वीटी पी आ चुका है तो हमने उन तीनों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किया उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया बिकॉज वी वॉन्ट यूनिट वैक्टर मैंने कहा यार ये सॉल्व करेंगे बढ़िया है चलिए जी हाँ अब इसको इसके बाद डील करना सीख लो चलिए सर शुरू करते हैं हाँ इस पे सवाल आया मैं ध्यान रखना प्लीज ठीक <coughs> है आ जाइए सर एक काम करते हैं मैंने कहा हां जब भी आप बॉक्स एबीसी बोलते हो या बॉक्स किसी भी तीन वेक्टर्स का तो सर एक वेक्टर को तो ऐसा लिखा जाता है का डॉट विद बाकी दो का क्रॉस मैंने कहा यार ये सही है बोले सर ये का, है का सही है इतने सारे क्रॉस देखकर हमारा तो माथा चकराने लग गया मैंने कहा टेंशन ना ले बिल्कुल टेंशन ना ले जब भी आपके पास बहुत सारे क्रॉस आ जाए ना बहुत सारे क्रॉस और दिमाग हो जाए खराब तो एक काम करना किसी भी एक वेक्टर को एम बोल देना हाँ। इससे आपको क्या ठंडा ठंडा टूल टूल महसूस होगा कैसा महसूस होगा ठंडा ठंडा टूल टूल पहले हम इसी को ही देख रहे हैं ध्यान सुनना प्लीज दिस इज एम वैक्टर का क्रॉस विद क्रॉस ए वैक्टर ऐसा देखते ही हमें वैसा दिखाई दिया कैसा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा सर दूर वाले के साथ डॉट नजदीक वाले का कोफिशियट माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट बचे हुए का कोफिशियंट या दूर वाले का कोफिशंट <coughs> ये ठीक है ये कौन है भाई वी वॉन्ट फ्रीडम बेटा गलत ऐरा में पैदा हो गया आज फ्रीडम मांग रहा है ठीक है तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया दिस ब्रैकेट सर आपने आप बताओ एम वेक्टर किसको बोला था मैंने कहा एम वेक्टर मैंने बी क्रॉस सी को बोला था तो सर ध्यान सुनना ये क्या लिखा हुआ है सर ये लिखा हुआ एम डॉट ए मैंने कहा ये क्या होता है सर दैट इज क्रॉस का डॉट के साथ तो मैं क्या है? इसकी जगह बॉक्स बी सी ए लिख सकता हूं क्योंकि बी क्रॉस सी तो यहां और डॉट ए के साथ तो उसी ऑर्डर में बॉक्स प्रोडक्ट बन गया ये और ये रहा सी वेक्टर एम की जगह बी क्रॉस सी अच्छा एक बार बताओ अगर ये B क्रॉस C का डॉट C के साथ लिखा हुआ है तो आपको ये वैल्यू जीरो दिखाई दे रही है तो आंसर इज सर यस तो ये पूरे ब्रैकेट में सर ये वाला पार्ट तो हो गया हमारे पास जीरो अब सर ये वाली पूरी चीज ये बनी बाहर देखना जरा ये कौन बैठा है सर बाहर बैठा है ए क्रॉस बी ठीक है अब वापिस सर ये भी एक वेक्टर है ये भी एक वेक्टर है सर बॉक्स ए बी सी एक स्केलर होता है तो सर स्केलर को आपने बोला था कि कभी भी कहीं पर भी बीच में लिपटा झिपटी करके बैठा हो ये किसी वेक्टर के साथ तो बाहर निकाल दो और ये बन जाएगा ए क्रॉस बी का डॉट विद सी ठीक है ए क्रॉस बी का डॉट विद सी सर ये लिखा हुआ है बॉक्स abc मैंने कहा ठीक है भाई दोनों को सेम बोलने से पहले देख ले साइकिल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है क्या बी के बाद में सी सी के बाद में ए ए के बाद में बी बिल्कुल सही ये दोनों सर बराबर है और यू कैन राइट इट एज बॉक्स ए का स्क्वायर प्रूफ बताना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने बाकी भी बहुत सारी चीजों को प्रूफ नहीं बताया बट सर ये वाली जो डीलिंग है ये 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 जो जो कैलकुलेशन है 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 दिस इज इंपॉर्टेंट और ये सवालों में में लगती है। क्या आप लोग क्लियर समझ डीलिंग देखिए प्लीज जहां पर आपने ये एम बोला फिर एम की वैल्यू वापिस से पुट की एम बोलकर वीटी बनाया फिर उसको सिंप्लीफाई किया वापिस पुट किया फिर आंसर निकाला दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज यूजफुल है ना आ जाइए भैया आ जाइए ठीक है एक हो जाए किटकेट ब्रेक आ जाओ बिल्कुल ब्रेक दिया जाएगा का टेंशन ले रहे हो 8:58 फिफ्टी एट हुआ है मतलब नौ बजे हैं, दस मिनट बहुत है या पंद्रह मिनट ले लो चलो छ और तीन नौ है ना पांच घंटे ग्यारह बजे खत्म कर देंगे हम ये चैप्टर एक सेकंड लेट मी चेक आ, 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 एक सेकंड हाँ ग्यारह बजे तक तो खत्म हो जाएगा टेंशन ना लो विद ऑल द पॉसिबल एग्जांपल्स एंड ऑल द थ्योरी ठीक है तो नाइन टू नाइन फिफ्टीन हाँ बस बीस मिनट नहीं बे नहीं चलो समय शुरू हो चुका है ब्रेक क्यों खराब कर रहे हो हाँ जी हेलो 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 क्या मेरी आवाज आ रही है जल्दी से बताइएगा सभी लोग एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू ब्रेक इज ओवर तैयार क्या सभी लोग तैयार हैं यस 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश चलिए जी स्टार्ट करते हैं तो हम जो है वो ब्रेक से पहले इस पर थे दैट इज वीटी पी पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर कैसे एक्सपेंड करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट के अंदर जो दो वैक्टर्स होते हैं उनके साथ वो वैक्टर्स को पेनर आता है बाकी जो वैक्टर ब्रैकेट के बाहर बैठा है उसके साथ वो परपेंडिकुलर आता है ठीक है उसके बाद में मैंने बोला वट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वीटीपी तो ये वाली प्रॉपर्टी है जी दैट इज फर्स्ट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है उसका जो फर्स्ट वाले का प्रूफ है वो ये रहा दिस इज प्रूफ ऑफ फर्स्ट वन बहुत बढ़िया अब आते हैं हम सर अगली बात पर एंड दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स अब हमें वापस से फोर वेक्टर्स दिए गए और हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है मेरे ख्याल से आप लाइन ऑफ एक्शन समझ गए गएगी करने के वाले हैं तीन वेक्टर थे डॉट चाहिए तो डॉट क्रॉस का कॉम्बिनेशन तीन वेक्टर थे क्रॉस चाहिए तो सिर्फ क्रॉस 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 दो का क्रॉस एक वेक्टर जो जवाब आएगा उसका तीसरे के साथ क्रॉस

है हाँ ना सर जैसे ही आपने इस वेक्टर को एम वेक्टर बोला है हाँ ना ए क्रॉस बी एक वेक्टर नहीं आएगा उसको एम वेक्टर बोला अब सर यहां पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं कि डॉटर है बदल सकते हैं तो ये आ जाएगा क्रॉस का डॉट विद तो ब्रैकेट यहां लग जाएगा समझे कि नहीं समझे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये अकेला एक वेक्टर है तो बेसिकली सर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है जिसमें आपने बोला कि डॉटर क्रॉस पोजीशन चेंज कर सकते हैं अब आपने जो एम बोला था उसको वापस से रख दीजिए दैट इज सर ये आ जाएगा ए क्रॉस बी एम की जगह का क्रॉस सी के साथ डॉट डी के साथ क्या ये बात क्लियर है अब जरा ध्यान सुनना सर यहां बन गया वी टीपी वैक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैक्टर्स तो सर दूर वाले के साथ डॉट नजदीक वाले का कोफिशियंट नजदीक वाले के साथ डॉट बीच में माइनस आइन आएगा नजदीक वाले के साथ डॉट और दूर वाले का कोफिशियंट ठीक है और बाहर बैठा है जी डॉट डी वैक्टर क्या ये बात क्लियर है अब ये डॉट डी वैक्टर यहां भी जाएगा और डॉट डी वैक्टर यहां भी जाएगा ठीक है अब सर देखना जरा ये स्केलर है बिकॉज दो वेक्टर्स का डॉट डॉट मतलब स्केलर तो A. C तो ए सी ऐसे लिखा गया ये जो बाहर से वैक्टर आएगा डॉट के साथ ये बी के साथ आकर डॉट इसका हो जाएगा बिकॉज स्केलर का कोई लेना देना नहीं है अलग कर दीजिए बी डॉट डी माइनस दिस इज बी डॉट सी का डॉट ए डॉट डी के साथ अब ये जो लिखा हुआ है इसी को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो है हाँ ना बिकॉज अगर टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट ओपन करना हो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए डॉट सी मल्टीप्लाइड का मल्टीप्लीकेशन वही लिखा हुआ है क्लियर है ये वाली चीज है हाँ ना एकदम क्लियर तो कैसे डील करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट या ना <coughs> बहुत बढ़िया सर इसी चेन को आगे कंटिन्यू करें तो दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स अब की बार हमें वेक्टर दे रखे हैं चार और उनका मल्टीप्लीकेशन करना है इस तरीके से या फिर क्रॉस और डॉट का कॉम्बिनेशन इस तरीके से लगाना है कि जवाब भी एक वेक्टर आए तो देखते ही पता चल रहा है सर आपको वेक्टर जब जब चाहिए होता है तो आप सारे के सारे क्रॉस यूज करते हो मैंने कहा ठीक है भाई इसका जवाब कैसे लिखे बोले अब की बार है ना इसको एम वैक्टर बोल दो मैंने कहा ठीक है भाई अब ये सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए तो सर जैसे ही आप इसको एम वैक्टर बोलोगे ये बन जाएगा हेलो 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 सर ये बन जाएगा मैंने कहा नहीं ये तो सामने देखने का तरीका है तो हमने कहा ये देख ये सर वापस जैसे ही वीटीपी बना आपको वही दूर और नजदीक वाली कहानी दूर वाले के साथ डॉट नजदीक वाले का कोफिशियंट नजदीक वाले के साथ डॉट दूर वाले का कोफिशियंट अरे सर ये ठीक है अब मैंने कहा यार ये जो तेरे एम वैक्टर था ना उसको वापिस रख दे सर एम वैक्टर था ए क्रॉस बी का डॉट विद डी वैक्टर और ये सी वैक्टर माइनस दिस इज ए क्रॉस बी का डॉट विद सी वैक्टर डी वैक्टर कि नहीं समझे अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ए क्रॉस बी पर ही ब्रैकेट आता है फिर डॉट डी के साथ लिया जाता है दिस इज बॉक्स ऑफ ठीक है मेरे ख्याल से मैंने इतनी बार आपको ये काम करके दिखाया है आप इसमें समझ जाओगे सर दिस इज बॉक्स ऑफ एबीसी दो का क्रॉस फिर तीसरे के साथ डॉट तो ऐसा तो सर बॉक्स प्रोडक्ट में होता है मैंने कहा लो भैया तो ये जो आपने इस वेक्टर को एम वेक्टर बोला है ये पूरा का पूरा एक वेक्टर आया है दैट इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर फिर एक बच्चा बोलता है कि सर इसी में ही जवाब थोड़ा अलग आएगा अगर हम इसको अब की बार एन वैक्टर दें तो मैंने कहा किसको ध्यान सुनना फिर से देख हा है ना तो वी वैक्टर इज इक्वेस्ट टू ए क्रॉस बी हाँ ये सब सीख लो यार क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब सवालों में लगेगा फिर मत बोलना कि सर आपने ये स्टेप कैसे किया एक ही काम है अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हो एक ही काम है अगर आप इसको ध्यान से देख लोगे वो ये है कि आपको जब भी मल्टीपल क्रॉस दिखाई दे तो किसी भी एक वेक्टर को एम बोलो बस उसके बाद में कहानी जाकर रुकेगी एस टीपी पर स्केल सॉरी वी टीपी पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दूर नजदीक करके उसको ओपन करो आगे बढ़ जाओ बस तो सर इसको हमने एन वेक्टर बोल दिया तो ये बेसिकली लिखा हुआ है ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर के साथ जो तो जवाब आएगा उसका क्रॉस एन वेक्टर के साथ अगेन दूर वाले के साथ डॉट नजदीक वाले का कोफिशियंट माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट दूर वाले का कोफिशियंट अब आपको आराम से दिखाई दे रहा है एन वेक्टर आपने किसको बोला सी क्रॉस डी तो यहां पर सी क्रॉस डी लिखूंगा तो यह बन जाएगा सी क्रॉस डी का डॉट विद ए जो कि सर बन जाएगा बॉक्स सी डी ए सी डी ए और कोफिशियंट है ये बी वेक्टर का माइनस सर यहां पर भी अगर आप सी क्रॉस डी देख रहे हो तो दिस इज बॉक्स ऑफ सी डी बी और यहां बन जाएगा सर ए वेक्टर क्या आपको ये एक्सपेंशन क्लियर है क्या एक बार जवाब ये और एक बार जवाब ये <coughs> पहली चीज सर आपको दिखाई दे रहा है कि जब आप वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स की बात करते हो तो हमारा जो जवाब है सर वो क्या आना चाहिए हमारा जवाब आना चाहिए एक वेक्टर तो आ रहा है ये देखो क्योंकि इसमें वैक्टर बचे हुए ये जो है क्वांटिटी दिस इज स्केलर बॉक्स की जो वैल्यू होती है वो एक स्केलर नंबर होता है दिस इज टू टाइम्स सी वैक्टर माइनस थ्री टाइम्स डी वैक्टर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये एक वैक्टर रिजल्ट है सर ये भी एक वैक्टर रिजल्ट है अब एक बच्चा बोलता है सर इन दोनों में से सही किसको बोले ये जो है ये सी और डी के टर्म्स में और ये जो है वो बी और ए के टर्म्स में मैंने कहा दोनों सही है दोनों सही है ऐसा नहीं है कि वो एक वैक्टर जो है वो दो दो तरीके से सर पर वहां पे तो बी और ए के टर्म्स में आ रहा है यहां पर सी और डी के टर्म्स में आ रहा है मैंने कहा बिल्कुल सही है तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो वेक्टर है ना ये दो प्लेन की बात हो रही है यहां पर ए और बी को कंटेन करने वाला प्लेन सी और डी को कंटेन करने वाला प्लेन ठीक है तो इन दोनों प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है उसके अलॉन्ग ये वेक्टर आता है समझ में हाँ तो ये दोनों के टर्म्स में लिखा जा सकता है ये वाला जो वेक्टर है ये इसके साथ भी कोप्लेनर है सी वेक्टर और डी वेक्टर के साथ भी और ये वाला जो वेक्टर है ये बी वेक्टर और ए वेक्टर के साथ भी कोप्लेनर है मतलब बोलने वाली बात ये है कि दोनों सेम लिखे हुए आप किसी से भी जाइए जवाब गलत नहीं आएगा यस और नो अरे वाह ठीक है हां सर ये कोप्लेनर वाली बात थोड़ी कम कम समझ में आई मैन का टेंशन ना ले शुरू हो जाइए प्लीज सर यहां पे हमें मल्टीपल क्रॉस दिखाई दे रहे हैं मैंने कहा बहुत बढ़िया कैसे ऑपरेट करेंगे आप जानते हैं ए और बी आर परपेंडिकुलर मतलब सर कहीं पर भी आपको ए डॉट बी बनता हुआ दिखाई दे वहां जीरो रख देना अब वो पूछ रहे हैं इसका जवाब क्या आएगा पहले एक बताओ इसका जवाब वैक्टर आना चाहिए कि स्केलर तो ऑब्वियसली इसका जवाब वैक्टर आना चाहिए सारे के सारे वैक्टर लिखे हुए शुरू हो जाइए फटाफट 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 बहुत बढ़िया है ना आ जाइए सर कहां से स्टार्ट करें मैंने कहा यहां से स्टार्ट करते हैं अंदर ही अंदर वाले से सबसे अंदर वाले इन तीन टर्म्स पे जहां पे मुझे वीटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो दिस इज ए क्रॉस ए क्रॉस बोले ठीक है सर इसकी वैल्यू क्या आएगी सर दूर वाले के साथ डॉट दैट इज ए डॉट बी हो, हो 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 सर क्या हो गया मैं कहा कुछ नहीं ऐसे ही हंस रहा हूं हंस नहीं सकता क्या बोले फिर यहां मत हमारे सामने बोले हम परेशान हैं मैं क्या तू परेशान है क्यों वो तो बता बोले सर ऐसे ही बस पेपर आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मैं मैंने ये समस्या तो सबके साथ है तू जबरदस्ती परेशान हो रहा है रिलैक्स रहे ज्यादा अच्छा कर पाएगा परेशान रहेगा कुछ नहीं होगा ए डॉट बी जीरो तो सर बेसिकली ये वैक्टर आ गया सर ये तो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बाहर माइनस साइन था और ये बी वैक्टर सर ये बढ़िया है मैंने कहा अब क्या लिखा हुआ है सर ये लिखा हुआ है ए वेक्टर का क्रॉस इसके बाद में ये था ए वेक्टर एक और इसके बाद वाला जो तामजाम था उसको आपने ऐसा लिख लिया अब आपने बोला हुआ है सर स्केलर दिख रहा है ये पूरी क्वांटिटी बेटा एक स्केलर है क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब उसका कोई नंबर आएगा मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर अब आप एक काम करो आपने बोला था स्केलर कभी भी डॉट और क्रॉस के बीच में फंसा हो हाँ डॉट और क्रॉस सिर्फ प्लस माइनस हो तो ध्यान से कॉमन लेना तो सर इसको तो 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 पूरे को बाहर ले जाओ मैं ठीक है सर यहां आ जाएगा ए क्रॉस ए क्रॉस बी ये तो फिर वही बन गया ए क्रॉस ए क्रॉस बी जिसकी जगह फिर से लिख सकते हो इस पूरे की जगह फिर से ये देखो यही तो लिखा हुआ है दिस इज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर का स्क्वायर बी वैक्टर और दिस इज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर सर अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज प्लस टाइम्स ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर फोर और सर यहां आ जाएगा बी वैक्टर ऑप्शन डी आईट डेली इज करेक्ट क्लियर है क्या है बहुत बढ़िया डी आ गया ना करेक्ट चलिए 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 चल चलिए <laughs> भाई साहब जेई मेंस 2022 में तो उन्होंने ऐसी कसम ही खा रखी थी बोले इस तरीके से सवाल पूछो कि आधे लोग तो ही दे बोले सर जे कहा पूछ लो मैं कहा तू बता मुझे क्या पता चले प्लीज फटाफट जल्दी 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 सॉल्व कीजिए अगेन देख लो सारा कुछ ताम झाम मिला दिला के दिया गया है क्लियर अब सर क्या हो रहा है ध्यान सुनो ए बी एंड सी थ्री को प्लेनर कॉन्ट वैक्टर सच बिटवीन टू ऑफ की बात करो तो ऐसे वैक्टर जो एक ही प्लेन में लाए करें उसको हम को प्लेनर बोलते हैं बोले सर ठीक है मैंने कहा मतलब इस पूरी सरफेस पर तुझे वैक्टर बनाने तीन और इस तरीके से बनाने की हर दो के बीच में एंगल सेम हो तो सर अगर ये थीटा है ये थीटा है तो इसके बीच में तो टू थीटा हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकते हैं ध्यान सुनना को शब्द एंड मतलब एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं एंड सच दैट एंगल बिटवीन टू ऑफ देम एनी टू ऑफ देम में जो एंगल है वो सेम आना चाहिए क्या आप ज्योमेट्री का हिंट लगा पा रहे हो कि कैसी होगी ज्योमेट्री कैसी होगी ये बताओ जल्दी से बता दो कैसी होगी ज्योमेट्री कि एक ही प्लेन में बनाने प्लेन से बाहर आप आ नहीं सकते और उनके हर दो के बीच में एंगल सेम होना चाहिए उसने यह नहीं बोला कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो एक को कोई छोटा बड़ा वेक्टर ऐसे मान लो 120, 120 120 120 बहुत बढ़िया ठीक <coughs> है ठीक है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 14 तो चलिए जी अगर हम इसको ए वैक्टर बोले इसको बी वैक्टर बोले और इसको सी वैक्टर बोले तो इनके बीच में एंगल एक है और तीनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जिसको वो बोल रहा है 14, ठीक है सर अब इस पूरे ताम जाम से घबराने की जरूरत नहीं है एक एक को पकड़ के सोचते हैं आ जाइए एक एक को पकड़ के सोचते हैं और क्या सर ये क्या लिखा हुआ ए क्रॉस बी का डॉट विद बी क्रॉस सी ठीक है इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं तुम बताओ है हाँ ना इजी पी वाई क्यू ही क्यों करवाते हैं कॉम्प्लेक्स क्यों इग्नोर कर देते हैं बिकॉज आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करवाते प्लीज टफ वाले ढंग से लिख बे ट वाले तो ये इजी लग रहा है तेरे को अच्छा इजी है तो जवाब बता दे फिर एक भैया बोल रहे हैं कि सर आप इजी वाले पी वाई क्यू क्यों करवाते हैं अच्छा ओके ये ले भाई ये ले भाई ये ले भाई और कौन से टफ वाले करवाने हैं वो बता दे मेंस में 2022 में जितने आए हैं सारे उठा लाया लगभग अब तू किसी एक को पकड़ के रो रहा है तो फिर समझ लेगी बस वो छूट गया होगा मुझसे या फिर मान ले वो मुझे नहीं आता होगा इसलिए नहीं लाया और क्या है जो तुझे सोच रहा है वो सोच ले और ये मुझे तो किसी भी एंगल से ईजी नहीं लग रहा कुछ भी मतलब हाँ सर हमारे पास क्या है ज्ञान बहुत है और हमें तंबूरा बजाना है मैं कहा अच्छा चलो बजाओ शाबाश आ जाओ पहले इसको सिंपलीफाई करके बताओ बिकॉज जैसे ही सिंपलीफाई होगा वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी पूछा चलिए लेट स्टार्ट दिस जल्दी सॉल्व करते हैं बेटा ज्यादा अपने इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे तो लेट हो जाएंगे सर ये काम करो इसको एम वेक्टर बोलो मैं आपको ये तरीका सिखा चुका हूं अब देखो ऐसे काम आता है वो चीज सर आपने बोला था डॉटर क्रॉस की जगह बदल दो तो डॉटर क्रॉस की जगह बदलोगे बदलोगे तो एम क्रॉस बी डॉट सी बेसिकली ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स लिखा हुआ आपको पता होना चाहिए <coughs> सर ये कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा भाई तो सर ये आ जाएगा ए क्रॉस बी का क्रॉस बी के साथ और फिर जो आएगा उसका डॉट सी के साथ दूर वाले के साथ डॉट ए डॉट बी नजदीक वाले का कोफिशियंट माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट और दूर वाले का कोफिशियंट और सर बाहर बैठा है डॉट सी अब इसको अंदर भेजोगे तो दिस इज ए डॉट बी मैं पूरा आंसर लिख रहा हूं ये स्केलर है ये अंदर जाएगा तो सर ये हो जाएगा बी डॉट सी मैंने माइनस तो दिस इज बी और जब ये इधर इसके साथ जाएगा तो दिस इज ए डॉट सी क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि पता नहीं, नहीं आ रही है आपको सभी के डॉट्स की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल सारी कहानी आपको मॉड के मतलब उनकी मॉड्यूल की वैल्यू दे रखी है तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है उसी का ही सम पूछा है और यहां पर कुछ जोरदार चीज दे रखी है हाउ मैनी ऑफ यू एग्री कि अगर मैं ए डॉट बी की बात करता हूं या फिर मैं बी डॉट सी की बात करता हूं सॉरी इसको ए डॉट बी को ऐसे देखो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड दिस इज कॉस ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री सर ये हो जाएगा माइनस टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी अपॉन टू एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए मॉड ऑफ ए को ए बोल देता हूं मॉड ऑफ बी को बी बोल देता हूं मॉड ऑफ सी को सी बोल देता हूं तो दिस इज ए इंटू बी इंटू सी फोर्टीन है और ये वाली जो वैल्यू आएगी दिस इज माइनस ए बी अपॉन टू है ना ताकि वो मॉड और वापस वेक्टर का साइन ना लिखना पड़े ठीक है सर तो ये वाली वैल्यू बताना भाई ये कितना लिखा हुआ है सर दिस इज माइनस ए बी अपॉन टू सर ये वाला कितना लिखा हुआ है दिस इज माइनस बी सी अपॉन टू माइनस दिस इज बी स्क्वायर है ना ये तो सीधा सीधा ही है और दिस इज माइनस ए अपॉन टू मैंने कहा ठीक है भाई आराम से देख ले सर ये क्या लिखा हुआ है दिस इज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दिस इज ए सी बी स्क्वायर अपॉन फोर और सर नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये आ जाएगा ए सी बी स्क्वायर अपॉन सही लिखा है ना सर अब इन दोनों को जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से ये सबको दिखाई दे रहा है <coughs> ये कितना आ जाएगा सर एक काम करो ए सी बी स्क्तर कॉमन ले लो तो एक बटे चार प्लस एक बटे दो यह कितना आपको ए सी नहीं समझ में आ रहे हैं दैट मींस वहां पर मॉड ऑफ ए लिखा हुआ है जहां पर सी दिखाई दे रहा है वहां पर मॉड ऑफ सी और दिस इज मॉड ऑफ बी का स्क्वायर ये बेटा पहली टर्म आई है अब सिमिलरली शब्द का प्रयोग करें आप और वैसे भी देख लो इसमें क्या होता है <coughs> हाँ। इसका इसके साथ डॉट इसका इसके साथ डॉट पहले लिखा जाता है माइनस इसका इसके साथ इसका इसके साथ फिर सर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ये बाद में लिखा जाता है आप ऐसे सोच लो ठीक है वरना आप सिमिलरली बोलकर ये वाली जो चीज आएगी ध्यान सुनना दिस इज बी क्रॉस सी का डॉट विद सी क्रॉस ए थोड़ा सा विश्वास आपको रखना पड़ेगा तो सर इसका इसके साथ डॉट सॉरी बी डॉट सी मल्टीप्लाईड बाई सी डॉट ए माइनस सी डॉट सी मल्टीप्लाईड बाई बी डॉट ए ये वाली वैल्यू निकल के आएगी आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप यहां पर ये देखो ध्यान से कि सर जहां पर बी था ना जब बी दो बार आ रहा था तो यहां पर बी के मैग्नीट्यूड पर स्क्वायर हुआ बी के मैग्नीट्यूड पर क्या हुआ स्क्वायर हुआ और ए और सी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा गया अब की बार सी दो बार आ रहा है तो आप बोल सकते हो थ्री बाई फोर और ए और बी एज इट इज लिखा जाएगा दिस इज सी स्क्वायर और जो हमारे पास सिमिलरली थर्ड टर्म होगी थर्ड टर्म कौन सी मेरी गलती से जवाब आ गया होगा दिस इज सी क्रॉस ए बस 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 बेटा तो ये कितना आ जाएगा थ्री बाय फोर एंड दिस इज बी इंटू सी ए दो बार आ रहा है तो सर इसका स्क्वायर ऐसे अब इसका जो एडिशन है उसने कुछ हमें दे रखा है अगर मैं तीनों को क्या कर एड। जैसे ही एड करूंगा थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर ए सी बी स्क्तर ए बी सी स्क्वायर सब में से आपको ए बी सी कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है यहां से अगर आप ए बी सी कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा बी यहां बचेगा सी और यहां बचेगा ए ये वाली वैल्यू आपको आई बिलीव वन सिक्सटी एट दे रखी है ना ये वाली चीज ही आपसे पूछी है क्या आपको यह बात समझ में आती है हां सर दिस इज मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ ए यही तो पूछा है और सर थ्री बाय फोर ए बी सी का प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी ये फोर्टीन दे रखा है लो भैया अब आपके हवाले सवाल साथियों जल्दी से मुझे जवाब बता दो आंसर क्या रहा है ठीक है और ये जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर था ना उसमें आप ऐसे याद रख सकते हो क्या जवाब आता है पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से ए डॉट सी बी डॉट डी ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस के बाद में नजदीक वाले का नजदीक वाले से दूर वाले का दूर वाले से माइनस के बाद में मतलब जवाब जो है वो चार डॉट के टर्म्स में लिखा जाएगा ठीक है तो बस उसी का ही यूज करके हमने जवाब लिखा है कितना आंसर आ रहा है जी ऑप्शन आप लोग बोल रहे हैं सिक्सटीन तो आपकी बात पे विश्वास करते हुए ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है कुछ नहीं बस काटा पीटी करनी है ठीक है है ना फोर्टीन इंटू ट्वेल्वी एट होता है क्या बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश आ जाइए प्लीज अब मैं बात करता हूं थ्योरम इन प्लेन की आपको अगर यह पता करना हो कि तीन वेक्टर्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है देखो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं कभी भी मैं आपको दो वैक्टर्स दू और मैं पूछूं कि वो को होंगे या नहीं होंगे तो टू वैक्टर्स रीजन बहुत ही आसान सा है ध्यान सुनिएगा प्लीज जैसे ये वाला जो वेक्टर है इसका एरो हेड ये वाला है इसका एरो हेड ये वाला है दो वेक्टर अगर मान लो आप ऐसे बनाते हो तो एक दूसरे के ऊपर मैं पूछूं ये दो वेक्टर को प्लेनर होंगे कि नहीं मतलब सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं तो आप एक काम करो इनका इनिशियल पॉइंट सेम बना दो इसको उठा के यहां गए जैसे ही आप इसको उठा के यहां लाओगे अब एक प्लेन ऐसा बनेगा जो इन दोनों को कंटेन करेगा तो दो वैक्टर तो सर हमेशा को होते हैं दो की चिंता नहीं है बात है तीन वैक्टर की तीन वैक्टर्स की मतलब ऐसा एक वैक्टर और तीसरा एक वैक्टर आप ऐसा दे दो तो तीन तीन वैक्टर जो है वो को प्लेनर हो ऐसा जरूरी नहीं है देख लो ये रहे। वरना सबसे बढ़िया एग्जांपल आई कैप जे कैप के कैप ये तीनों वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स हैं और ये कोप्लेनर नहीं होते जी ठीक है दैट मीनस तीन के केस में सर दो ज्योमेट्री बनती है या तो तीनों को प्लेनर होंगे या तीनों को प्लेनर नहीं होंगे तो वट इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनर ऑफ थ्री वैक्टर बहुत सिंपल सी बात है आप इस डायग्राम को देखकर उस कंडीशन को याद कीजिए बिकॉज वहां से बहुत आसान हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि ये वेक्टर भी इन्हीं के ही प्लेन में आ जाए मतलब ये वेक्टर भी यहीं आ जाए ये जो सी वेक्टर बाहर निकला हुआ था ये वेक्टर भी इनके प्लेन में आ जाए तो आप बोल सकते हो सर इनसे बनने वाले बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो इनसे बनने वाले बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी जी जीरो क्लियर ये वाली चीज है हाँ ना बिल्कुल सही तो सर अगर मान लो हमारे पास ध्यान सुनना कंडीशन ये वाला ए वेक्टर है ये वाला बी वेक्टर है रंगों का भरपूर प्रयोग किया गया है और ये वाला सी है इफ यू वांट कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करें तो आप बोलोगे बॉक्स ए बी सी शुड बी जीरो इनसे बनने वाले पैलेलो पीपेड की वॉल्यूम जीरो होनी चाहिए हाँ क्लियर है तो अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है तो बस दिस इज द कंडीशन इस, इस पर बहुत सारे सवाल आए गए हैं डायरेक्ट समझ में इस पे क्या आते हैं सर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कोप्लेनेटी शब्द को आप आराम से देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आते हैं जी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये याद रखना तो तीन वेक्टर्स का बॉक्स बस जीरो करना है अब बात करते हैं थ्योरम इन प्लेन की जब तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाए करते हैं तो आप किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म्स में मान सकते हैं ये तीनों वेक्टर्स जो है दिखाई दे रहे हैं तीनों नॉन कोलिनियर कोलिनियर को बी वैक्टर और सी वैक्टर के साथ देन वन कैन एज्यूम ए वैक्टर इन टर्म्स ऑफ बी वैक्टर एंड सी वैक्टर ए वेक्टर इज लेमडा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर और आप ये वाली बात भी बोल सकते हो बी वेक्टर इज लैमडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर और आप ऐसे भी मान सकते हो सी वेक्टर इज लेमडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर तो मुद्दा यह है कि अगर आपको कभी पता चले कि कुछ वेक्टर जो है वो को प्लेनर है या फिर जनरली ये बोला जाता है कि ये वाला जो वेक्टर है ये बाकी दो के साथ को है ठीक है तो आप क्या कीजिए उस वेक्टर को बाकी दो के टर्म्स में ऐसे मान लो और म्यू जैसे ही आपने ये रिलेशन लिखा कितने लोगों को यह दिखाई दिया दिस इज इंफॉर्मेशन का खजाना रिलेशन इसमें से सर बाकी चीजें हम खुद निकाल लेंगे डॉट क्रॉस करके यस और नो <coughs> आए ना ठीक है बिल्कुल सही वैक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर ये हमें दे रखा है समझ में आएगी नहीं समझ समझाया अच्छा अब जिन वैक्टर्स को आप ऐसे एक लीनियर रिलेशन में लिख सकते हो जिन वैक्टर्स को आप ऐसे एक लीनियर रिलेशन में लिख सकते हैं लीनियर रिलेशन में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स जब कभी भी आप तीन वेक्टर्स को जब कभी भी आप तीन वैक्टर्स को या तीन से ज्यादा वैक्टर्स को एक रिलेशन में लिख सको लीनियर रिलेशन में ठीक है हाँ जैसे ऐसे लिखे हुए हैं तो वो वैक्टर्स तीनों क्या कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट एक दूसरे पर आत्मनिर्भर नहीं है एक दूसरे पर निर्भर है क्लियर है ये वाली चीज यस और नो एक बार सभी लोग लिख के भेजोगे सीएलआर तो यहां पे मैंने दो बातें बोली इनफैक्ट तीन बोली फर्स्ट थिंग इज तीन वेक्टर्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन उनका बॉक्स जीरो होना चाहिए सेकंड थिंग आपको पता चले कि कुछ वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर है

अब था इन प्लेन अब हम लिख रहे हैं थ्योरम इन स्पेस सर ये क्या प्रोग्राम होता है मैंने का देख अब की बार जो है ना ये तीनों वैक्टर्स को प्लेनर नहीं है जी ये ए वैक्टर ये बी वैक्टर और इनकी प्लेन से बाहर है ये वाला सी वैक्टर ठीक है हाँ ना <coughs> तो थ्योरम इन स्पेस ये बोलती है कि वन कैन एज्यूम एनी वेक्टर कैन बी एज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स आप ब्रह्मांड में कोई भी वेक्टर इन तीन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि आपके पास जब आप ऐसे बोलो पुराने दिनों की बात है जब वेक्टर्स का जन्म हुआ था जब वेक्टर्स को बनाया गया तो उनके पास ले देखिए तीन ही वेक्टर थे आई कैप जे कैप और के कैप ये तीनों वेक्टर्स की मदद से हम पूरे स्पेस में कोई सा भी वेक्टर बना देते हैं हाँ ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये नॉन कोप्लेनर हैं

हम बोल सकते हैं कि आई कैब कैप के टर्म्स में हमने कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी क्या लिख दिया कोई भी कोई भी वेक्टर बना सकते हैं बनाते ही हैं, ऑब्वियसली कोई सा भी वेक्टर बनाते हैं हम वैसे ही सर एनी वेक्टर कैन बी एज्यूमड इन टर्म्स ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स और जहां पर मैं एनी वैक्टर की बात कर रहा हूं तो आप ऐसा मान लो वो एक्स वैक्टर है तो दिस इज बस कोफिशियंट आपको ये लिखने लैमडा ए प्लस म्यू बी प्लस गामा सी या डेल्टा सी ऐसा ए म्यू और जो डेल्टा है दीज आर स्केलर्स ये निकाले जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन का खजाना और अब ध्यान से देखो आपने बोला सर ये कोई भी चौथा वेक्टर है कोई भी चौथा ए बी और सी तो आपने हमें दिए ही हैं। और ये जो है ये कोई भी चौथा वेक्टर है अब इस बात को फील करके आप देखो ध्यान से फोर और मोर देन फोर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट क्योंकि उनको हम एक लीनियर रिलेशन में लिख पाए हैं क्योंकि उनको हम एक लीनियर रिलेशन में लिख पा रहे हैं जैसे कि मैं आपको बोलू या फिर x वेक्टर इज इक्विस्ट टू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप आप बाकी सब छोड़ दो ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो आंसर इज सर यस क्योंकि आपने इन तीनों वेक्टर्स को या चारों वेक्टर्स को एक लीनियर रिलेशन में लिख रखा है क्लियर तो आंसर इज सर यस ठीक है और इस केस में अगर ऐसा है अगर वो नॉन को प्लेनर है तो हंड्रेड परसेंट सर उनका जो बॉक्स है वो क्या आएगा नॉन जीरो आएगा उनके जो बॉक्स की वैल्यू है वो क्या आएगी नॉन जीरो आएगी हंड्रेड परसेंट कोई ना कोई -लो पिप्ड बनेगा पाइप्ड बनेगा है ना सही है तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई <clears throat> फिर ये दो शब्द हैं जिन्होंने बच्चों की जिंदगी में तूफान मचाया हुआ है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सरल भाषा में समझाया जाए तो इसका इतना सा मतलब है कि जो वेक्टर्स को लीनियर रिलेशन में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं जिनको नहीं लिखा जा सकता उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं जैसे आप किन किन वैक्टर्स को लीनियर रिलेशन में लिख सकते हो तो सर एक तो कोलिनियर वैक्टर को कोलिनियर वैक्टर को समझ गए हाँ सर देख लो एक वेक्टर ऐसा था क्लास के शुरू में ही बताया था ये वाला वेक्टर ए वेक्टर ये वाला वेक्टर बी वेक्टर ये दोनों वेक्टर जो है कोलियर हैं तो आप ऐसा लिखते ही हो कि बी वैक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ए वैक्टर तो खुद सोच क्या तूने ये लीनियर रिलेशन नहीं लिख दिया लीनियर रिलेशन का मतलब है कि एक वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट फिर तीसरा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट और उनका एडिशन इसको हम लीनियर रिलेशन बोल रहे हैं क्या ये बात समझ में आई यस और नो या हाँ सर तो क्या दिक्कत है और को वाली बात तो अभी बता के आया हूं को वाली बात तो अभी बता के आया हूं वैक्टर्स बेटा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं ये रहा अच्छा अब सर लीनियरली इंडिपेंडेंट पे और आ जाओ नॉन कोलिनियर वैक्टर्स को आप कभी एक रिलेशन में रख ही नहीं सकते अगर वैक्टर्स ऐसे हैं नॉन कोलिनियर तो आप कभी भी नहीं लिख पाओगे दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इनको आप किसी लीनियर रिलेशन में नहीं रख सकते अगर झेल जाओ तो एक चीज और बताऊं थोड़ा डर लग रहा मुझे आप कभी नहीं बोल सकते कि ए वैक्टर इज लैमडर टाइम्स बी वैक्टर बोल सकते हो नहीं जी वो तो कोलिनियर के लिए बोलते हैं सर इनमें नहीं लिख सकते अब जरा देखना एक किताबों में और जो बात दी यूजी होती है एक बच्चा जबरदस्ती बोला सर मैं तो इसको लिखूंगा एक्स टाइम्स ए वैक्टर बराबर वाई टाइम्स बी वैक्टर लिख नहीं सकते बट जबरदस्ती कर रहा है बोले सर मैं तो लिखूंगा तो दिस इज ओनली ट्रू इफ वेन एक्स एंड वाई दोनों जीरो हूं फिर हमने भी उसका मन रखने के लिए मैंने कहा चल रख ले यार लिख ले बहुत जिद कर रहा था लिख नहीं सकते बट बोले मैं तो लिखूंगा सर मैंने कहा सर लिख ले बट एक्स और वाई की वैल्यू जीरो ले लेना वो भी खुश हम भी खुश जीरो, जीरो कैसा लगा यस और नो क्लियर है तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं नहीं लिख सकते बट कोई जबरदस्ती करेगी हम तो लिखेंगे तो भाई साहब बोले लो नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर वेक्टर में आपको अमाउंट बताना पड़ेगा यह वाली बात थोड़ी गड़बड़ है कि कितने हैं अमाउंट बताना पड़ेगा मतलब कि कितने वेक्टर्स की आप बात कर रहे हो अगर तीन वेक्टर्स की बात कर रहे हो जो नॉन कोप्लेनर है तो आप नहीं लिख सकते फिर बट तीन से ज्यादा की बात कर रहे हो तो फिर आप लिख सकते हो खतरनाक है ना काम भाई मतलब जैसे ये वाला केस है जैसा अभी दिखाया था कि ये और ये तो एक ही प्लेन में लाए कर रहे हैं, ए वेक्टर ये रहा बी वेक्टर ये रहा सी वेक्टर ये रहा दीज आर नॉन को प्लेनर वैक्टर बट फिर भी कोई बोले कि सर मैं तो ये लीनियरली एक रिलेशन में नहीं लिखे जा सकते बट फिर भी कोई जबरदस्ती करे सर मैं तो लिखूंगा दैट इज सी वेक्टर बराबर यहां पे भी आपको इसका कोपिशन लिखना पड़ेगा एक्स सी वेक्टर वाई बी वेक्टर प्लस जेड ए वेक्टर ऐसा लिखना चाह रहे हो तो बोले लिख ले कोई बात नहीं वैसे ये लिख नहीं सकते हैं बट फिर भी बोले कि लिख ले चल कोई बात नहीं जब एक्स वाई और जेड तीनों क्या हो जाएंगे सर जीरो है हाँ ना जब तीनों क्या हो जाएंगे जीरो क्लियर है ये वाली बात है हाँ ना Clear? तो इन नाम को अपने ऊपर हावी मत होने देना ठीक है इन नाम्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। चलिए जी, आ जाइए ये रहा सवाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लिख के भेजेंगे की बात समझ में आ गई है सर अगला सवाल ए वेक्टर हमें दे वेक्टर्स वेक्टर वेक्टर, वी वेक्टर लैंग्वेज पढ़ते हैं जो है वो एक वेक्टर है इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी हु प्रोजेक्शन ऑन सी इज दिस वी डॉट जे सेवन और ये वाली बात शुरू हो जाओ सर क्या बोल रहा है दैन सुनना वी वेक्टर जो है वो इन द प्लेन ऑफ a वेक्टर और b वेक्टर के प्लेन में लाया करता है जो हमारा v वेक्टर है वो a और b के साथ को प्लेनर है तो आपने बोला था सर किन्नी भी दो वैक्टर के साथ अगर कोई वैक्टर को प्लेनर हो तो आप उसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं दिस इज थ्योरम इन प्लेन दिस इज थ्योरम इन प्लेन दो वेक्टर के साथ अगर तीसरा वेक्टर को प्लेनर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं बस उसी से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं और यह बात जैसे ही आपने लिखी इंफॉर्मेशन का खजाना एकदम तैयार जल्दी से आ जाओ सर यह हो जाएगा एक्स टाइम्स ए वैक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वैक्टर है ना इनके साथ ही है तो इसी के टर्म्स में लिख लिया चलिए जी आगे चलते हैं कैसे निकालते हैं सर दोनों का डॉट और जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो दिस इज टू रूट थ्री एक कंडीशन ये दूसरी कंडीशन ये सर वी का डॉट जे कैप के साथ जीरो दे रखा है सॉरी वी का डॉट जे कैप के साथ, साथ दे रखा है

तो हम वी डॉट सी कैसे बनाएंगे सर इस पूरे रिलेशन में सी तो कहीं है नहीं तो ऑब्वियसली बाहर से डॉट लेकर बना दो तो मैंने कहा ले भाई वी डॉट सी बराबर एक्स इंटू ए डॉट सी प्लस वाई इंटू बी डॉट सी इसकी वैल्यू कितनी आएगी मैंने कहा व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी सबको दिखाई दे रहा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर दैट इज रूट थ्री फटाफट वैल्यू को फुलफिल करते हैं अगर ये रूट थ्री है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है वी डॉट सी की वैल्यू आ गई टू ये रहा x यहां पे है x ए डॉट सी की वैल्यू बताओ बिकॉज आपको a और b दोनों मतलब a और c दोनों बताए वन माइनस वन टू वन माइनस वन टू तो सर दू प्लस बी डॉट सी की वैल्यू बताओ y एज इट इज क्योंकि मैं b वेक्टर निकालने में इंटरेस्टेड हूं सर ये लो ये रहा b वेक्टर और ये रहा c वेक्टर बी डॉट सी करना है तो टू माइनस थ्री वन वन माइनस वन वन का डॉट प्रोडक्ट तो टू थ्री वन पांच और एक छे बिल्कुल सही सर ये आ जाएगा ये वाली चीज सर ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई बराबर वन। क्या ये बात क्लियर है अब अब एक बच्चा बोलो सर अब क्या करें मैंने कहा देख ले इससे तूने इस इंफॉर्मेशन को यहां यूज किया अब फटाफट यहां आ जा सर दूसरी इंफॉर्मेशन क्या यूज कर सकते हैं मैंने कहा देख v का डॉट j कैप के साथ दे रखा है तो आप इस पूरे का डॉट j कैप के साथ ले लीजिए फटाफट देखिएगा दिस इज एक्स इंटू ए वैक्टर का डॉट j कैप के साथ वाई इंटू बी वैक्टर का डॉट जे कैप के साथ सर ये वाली जो वैल्यू है ये उसने 7 दे रखी एक्स इंटू ए वैक्टर का डॉट जे कैप के साथ तो सर इसमें सिर्फ इसका J cap का coefficient आएगा that is 1. सामने देखते रहना और सर बी का डॉट जे कैप के साथ तो ये रहा जे कैप इसमें कोफिशेंट है सर माइनस थ्री तो सर ये लिखा हुआ एक्स माइनस थ्री वाई बराबर सात और एक्स प्लस थ्री वाई ये वाली इक्वेशन बराबर वन जैसे ही मैं एक्स और वाई निकालूंगा मेरा जवाब भी आ गया दोनों को जोड़ दो तो एक्स बराबर आठ, एक्स की वैल्यू चार और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन तो x और y आ गए सर माइनस वन क्या ये बात क्लियर है है ना x चार y माइनस वन अब क्या पूछ रहा है सर वो इसके साथ डॉट पूछ रहा है तो मैंने कहा v वेक्टर ही बता दे भाई सर v वेक्टर हो जाएगा हमारा फोर इंटू एक्स की जगह फोर लिख रहा हूं इंटू ए वैक्टर ए क्या है वन वन टू मैंने आपको बताया था जब मैं ऐसे लिखू तो समझ लेना वैक्टर लिख रहा हूं ठीक है और वाई की जगह माइनस वन रखो और बी वेक्टर क्या है दट इज टू माइनस थ्री वन है ना बी वेक्टर जो है टू माइनस थ्री वन सर यह आ जाएगा फोर फोर एट प्लस माइनस टू थ्री माइनस वन इन दोनों का एडिशन दैट इज टू सॉरी सेवन और सेवन टू सेवन सेवन ये ठीक है अब हमें इसका जो है वो डॉट लेना है किस वेक्टर के साथ आई कैप प्लस की कैप के साथ तो सर इन दोनों का डॉट जो है ये कैसे लिखा जाएगा दिस इज वन जीरो वन डॉट लोगे सर ये आ जाएगा दो प्लस सात जवाब आ गया सर नौ क्लियर है बढ़िया सवाल सारी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है डी इज द करेक्ट आंसर कितने लोगों को बात समझ में आई और मैंने कुछ नहीं किया यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालकर यहां पटके हैं और मुझे प्लीज। <coughs> बहुत बढ़िया तीन पॉइंट्स आप कहीं पर भी दे वो हमेशा को प्लेनर होंगे तीन पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई करते हैं अगर आप तीन पॉइंट नहीं सोच पा रहे हो तो तीन पॉइंट से पहले दो वेक्टर सोचो मैं आपको कहीं पर भी पॉइंट्स दे दूं पूरे ब्रह्मांड में तो उनको सब्ट्रैक्ट करके दो वेक्टर बनाओ और दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होते हैं तो जब वो तीन पॉइंट्स जब पॉइंट की बात करेगा तो तीन पॉइंट तो, तो हमेशा को प्लेनर होते हैं जब वो पॉइंट की बात करेगा तो वो चार पॉइंट्स की बात करेगा अब जरा देखना क्या दे रखा है एक प्लेन में हमारे पास चार पॉइंट्स है ए बी सी और ये रहे जी डी ठीक है और सबका पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है ध्यान सुनने वाली बात है समझना जरा ध्यान से देखो तीन पॉइंट्स आर ऑलवेज को प्लेनर तो तीन पॉइंट्स को लेकर सवाल नहीं बनेगा बात आती है सर चार पॉइंट्स का को होने की कंडीशन तो वापस जब आपके पास तीन पॉइंट्स थे तो आपने दो दो को घटाकर दो वेक्टर बनाए ठीक है वैसे आपके पास चार पॉइंट्स हैं तो आप क्या करना मैं आपको डायरेक्टली मॉड ऑफ उप ऑपरेशन समझा रहा हूं कि करना क्या होता है अब उनको क्या करो दो दो को घटाकर तीन वेक्टर बना लो क्या आप ये तीन वेक्टर बना सकते हैं हां कोई से भी तीन बना लो कोई बोले सर मैं तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बनाऊंगा मैंने कहा तेरी इच्छा है कोई से भी तीन बना बोले ठीक है सर ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा <coughs> ये दिस इज ए से डी uh, ए वैक्टर डी से ए की तरफ दिस इज डी बी वैक्टर एंड दिस इज डी सी वैक्टर अगर आप चाहते हो कि ये चार पॉइंट को प्लेनर हो जाए तो उसके लिए सर इन तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर होना पड़ेगा और तीन वेक्टर्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन कोई मुझे बता सकता है क्या हाँ सर उन तीनों का जो बॉक्स है वो क्या आना चाहिए जीरो क्या ये बात क्लियर है ये है हमारा मॉड ऑफ ऑपरेशन ऐसे हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं यसर yes, नो no? आदित्य सिंह बोल रहे हैं कि सर मेरी सेटिंग करवा दो <laughs> आ, तेरे लिए दुनिया में बनी नहीं तेरे लिए बाहर से ढूंढ के लाऊंगा मैं तेरे लिए चांद से बुलाना पड़ेगा तेरे लिए या फिर तुझे ही चांद पे भेजना पड़ेगा उसके लिए बेटा सेटिंग तेरी वेक्टर से करवा दूं ये नुकीला भी है चुभेगा भी थोड़ा सेटिंग करवा दो बताओ बेटा आपने कहीं रात को एफएम तो नहीं सुनते हो बोले हाँ सर वो लव गुरु वाला चैनल चलाना था आज उसमें वो बड़ा ज्ञान देते हैं है ना? ठीक है तो इसमें कैसे करने वाले हैं आप चार अगर पॉइंट्स आपको को प्लेनर बनाने हो तो तीन वेक्टर बनाओ उनका बॉक्स जीरो कर दो आ जाइए सर सर, को प्लेनर मतलब एक पॉइंट पे लाई मतलब एक प्लेन पे लाई करना कोलिनियर मतलब एक लाइन पे लाई करना प्लेन और लाइन में फर्क होता है मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो है हाँ ना <coughs> आ जाइए टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर वेरी गुड पूरे ब्रह्मांड में कोई से भी दो पॉइंट दो उनको मिलाया जा सकता है एक आदित्य सिंह है दूसरा इसका पॉइंट मिल नहीं रहा है तो ये वाले दो पॉइंट बस नॉन कोलिनियर है दिस इज एक्सेप्शन बाकी ऑल पॉइंट आर कोलिनियर ठीक है टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर वेरी गुड तो सर फिर चर्चा कहां होगी मैंने कहा चर्चा या फिर जो हमारे समस्या का विषय है वो ये बनेगा समस्या तीन पॉइंट्स पे आएगी सर हाँ, तीन पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इन तीन पॉइंट्स को हम कोलिनियर कैसे बना सकते हैं ठीक है चलिए आ जाओ सर हम इसमें बहुत सारे तरीके हैं ठीक है इसमें बहुत सारे तरीके हैं एक तरीका क्या है तीन पॉइंट्स दे रखे हैं तो दो दो को घटाकर पहले दो वेक्टर बना लो सर किन दो को घटाना है मैंने कहा तेरी इच्छा है जो तुझे अच्छा लगे सर बोले एक वेक्टर ये बना लेते हैं और एक वेक्टर ये वाला बना लेते हैं मैंने कहा ठीक है भाई अगर ये एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं तो हंड्रेड परसेंट क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट इज सी ए वैक्टर C से ए की तरफ जाने वाला और बी ए वैक्टर दोनों वेक्टर्स पैरल होंगे क्योंकि दोनों एक ही लाइन अपलाई करेंगे ठीक है बस ये कंडीशन बहुत है या फिर आप ये बोल सकते हो कि सी ए वैक्टर इज लैमडा टाइम्स बी ए वैक्टर तो दिस इज द कंडीशन ठीक है अदरवाइज इस केस में आप ये भी बोल सकते हैं एक और मजे की बात बताता हूं इसमें भी आप उन तीन

पोजिशन क्टर आपने दिया तीन पॉइंट आपको ऐसे बनाने हैं जिनके एरो हेड एक लाइन पे कर रहे हैं तो खुद सोचो यार एक ऐसे लाइन गुजर रही है एक यहां भिड़ रहा है दूसरा यहां तीसरा यहां तो वो तीनों एक ही प्लेन में लाइ कर रहे होंगे वो लाइन वाला ही प्लेन इसमें हो जाएगा तो ये तीनों वेक्टर्स जो है इसका बॉक्स जीरो होना चाहिए बट यहां से यहां आना सत्य है यहां से यहां आना असत्य है समझ में आएंगे नहीं समझ में तो आप कुछ भी कर लो दो दो को घटाकर ये कर लो या फिर ये कर लीजिए प्लीज क्लियर है? चलिए जी जी मेंस 2022 में एक आसान सा सवाल पूछा गया हम्म बहुत सही ठीक है शाबाश जल्दी से आप इस सवाल का जवाब दीजिए सर जरा देखना चार पॉइंट्स उसने लिए हैं और वो बोल रहा है को प्लेनर है देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा तो वापस वही सिचुएशन है एक प्लेन के ऊपर उसने चार पॉइंट अनदर पॉइंट इज फाइव टू वन सर अनदर पॉइंट इज वन लेमडा एट और अनदर पॉइंट इज लेमडा थ्री टू लेमडा टू और थ्री ठीक है क्या <coughs> अब आप एक काम करो दो दो को घटाकर एक वेक्टर लिखना स्टार्ट करो मैंने ये तीन वेक्टर्स बना लिए जब मैं इस वेक्टर की बात करता हूं तो दैट इज फाइव माइनस टू यह आएगा थ्री टू माइनस थ्री दिस इज माइनस वन वन माइनस नाइन दिस इज माइनस एट ठीक है इस वेक्टर की बात करूं तो यहां से यहां जा रहा है तो वन में से टू गया दिस इज माइनस वन लेमडा में से थ्री गया दिस इज लेमडा माइनस थ्री अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हो तो ये थ्री आई कैप माइनस जे का माइनस एट के कैप लिखा हुआ है दोस्तों हाँ या ना। और एट में से नाइन गया दिस इज माइनस वन और यहां आ जाइए सर so में से 2 गया दिस इज माइनस टू टू में से थ्री गया दिस दिस इज इज में से गया ये तीन वेक्टर बन गए आपको ये बताया था चार पॉइंट्स दे रखे हैं पहले तीन वेक्टर बनाइए अब आप क्या कीजिए इन तीन वेक्टर का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो कर दो दिस इज थ्री माइनस वन माइनस एट माइनस वन लेमडा माइनस थ्री माइनस वन दिस इज लेमडा माइनस टू माइनस वन माइनस सिक्स सर ये माइनस माइनस कुछ ज्यादा ही हो गया मैंने कहा बिल्कुल सही ठीक <coughs> है एक काम करो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल कर बाहर भेज दो तो दिस इज थ्री माइनस वन एट माइनस वन लेमडा माइनस टू लेमडा माइनस थ्री माइनस वन एट वन सिक्स चलिए फटाफट इसको सॉल्व करो और ये लेमडा में मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक आएगी और वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछ रहा है स्टार्ट करें चलिए क्वाड्रेटिक ढंग से बनाएंगे सर दिस इज क्वाडिटिक्री इंटू दिससे मल्टीप्लीकेशन सिक्स एटीन और माइनस ऑफ माइनस वन तो वो plus 1 हो जाएगा। फिर सर ये माइनस के बाद में प्लस वन आएगा मैंने कहा बिल्कुल सही जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये आएगा माइनस सिक्स और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा माइनस टू बट एक माइनस साइन लगाना है तो ये लो सर और लास्ट वाली टर्म में क्या हो जाएगा दिस इज एट इंटू इसका इससे मल्टीप्लीकेशन दैट इज वन माइनस साइन के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कि है लेमडा स्क्वायर माइनस फाइव लैमडा प्लस सिक्स कैलकुलेशन इज योर्स कैलकुलेशन इज योर्स है ना ठीक है बहुत बढ़िया चावाश सर ये कितना हो जाएगा ये माइनस सत्रह ओ भाई तो ये आ जाएगा सर एटीन लेमडा माइनस सेवनटीन में थ्री मल्टीप्लाइड करो सत्रह तीय मेरे ख्याल से इक्कावन होता है क्या हाँ सर दिस इज माइनस फिफ्टी वन देखते रहना भाई ये ठीक है और सर ये देखना जरा माइनस साइन अंदर जाएगा तो दिस इज माइनस सिक्स और एक काम करो ये माइनस फोर ही हो जाएगा है ना दिस इज माइनस फोर माइनस लेमडा और सर इसमें अब एक काम कीजिए ये लिखा हुआ वन माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस फाइव लैमडा और माइनस सिक्स बाहर लिखा हुआ है सर एट तो बेसिकली सर ये लिखा हुआ है माइनस एट लेमडा स्क्वायर है ना और प्लस फोर्टी लेमडा और सर ये लिखा हुआ है माइनस सात और इसको आठ से मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्टी सिक्स वो भी नेगेटिव का चलिए भैया तो सर ये आ गया माइनस एट लेडा स्क्वायर ये वाली टर्म अबा लेमडा का जो कोफिशियंट है वो बता दीजिए सर ये और ये हो जाएगा सर फिफ्टी एट आई बिलीव है ना और वो भी प्लस का तो प्लस फिफ्टी एट लेट टर्म पे ध्यान से ध्यान देते हैं अच्छा नहीं इन दोनों का एडिशन तो सर आपने फिफ्टी एट बोल दिया माइनस लेमडा भी तो है तो फिफ्टी सेवन लेमडा हो जाएगा ये क्लियर है ना दिस इज फिफ्टी सेवन लेमडा एक बार आप मुझे इक्वेशन लिख के भेजो लेमडा के कोफिशियंट एक्स वाई और जेड मतलब सॉरी लेमडा स्क्वायर का लेमडा का और कॉन्स्टेंट टर्म बोल दीजिए प्लीज सर ये फिफ्टी फाइव और ये फिफ्टी सिक्स माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस फिफ्टी फाइव माइनस एक सौ एक फिर सर माइनस एक सौ पांच कहां पर जी डी बी डी कहां पर कुछ गड़बड़ कर दी क्या बस वही समस्या लग रही थी मुझे किधर अच्छा गड़बड़ में बताता हूं क्या किया मैंने सर ये जो आपकी ओपी कैलकुलेशन है ना इन दोनों का एडिशन आएगा माइनस पांच उसको आठ से मल्टीप्लाई करोगे सर ये आ जाएगा माइनस चालीस यही ना हाँ माइनस फोर्टी बता रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया अब जरा देखना फटाफट दिस इज माइनस एट लेमडा स्क्वायर और सर लेमडा वाली टर्म यहां से दिस इज फिफ्टी एट फिफ्टी एट माइनस दिस इज फिफ्टी सेवन लेमडा देखना भाई कॉन्स्टेंट टर्म गिर लेते हैं ये कितना आ जाएगा नाइन्टी वन नाइनटी वन और माइनस फोर दिस इज माइनस नाइन्टी फाइव बरोबर जीरो है ना एक दो और तीन सर एक काम करो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज एट लेमडा स्क्वायर माइनस फिफ्टी सेवन लेमडा प्लस नाइन्टी फाइव बराबर जीरो उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्योंकि इससे दो वैल्यूज आएंगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है सर 95 फाइफ अपॉन एट सी अपॉन ए ऑप्शन डी इज करेक्ट यस और नो सही है बहुत सही बहुत सही बहुत सही तो सीधा सीधा सवाल था बट थोड़ी कैलकुलेशन करवाई उसने सेकंड लास्ट टॉपिक इन द हाउस दैट इज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बहुत कम पूछा जाता है इनफैक्ट पूछा ही नहीं जाता है बट फिर भी देख लीजिए सिलेबस का पार्ट है आपको पता होना चाहिए बस देख लो क्या, ऐसा क्या होता है हमारे पास है हाँ, और वो नॉन कोप्लेनियर नॉन कोलिनियर वैक्टर्स है मतलब उनके बॉक्स की वैल्यू जीरो नहीं आ रही <coughs> ये कौन है भाई ब्रेक वाला <coughs> वापिस आ गया बेटा तू ब्रेक तुझे अभी चाहिए बस इसके बाद में फाइनल ब्रेक ही देंगे एबीसी जो है वो तीन वेक्टर्स है नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लेनर बॉक्स की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है मतलब सिंपली स्पीकिंग तो आप एक काम करो उन तीन वेक्टर की मदद से ये तीन वेक्टर्स डिफाइन करो ठीक है हमें दिया ए बी और सी है ना हम इनके करस्पॉन्डिंग डिफाइन करेंगे A B और सी डैश सर जब आप ए डैश निकालो तो उसमें क्या करोगे बी क्रॉस सी को डिवाइड कर देना बॉक्स ए बी सी से जब आप बी डैश निकाल रहे हो तो सर बाकी दोनों लोग क्रॉस में आएंगे साइकिल ऑर्डर चलेगा बी के बाद में सी फिर जब आप बी डैश निकालो तो सी के बाद में और जब आप सी डैश निकालोगे ये हमारे पास है ए डैश ये हमारे पास है सर बी डैश और जब आप सी डैश निकालोगे तो वापस सर सी को अगर आप सी डैश निकाल रहे हो तो इसको मत यूज करना ये बी और ए की वैल्यू आएगी तो आप यहां पर साइकिल ऑर्डर में तो एके बाद में भी आता है ये तो ये लो सर तीन वेक्टर्स हम निकाल लेंगे with the help of given three वेक्टर्स। तो एक system जो है है हमारे पास आता क्योंकि एक system मतलब हमें कुछ दिए गए हैं तीन वेक्टर्स दिए गए हैं उनकी मदद से हम तीन वेक्टर्स निकालेंगे तो तीन वेक्टर का एक सिस्टम था उनकी मदद से हमने दूसरे तीन वेक्टर निकाले तो ये दोनों सिस्टम जो है वो आपस में रेसिप्रोकल कहलाते हैं बेसिकली यहां पर जो रेसिप्रोकल का थीम है वो इस वजह से है कि Corresponding डॉट जो है वो वन आएगा देख लो आराम से Corresponding डॉट जो है वो क्या आता है वन आता है जैसे आप देख लो ए का डॉट ए डैश के साथ अगर मैं इस पूरे का डॉट ए डैश का ए के साथ डॉट लू तो यहां पर सर ये आ जाएगा बेसिकली ए का डॉट बी क्रॉस सी के साथ ये बॉक्स ABC है तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है सर वन सिमिलरली अगर आप बी का डॉट बी डैश के साथ लो तो बी डैश का डॉट बी के साथ तो सर ये आ जाएगा ऊपर ध्यान से देखो साइक्लिक ऑर्डर में है बीसीए तो सर ये भी बॉक्स ए बी सी ये भी बॉक्स ए बी सी उड़ा दीजिए सिमिलरली ये तो ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है अब सर आप ए के साथ ले रहे हो तब आंसर बना रहा है बी डैश का डॉट बी के साथ ले रहे हो तब आंसर बना रहा है सी डैश का डॉट सी के साथ ले रहे हो तब आंसर बना रहा है बट सर अगर गलती से आपने किसी और का डॉट किसी और के साथ ले लिया मतलब अगर मैं इसका डॉट बी वेक्टर के साथ ले लूं तो लो भैया यहीं पर ही काम भस्म हो गया सर बी और बी क्रॉस सी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो ये सारी वैल्यू जीरो आएंगी अब अगर आप ये जो तीन नए वेक्टर्स बनाए आपने इनका अगर आप बॉक्स निकालो तो उसकी वैल्यू आती है वन अपॉन बॉक्स ए बी सी मतलब यू कैन से दैट इज बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वेस टू वन अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी क्लियर है क्योंकि जब आप इसका बॉक्स निकालोगे ना तो ऊपर बनेगा बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए ए क्रॉस बी जिसका बॉक्स होता है बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर और हर एक के साथ ये वाला फैक्टर वन अपॉन बॉक्स ए बी सी वन अपऑन बॉक्स ए बी सी वन अपॉन बॉक्स ए बी सी है तो उसको बाहर निकालोगे तो वन अपॉन बॉक्स एबीसी का क्यूब बनेगा ऊपर स्क्वायर नीचे क्यूब पावर कैंसिल करोगे तो एक वन अपॉन बॉक्स एबीसी बच जाएगा तो वैसे इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है और ये पूरा ही आप इसको क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर मतलब देख लो मोटे मोटे रूप से बट हां इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं जी क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लास्ट टॉपिक ऑफ द मिलेनियम हां जी हाँ ध्यान सुनना सिंस थ्री मैं ही पढ़ाने वाला हूं तो कई कई किताबों में आप देखोगे कि वेक्टर्स के अंदर ही स्टेट लाइन की इक्वेशन पढ़ा दी जाती है और डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन रेशियोज जो है वो वेक्टर्स के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है बट हां थ्री डी मैं ही पढ़ाऊंगा तो ये डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन रेशियोज एंड वैक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये सब हम थ्री में देखेंगे ठीक है थ्री डी थ्री ज्योमेट्री में क्लियर है बहुत बढ़िया अब आ जाइए इधर फाइंडिंग अनोन वैक्टर इन टर्मस बेसिकली वैक्टर इक्वेशन का मतलब है मैं आपको बताऊं इक्वेशन का यहां पर मतलब है वो जो खजाने वाली बात मैंने की थी ना जब आपको एक vector relation दिया जाता इक्वेशन तो उसमें से हमें जो चीज चाहिए उसको सॉल्व करके निकाल लाना इज कॉल्ड एज सॉल्विंग वैक्टर इक्वेशन कई कई बार ऐसा भी होगा वो वैक्टर भी सॉल्व करवा लेगा जैसे कि आप बिल्कुल इस बात को ड परसेंट एग्री कर सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है दिस इज बेसिकली सॉल्विंग वेक्टर वेक्टर इक्वेशन इक्वेशन अब ये जो है ये उसने सवाल में दे नहीं रखी थी ये हमने अपनी समझदारी से बनाई उसके बाद में सर हमने पूरा वैक्टर में तो इस तरह की कलाकारी वाली चीजों को हम क्या करते हैं वैक्टर इक्वेशन के अंदर रखते हैं इसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट और प्रोमिसिंग स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट होता है दैट इज वेन अनोन वैक्टर इज प्रेजेंट इन क्रॉस बाकी अगर मान लो मैं आपको वैक्टर ऐसा दू तो आप सभी लोग इससे एग्री करोगे कि सर हम अब कुछ ना कुछ करके हमने इतने सवाल सॉल्व किए थोड़ा इकट्ठा हो गया हम कुछ ना कुछ करके लैमडा और वाई निकाल देंगे तो आप देख रहे हो जो वैक्टर हमें चाहिए था वो अलग था अलग थलग कोई दिक्कत नहीं थी एक ये वाली अपीरियंस और एक ये वाली अपीरियंस इन दोनों में से वो थोड़ी क्रिटिकल लगती है समझ गए कि नहीं समझे तो जब अननोन वेक्टर किसी और वेक्टर के साथ क्रॉस के चंगुल में फंसा हो तो आपको उससे मुक्त करवाने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं यह वाली ध्यान रखनी है प्लीज ये वाला स्टेप यहीं पर आकर फंसते हैं बच्चे बोले सर अब क्या करें है ना तो आप क्या करो इसका क्रॉस ले लीजिए किसी भी एक और वेक्टर के साथ जैसे मैंने क्रॉस ए के साथ लिया और राइट right साइड से क्रॉस लिया समझ में टेकिंग क्रॉस विद ए इससे फायदा क्या होता है अब वो इसके चंगुल से मुक्त हो जाएगा ये स्टेप मैंने आपको करना सिखाया था बिकॉज़ अगेन दिस इज अ वेक्टर रिलेशन या फिर वेक्टर इक्वेशन खजाना वाली बात इसमें से अब हम बात निकाल रहे हैं इसको इससे अलग करने का तरीका अलग कैसे होगा जरा देखते रहना <coughs> सर दूर वाले के साथ डॉट दिस इज ए डॉट एक्स नजदीक वाले का कोफिशिएंट माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट दूर वाले का कोफिशिएंट हो गया क्या अलग हां सर बिकॉज ये हमारा अननोन वेक्टर था इसको अलग करना था एक बच्चा इस स्टेप को देखकर अभी भी परेशान है बोले सर का अलग हुआ ये देखो ये इसके साथ फंसा हुआ है मैंने कहा डॉट वाली चीज तो बनाई जा सकती है कभी भी पूरी इक्वेशन का डॉट ले लो वरना का स्क्वायर कर दो समस्या क्रॉस वाली में आती है बिकॉज क्रॉस इज ए वैक्टर डॉट इज ए स्केलर तो स्केलर तो हम कभी भी सोच लेंगे अलग हुआ कि नहीं हुआ कितने लोगों को बात समझ में आई है ना बोला भैया समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है ये वाली बात ठीक है हाँ बस ये चीज है बाकी जो आपके पास अभी भी जो जानकारी बताई थी पहले भी वो जानकारी आपको अभी भी लगानी है जैसे फॉर एग्जांपल माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन मजा आता है ठीक है अब हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज दिस चैप्टर इज ओवर अब हम फटाफट फ़्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जितने ज्यादा हो सकते हैं ए बी सी डी एक पैलेलोग्राम है फटाफट बनाते हैं ध्यान सुनना ए बी सी डी एक है बहुत बढ़िया सर ये रहा ए ये रहा बी ये रहा सी ये रहा डी जो ए बी वैक्टर है वो क्यू वैक्टर है बोले ठीक है सर लियो ए बी वैक्टर जो है वो क्यू वैक्टर है ए डी वैक्टर जो है वो पी वैक्टर है सर ये भी बढ़िया है ठीक है सामने देखना जरा एंगल बी ए डी बैड गोवा ये कैसे है सर बैड गोवा गोवा बैड बैड बी एन एक्यूट एंगल ये वाला जो एंगल है क्यू टू एंगल है बिल्कुल सही इज द वेक्टर दैट कॉइनसाइड विद द ऑल्टीट्यूड डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टेक्स बी ऑन द साइड ए डी अच्छा थोड़ा प्रोग्राम में चेंज है हा आईज क्लोज सिचुएशन <laughs> सर मालूमिच नहीं चला आपने क्या करो मैं बस यही तो है जल्दी से हाँ जी क्लियर है हाँ ना ये ठीक है ना अब हुआ क्या जरा वापिस पढ़ते हैं

आर वैक्टर इज ए वैक्टर ऑल्टीट्यूड डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टेक्स बी टू द साइड ए डी देन आर इज गिवन बाय हमें ये आर वैक्टर बताना है सर ये तो खत्म हो गया सवाल मैंने पूछा कैसे सर देखो हमारे पास एक वैक्टर ये वाला है जिसको आप क्यू वैक्टर बोल रहे हो मैंने कहा ठीक है ये वाला वैक्टर जो है ये क्यू वैक्टर है मैंने कहा सर ये वाला जो वैक्टर है ये आर वैक्टर है मैंने कहा ये भी हा अगर सर हमें कोई ये वाला वैक्टर बता देना मजो आ जाएगा मैंने कहा यह कौन सा वैक्टर है बोले सर इसका जो पूरा वर्जन है इसका जो पूरा वर्जन है वो तो है सर देखो क्यू वैक्टर मैं आपको से सी बताऊ सॉरी पी वैक्टर बट हमें चाहिए सर इतना सा पार्ट है हाँ ना तो अगर मुझे कोई ये वाला वेक्टर बता दे ये लाल वाला तो काम बन जाएगा क्या क्योंकि उसके बाद में मैं इस ट्राइंगल इस पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा और जवाब बता दूंगा समझ में आया उसके बाद में मैं इस पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा और जवाब बता दूंगा क्योंकि देखो Q वेक्टर ऐसा दिखाई दे रहा है और R वेक्टर ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसका सर और इसकी पूंछ मिली हुई है तो ये वाला जो वेक्टर आप ढूंढ रहे हो इतना लाल वाला वेक्टर वही तो है तो दिस प्लस दिस इज इक्वे टू दिस वेक्टर अब अगर मैं आपको और ध्यान से देखने के लिए बोलूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं Q वेक्टर का P वेक्टर पे प्रोजेक्शन लूं तो यही तो आ जाएगा तो बेसिकली दिस वेक्टर इज नथिंग बट दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ क्यू प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ Q ऑन P वेक्टर यही होगा हा सर अब ये वाली चीज कैसे लिखते हैं मैंने आपको सिखाई थी इसमें आप क्या कीजिए पहले सर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो प्रोजेक्शन की लेंथ आती है दो वेक्टर्स का डॉट और जिस पर प्रोजेक्शन तो ये प्रोजेक्शन ले किस पर हो पॉइंट वेक्टर पी पर तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए अब सर आपको डायरेक्शन यूज करनी पड़ेगी बिकॉज मैग्नीट्यूड आ गया डायरेक्शन क्या होगा डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास पी कैप तो लो सर अच्छा पी कैप को आप ये वाली चीज भी लिख सकते हो ऑप्शन से मैच करवाने के लिए ठीक है पी कैप को आप क्या लिख सकते हो दिस इज पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर ये तो पी कैप होता है चलिए जी हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि ये वाला जो वेक्टर हमारा आया है दैट इज क्यू वेक्टर का डॉट पी वेक्टर के साथ होल डिवाइडेड बाय पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये जो वेक्टर आया है ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर है क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो सर अगर आपसे आर वेक्टर पूछा है तो आर वेक्टर आप क्या करो वो क्यू वेक्टर यहां चला जाएगा दिस इज अवर आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से सोचना है प्रोजेक्शन भी हो गया वेक्टर कॉम्पोनेंट भी हो गया और साथ में हमने ये चीज सॉल्व भी कर ली एग्री करते हो कौन सा ऑप्शन है uh, uh. तो सर ये रहा। अच्छा मैंने पी वेक्टर नहीं लिखा सॉरी ये पी वेक्टर रह गया ठीक है तो वैक्टर पी वेक्टर माइनस क्यू ऑप्शन ए इज करेक्ट क्लियर है बहुत सही आ जाइए अगला सवाल अगेन <coughs> जेई मेंस दो हजार बाईस का पूछा हुआ क्वेश्चन है आराम से सॉल्व कीजिए ठीक है जल्दी जल्दी हम देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे हम आगे ऑपरेट करेंगे वो देखते हैं एग्री बहुत बढ़िया सर बी वेक्टर दे रखा है आ, 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 एक बी वेक्टर दे रखा है मैंने कहा लेडा कोई भी रियल नंबर है एक ऐसा वेक्टर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है ए डॉट बी आपको ट्वेंटी वन दे रखा है ए डॉट भी आपको माइनस ट्वेंटी वन दे रखा है ना अब मैंने कहा देख यार क्या तुझे ये पता चला कि अननोन वेक्टर जो है वो ए वेक्टर ही है क्योंकि इस पूरे सवाल में ए वेक्टर के बारे में जानकारी कुछ नहीं दे रखी, है हाँ ना और ये वही स्ट्रक्चर बन गई जो वेक्टर ध्यान सुनना प्लीज हेलो हेलो जो वेक्टर हमें पता नहीं जो कि हमारा अननोन वेक्टर है ये ए वाला ये किसी दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस के चंगुल में फंसा हुआ है और यहां पर कोई तीसरा ही वेक्टर दे रखा है जिसका नाम नहीं लिखकर उसको दे ही दिया बेचारे ने अब इसको इसके चंगुल से मुक्त करवाने के लिए एक बच्चा बोलता है सर ए के साथ क्रॉस ले लो मैंने कहा अगर तुझे ए के साथ ही क्रॉस लेना था ए ही अननोन है यहां से क्रॉस से हटाया और यहां चिपका दिया क्या फायदा है तो सर किसके साथ क्रॉस ले इसका क्रॉस लीजिए बी के साथ तो मैंने क्या किया इस पूरे वेक्टर का क्रॉस ले लिया बी के साथ ताकि सर उससे फायदा क्या होगा उससे ये वेक्टर जो अननोन है ये अलग हो जाएगा क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जल्दी से सॉल्व करो फटाफट सर यहां पर तो दो वेक्टर्स का क्रॉस है मैंने कहा दो वेक्टर्स का क्रॉस कैसे लेते हैं ध्यान सुनना सर वैल्यू से आई कैप जे कैप के कैप जे के पहली पोजीशन पे बी वेक्टर लिखा हुआ दैट इज वन वन और दूसरी पोजीशन पे थर्टीन माइनस वन माइनस फोर लिखा हुआ है क्लियर सर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दूर वाले के साथ डॉट नजदीक वाले का कोफिश माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट दूर वाले का को आप मानोगे नहीं ये आपके पास ए वैक्टर ही आ गया ध्यान से देखो सारी चीजें आपको पता है बस ए वैक्टर आपको लिखना है ध्यान सुनना एक कॉम्पोनेंट पे काम करते हैं अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं सर कोफिशेंट बोलना जरा कितना माइनस फोर माइनस फोर अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक बार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई साहब ये लेमडा कौन है बे निकालेंगे आप निकालेगामडा निकालने के लिए भी यही मैंने क्या बोला ये इंफॉर्मेशन का खजाना है ध्यान सुनना एक मजेदार चीज और दिखाता हूं अगर मैं इसका डॉट बी वेक्टर के साथ लू यहां से लेमडा आ जाएगा कैसे सर कैसे मैंने कहा ऐसे देख लेफ्ट साइड वाला वेक्टर ये है इसका डॉट बी वेक्टर के साथ ये लिखा हुआ है थर्टीन आई कैप माइनस जे कैप माइनस फोर के कैप और इसका डॉट बी वेक्टर के साथ हाउ मैनी ऑफ यू एग्री कि सर इसकी वैल्यू जीरो होती है क्योंकि ए क्रॉस बी बी वैक्टर के परपेंडिकुलर होता है अगर आप डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो दो रोज सेम हो जाएगी है हाँ ना तो ये है इंफॉर्मेशन का खजाना डॉट विद बी लिया अपने आप लैमडा आ गया कैसे सर देखो ध्यान से बी वेक्टर क्या है सर बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा की कैप अब मुझे फटाफट बता दो कि लेमडा कितना आएगा सर इन दोनों का डॉट तो दिस इज थर्टीन माइनस वन माइनस फोर लेमडा सर ये फोर लेमडा यहां लेके जाओ ये लिखा हुआ है बारह लेमडा की वैल्यू आ गई तीन सर अगर लेमडा तीन आ गया तो यहां पे पुट कर दूंगा कोई दिक्कत थोड़ी है थ्री और ये माइनस फोर है हाँ ना अब मेरी बात ध्यान सुनना सर बी डॉट बी हमें पता है मैंने पूछा कैसे सर बी डॉट बी ये देख लो ट्यूड ऑफ बी का स्क्वा यहां पर अगर तीन रख दू तो नौ और एक दस और एक ग्यारह कितने लोग एग्री करते हैं दिस इज इलेवन टाइम्स ए वैक्टर ए डॉट बी आपको दे रखा है That is minus और सर यहां से आप ये पूरा वैक्टर सॉल्व कर लाओगे दिस इज आई कैप माइनस चार प्लस तीन माइनस जे कैप माइनस चार माइनस थर्टी नाइन

क्लियर है क्या मैं इसके आगे अब डू इट बायो सेल्फ सिचुएशन लिख सकता हूं बता दे भाई हमने अननोन वेक्टर ए वेक्टर ही निकाल लिया ए वेक्टर के आगे टिक करके लिख रहा हूं तो हां सर क्लियर है हाँ ना कुछ देख लेना एक वैल्यू पुट करने से पहले सिंपलीफाई भी कर लेना यार जैसे यहां पर केफिशियन क्या आ रहा है सर यहां पर के कैप का क्वेश्चन है माइनस बी माइनस ए और वहां पर प्लस बी माइनस ए तो बी बी कैंसिल हो जाएगा माइनस ए टाइम्स के कैप ही बचेगा ठीक है ऐसा कुछ यस और नो तो अब हो गया ए वेक्टर निकालना जरूरी था आ जाओ भाई एक और देखो ये रहा वेक्टर रिलेशन का क्वेश्चन इंफॉर्मेशन का खजाना है और इस खजाने को आपको सही से इस्तेमाल करना है प्लीज देखो 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 अब इस, यहीं पे दिमाग लगाई ना यहीं पे सोचो किसने मना किया है कोई तो आपको चेक कर नहीं रहा कोई भी आपको जज नहीं कर रहा जब आप दोगे सोचकर तो भी अच्छी बात है नहीं दे पाओगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है सर हम सोच पा रहे हैं वही अच्छी बात है नहीं समझे कौन आपको कंपेयर कर रहा है किसी से सोचो एक बात ध्यान से ठीक है hmm. <coughs> सर ए वैक्टर दे रखा है बी वैक्टर दे रखा है सी वैक्टर जो है वो सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को अच्छा b वेक्टर एंड c वेक्टर आर नॉन पैरल वैल्यू ऑफ लेमडा अब की बार वापिस से c वेक्टर जो है वो क्रॉस में फंसा हुआ है बट हम सर उसने इस तरीके से रिजल्ट दिया है कि हम इसको वही करेंगे दूर वाले के साथ डॉट दैट इज a डॉट c नजदीक वाले का कोपिशेंट b वेक्टर माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट दैट इज a डॉट b बचे हुएगा दैट इज c वैक्टर का कोपिशेंट और यहां लिखा हुआ है b वैक्टर प्लस लेमडा c एक बढ़िया रिजल्ट को उसने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है आप अगर ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी बी और सी वैक्टर है राइट हैंड साइड में भी बी और सी वैक्टर है बी वैक्टर इधर ले जा रहा हूं सी वैक्टर यहां लेके आ रहा हूं हेलो हेलो सामने देखना प्लीज दिस इज ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर सी वैक्टर यहां आ गया और ये था लेमडा टाइम सी वैक्टर सर ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा ए डॉट सी बी वैक्टर माइनस बी वैक्टर अगर मैं इसमें से आपको सी वैक्टर कॉमन लेने के लिए बोलूं बिकॉज ये स्केलर है ये स्केलर है तो ये आएगा ए डॉट बी प्लस लेमडा सी वेक्टर क्या किया मैंने बस कुछ नहीं इसको ओपन किया समझे नहीं समझे हाँ एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं अपने आप उसने जो दिया उसको खोले हुए तो ही काम हो जाएगा और सर यहां लिखा हुआ है -1 अब मेरी बात ध्यान सुनना A और बी नॉन पैरेलल वेक्टर हैं सारी इस सवाल की जान जैसे होता है ना शैतान की जान एक तोते में फंसी होती है वैसे इस पूरे सवाल की जान इस लाइन पे लिखी हुई है नॉन पैरेलल दैट मीन सर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर है समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा प्लीज मैंने कहा अगर ये नॉन कोलिनियर है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट सर इंडिपेंडेंट ये कैसे है लीनियरली इंडिपेंडेंट बट सर पक्का वो जिद्दी बच्चा टाइप का रहा होगा जिसने बोला मैं तो लिखूंगा मैं तो लिखूंगा कि इनको हम एक लीनियर रिलेशन में नहीं लिख सकते बट एक जिद्दी बच्चे ने जिद की कि बोले मैं तो लिखूंगा तो उसको हम मीठी टॉफी कैसे देते हैं ऐसे मीठी गोली ऐसे देते हैं सर बोले लिख ले जा खुश रह बट बोले बेटा एक्स और वाई की वैल्यू जीरो पुट कर देना बस बोले बिंदास आए ना ठीक है अब वही तो है ये दोनों वेक्टर्स जो है भाई साहब पहले तो आपको ये चमकना चाहिए स्केलर लिखा हुआ है सर ये वाले जो दोनों वेक्टर्स हैं ये वाले जो दोनों वेक्टर्स हैं ये नॉन कोलिनियर हैं देख लो उसने दे रखा है नॉन पैदल बट किसी जिद्दी बच्चे ने ऐसा लिखा है क्या करें सर जो भी बी वैक्टर का कोफिशियंट है उसको जीरो कर दो ए डॉट सी शुड बी इक्व टू वन एंड ए डॉट बी शुड बी इक्व टू लेमडा या ए डॉट बी प्लस लेमडा शुड बीवस टू जीरो सर ए डॉट सी की वैल्यू वन आ गई और लैमडा की वैल्यू जो है वो माइनस ए डॉट बी आ गई अरे वाह अब जब लेमडा माइनस ए डॉट बी है सर ये रहा ए ए का है थ्री वन जीरो बी का है वन टू वन सर थोड़ा संभाल के वट इज ए डॉट बी थ्री पीलस टू प्लस जीरो फाइव सर फाइव के आगे लगाओ माइनस साइन ले बल्ले बल्ले सिचुएशन ऑप्शन ए ऑल आई इज करेक्ट है ना बोलो भाई ओ बेटा ये क्लियर है क्या शानदार आ जाओ घबराओ मत इल्जाम भयंकर लगाए अपने पे आज <laughs> की इजी क्वेश्चन करवाते हो हाँ वो अलग बात है मैंने जय एडवांस के क्वेश्चन नहीं टू तो बी वेरी फ्रेंक हाँ ठीक है हाँ जो भी समझदार व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है उन्होंने वेक्टर्स में या फिर कहीं पर भी कोई सा भी का पेपर उठा के देखे मेन्स दो हजार बाईस का सिर्फ मैथ्स में स्पेशली ऐसा उन्होंने किया है कि उन्होंने वो खुद ही एडवांस के लेवल तक चले गए हैं समझ में है? आया वैक्टर के जो क्वेश्चन आते थे एडवांस में वो इसी फॉर्मेट के ही होते थे लगभग अब वो यहां पहुंच गए हैं तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दिलवाने के लिए बेटर फील दिलवाने के लिए मैं सिर्फ 21 और 22 के सवाल लेके आया हूँ जबकि अगर आप पिछले साल का वेक्टर का लेक्चर देखोगे जो कि मंजिल पर डला हुआ है तो उसमें मेरे एडवांस वाले पी वाई क्यू भी शामिल कर रखे थे बट उसके बाद में फिर जेई मेन्स दो का पेपर हुआ मैथ से भरपूर प्यार देखा गया एन वालों का तो फिर मैंने सोचा कि भैया यही सवाल करवा देते हैं यही बहुत है ठीक है ठीक है शुरू हो जाइए क्या दे रखा है सर ओ ओरिजिन है ओपी वेक्टर दे रखा है ओ क्यू वैक्टर दे रखा है एक्स और वाई रियल नंबर है एक्स पॉजिटिव है सच दैट पी क्यू वैक्टर इज रूट ट्वेंटी ओ भाई एंड ओ पी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू वैक्टर ओ भाई ओ आर वैक्टर ये है भाई साहब वेरिएबल रो ही नहीं रहा है ओ पी और ओ क्यू है ये कौन है अच्छा ओ आर वैक्टर जो है इज को प्लेनर विद दिस एंड दिस का अच्छा, मतलब sorry, x square, y square, z square. हाँ ना शुरू हो जाओ सर कुछ कुछ बातें हमें दे रखी है, मैंने कहा बहुत बढ़िया पहले तो ये बताओ वेक्टर आपको दे रखा है जब मैं बोलता हूं vector, तो उसने खुद बोला है कि ओ ओरिजिन है। बोला है शायद मैंने अभी पढ़ा था कहीं और ओ इज द ओरिजिन दैट मीन सर ये वाला जो है ये वेक्टर हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन शॉर्ट में लिखते हैं फिर जो ओ क्यू वेक्टर है सर वो है हमारे पास माइनस वन टू थ्री एक्स एक्स और वाई कोई रियल नंबर है और जिसमें से एक्स पॉजिटिव है सर एक बार बताओ ये पी क्यू वैक्टर कैसे बनेगा तो सर कुछ नहीं पी क्यू वैक्टर आप क्या कीजिए पॉइंट क्यू में से पॉइंट पी के कॉर्डिनेट घटा दीजिए समझ में ये ऐसे ही तो होता है तो जब क्यू में से पी घटाऊंगा तो दिस इज माइनस वन माइनस एक्स टू माइनस वाई और दिस इज थ्री माइनस ऑफ वन तो ये थ्री एक्स प्लस वन हो जाएगा दिस इज पी क्यू वैक्टर इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है सर इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका स्क्वायर दैट इज वन प्लस एक्स का स्क्वायर सर माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर रखो एक ही बात है ये आएगा टू माइनस वाई का स्क्वायर और थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर सर ये आ रहा है रूट ट्वेंटी है ना ये दे रखा है ये मैंने लिख लिया भैया ओपी एंड ओ क्यू आर परपेंडिकुलर ओ भाई सर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर भी है आप अगर एक चीज ध्यान से देख पा रहे हो अगर तो कोई अलग से थिंकिंग नहीं लग रही जो जो वो बोलता जा रहा है उससे जो डायरेक्ट दिमाग में आए वो कर रहा हूं वो बोल रहा है ओपी और ओ क्यू परपेंडिकुलर है तो क्या करूंगा सर डॉट करके जीरो के बराबर कर दो काम खत्म सर इन दोनों का डॉट हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू वाई और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस थ्री एक्स अच्छा सर सर यहां से टू वाई ये और ये इधर जाएगा सर ये हो गया 4XY बराबर 2X आ गया सर एक रिलेशन ये रहा दोनों तरफ सर इसमें स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा रहना प्लस 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 भाई प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन बराबर ट्वेंटी चलिए मेरी बात ध्यान सुनना अगर जहां जहां पे मुझे y दिखाई दे रहा है वहां पे अगर मैं 2x एक्स पुट कर दूं तो देख ध्यान से अगर मैं इसमें इस y इस की जगह 2x एक्स पुट करूं तो ये हो जाएगा माइनस एट एक्स तो माइनस एट एक्स प्लस सिक्स एक्स और 2x तो प्लस छ और दो आठ एक्स और ये माइनस आठ ये गया सर ठीक है सर अब जरा देखना कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है एक चार और एक छे है सर कॉन्स्टेंट पार्ट तो छे को इधर लेके आओगे तो ये बचेगा फोर्टीन एक्सक्वायर की टर्म एक यहां आ रही है और एक यहां आ रही है 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 ना x square की टर्म एक एक उसके बाद में सर कुछ नहीं बचा एक y square बचा है, बस और उसका स्क्वायर हो जाएगा सर फोर एक्स स्क्वायर सर दिस इज फोर्टीन एक्स स्क्वायर बराबर फोर्टीन सर एक्स बराबर प्लस माइनस वन दो वैल्यूज एक्स की आ गई चलिए आगे चलते हैं ठीक है छोटी छोटी बातें सर भैया बोल रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव है तो बोलने तो भैया के बोलने से क्या है एक्स की वैल्यू वन आ गई सर ठीक है समझ में अगर एक्स की वैल्यू वन है तो ऑब्वियसली वाई की वैल्यू टू आ गई सर ये लो आधा तो निपट गया है अब बचा जेड भैया बोल रहे हैं कि ओ आर जो है ना वो को प्लेनर है ओ पी और ओ क्यू के साथ को <laughs> प्लेनर की कंडीशन ओ आर ओ पी ओ का बॉक्स क्या कर दो जीरो सर क्या बोले आप महंगा कुछ नहीं बॉक्स मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सर ये क्या लिखा हुआ है दिस इज थ्री जेड माइनस सेवन ठीक है अब ओपी वेक्टर लिखूंगा जिसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं वन टू माइनस वन यहां पर वन आएगा है ना एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू टू और ये माइनस वन आगे चलेगा थोड़ा सर ओ क्यू क्या हो जाएगा माइनस वन टू और एक्स की वैल्यू वन है तो थ्री माइनस वन टू और थ्री यहां से मेरे ख्याल से आप जेड सॉल्व कर लोगे फटाफट आप मुझे सभी लोग जेड की वैल्यू बताइए प्लीज डिटर्मिनेंट से जेड की वैल्यू बताओ आंसर ना बताओ कि नाइन आ रहा है कि सेवन आ रहा है कि क्या आ रहा है चलिए जी ये आ जाएगा सर थ्री इंटू सिक्स प्लस टू है ना छ प्लस दो माइनस जेड इंटू तीन माइनस एक और माइनस सात इंटू दो प्लस दो चार सर ये लिखा हुआ है आठ इंटू तीन चौबीस और ये जेड है ध्यान रखना माइनस टू जेड माइनस अट्ठाईस सर ये इधर जाएगा तो ये चार हो जाएगा तो माइनस टू जेड ठीक है टू ये रहा जेड और ये हो जाएगा फोर जेड की वैल्यू माइनस टू आ रही है सभी के स्क्वायर्स का सम पूछा है मैंने कहा हां तो चार चार आठ और एक नौ तो थोड़ा सा डेंस क्वेश्चन है मतलब जानकारियां छिपी हुई हैं और बहुत सारी कैलकुलेशन करवा रहा है तो कोई बात नहीं ऐसे सवालों में थोड़ा सा आपको इतमिन से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये कोई डिफिकल्ट कैटेगरी में काउंट नहीं होता बट हां लेंदी बोल सकते हो कि बस सारी बातों को कनेक्ट करना और ये कनेक्ट अपने आप हो रहा है जैसे जैसे वो स्टेटमेंट बोलता जा रहा है उसके हिसाब से कनेक्ट हो रहा है क्या उसने ऐसा कुछ अतरंगी चीज तो बोली नहीं दोनों का डॉट जीरो करना था परपेंडिकुलर दे रखे हैं दोनों को घटाकर वैक्टीर वे, मैग्नीट्यूड लिखो तो मैग्नीट्यूड से एक्स और वाई में रिलेशन आया डॉट से एक्स और वाई में रिलेशन आया एक्स वाई पता चल गया को प्लेनर दे रखा है ये कर दिया आजा भाई एक और करते हैं हाँ ना। सर ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर अच्छा ए वेक्टर जो है वो को प्लेनर है ओ भाई ए वेक्टर जो है ना वो इन दोनों के प्लेन में लाई करता है बोले अच्छा एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रूट टेन देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस तीन तीन डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहे हैं पहले तो सवाल सॉल्व करने से पहले ही सवाल को हल्का कर लो हाउ मैनी ऑफ यू एग्री कि इसकी वैल्यू जीरो होगी क्योंकि उसने बोला है ए वैक्टर बी और सी के को मतलब प्लेन में है तो ए वैक्टर बी वैक्टर और सी वैक्टर को प्लेनर हो गए और तीन को प्लेनर वैक्टर का जो आप बोलते हो ये बॉक्स प्रोडक्ट है ये क्या आता है जीरो अच्छा अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाओ कि ये डिटर्मिनेंट अलग ये डिटर्मिनेंट अलग देखो ध्यान से इस डिटर्मिनेंट की दो रोज सेम है अच्छा सर आप इस सवाल को ना डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट बोल रहे हो मैंने कहा अगर देख तुझे ये बात समझ में आए तो तो ऐसे कर ले वरना बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है टेंशन नको लेने का रे बाबा ठीक है वरना एक डिटर्मिनेंट निकाल ले एक बोल रहा है नहीं आ रही है <laughs> अच्छा हुँ? आ रही है तो बेटा आएगी नीन्नी घबरा मत हाँ अभी निन्नी आ रही है ना बेटा और वहां पर पेपर में वहां पसीनी आएगी उस तरफ कभी फिर उस दिन तुझे कोई नहीं देखेगा कहीं पर उम्मीद नहीं मिलेगी यहीं देख ले अभी निन्नी को भगाओ ताकि उस दिन पसीनी ना आए वरना उस दिन पसीनी आ गई ना गड़बड़ हो जाएगी आता ही है वैसे पसीना आता है वो माहौल ही ऐसा हो जाता है आपने अगर ढंग से पढ़ाई की है अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की है तो वहां पे थोड़ी पेट में गुड़ गुड़ हर्ट बीट ऊपर नीचे ठीक है कुछ तो माहौल ही ऐसा होता है सेंटर के बाहर कुछ लोग इतने रिलैक्स होके जाते हैं मतलब अकेले ही आए हुए हैं पेपर देने हाँ और कुछ लोग इतने ज्यादा सीरियस होके जाते हैं कि पूरा परिवार आया हुआ है भाई आराम से सोच के ठीक है यस उनको देखकर ऐसा लगता है यार इनकी तो तैयारी बहुत जबरदस्त है पानी की बॉटल और पता नहीं अतरंगी टाइप के बैग हाथों में पता नहीं है क्या गया ऐसा लगता है पता नहीं नहीं एंटी वालों ने कुछ तो था अंदर जो जो हम भूल गए चीजें वहां रिक्वायर्ड है वो जरूर ले जाना वरना कुछ लोगों को देख के आप खुद डिप्रेशन में आ सकते हैं वहां सेंटर के बाहर तो इधर उधर लोगों को मत देखना कुछ इतने रिलैक्स्ड होंगे हाँ बैठ के बढ़िया वही बाहर सेंटर के चाय पी रहे होंगे कुछ इतने परेशान होंगे वहीं पर ही पन्ने पड़ रहे होंगे एक कॉपी दीदी ने पकड़ रखी होगी एक भैया ने पकड़ रखी होगी उधर से पापा जी कान में कुछ बता रहे हैं फॉर्मूला ये सब वहां देखने को मिलेगा एक मैं तो मैंने तो कई बार ऐसा किया जब पेपर होता था तो ऐसे बच्चों से पूछने भी जाते थे कि पेपर कैसा हुआ पर वहां का नजारा देखकर बड़ा अच्छा लगता है और पेपर से बाहर निकलने वाला तो और खतरनाक सीन है मैं अब ये बातें मजाक में इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूं तो भाई कोई मजाक लगेगी नहीं जब पेपर से बाहर निकलोगे ना सबके पेरेंट्स ऐसे हैं एक्सप्रेशन नोट कर रहे होते हैं बोले हमारे वाले राजा बेटा ने आज क्या किया है और जो ओपी है एकदम वो बाहर निकलती पापा पेपर कैसा हुआ पापा आई आईआईटी की सीट पक्की है कार तक तो पिताजी भी मान लेते हैं कि आईआईटी की सीट पक्की है फिर वो बाद में कॉलर से पकड़ के बोले एक बात बता बे पेपर तो तू हिन्स का देखा है बोले हाँ वही एनआईटी की सीट पक्की है ऐसा समझ लो आप भी सीरियसली जाते बोले आ, बोले पेपर ऐसा हुआ है ऐसा किसी ने नहीं किया हो बोले बेटा डिस्कस कर ले बोले नहीं डिस्कस मैं नहीं करूंगा एक प्रोमिनेंट डायलॉग देखना यह सुनने को मिलता है बेटा आंसर की मैच कर ले बोले नहीं मैं आंसर की नहीं मैच करता उससे कॉन्फिडेंस लो होता है मेरा पेपर सही हुआ है उनको अब अंदर की बात कौन बताए है ना मैं नहीं आंसर की निकालूंगा बोले का की आंसर की नहीं अगले पेपर की तैयारी करनी है मजा आएगा ध्यान रखना मजा आएगा जर्नी तो है सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आ जाओ भाई आ जाओ ग्यारह बजने को आए हैं ए वैक्टर इज कोप लेनर विद बी एंड सी अरे भाई क्या चाहिए इसको ये मेरे ख्याल से ए वैक्टर निकलवा के ही मानेगा है ना ओ माई गॉड ऐसा ए का डॉट डी के साथ जीरो है आ? देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो हमें मिल गया सर बी वेक्टर क्या है दैट इज टू वन वन सामने देखना जरा और सी वेक्टर क्या है सर दैट इज वन माइनस वन वन सर टू प्लस वन दिस इज थ्री दिस इज जीरो दिस इज टू तो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो है थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप ठीक है ठीक है दिस इज थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप डी वेक्टर भी हमें पता है अरे भाई बचा हमारा ए वेक्टर चलिए जी ए वेक्टर सॉल्व करते हैं जैसे उसने ये बोला कि ए वेक्टर जो है वो को प्लेनर है वेक्टर एंड सी वेक्टर तो हमने मान लिया दिस <coughs> इज एक्स बी वैक्टर प्लस वाई सी वैक्टर यार मेरे को ये इतना लंबा मानने की इच्छा नहीं हो चलो कोई बात नहीं चीज दे रखी है ना अच्छा एपेंडिकुलर है डॉट तो ले लो डी के साथ तो सर ये आ जाएगा ए वेक्टर का डॉट डी वेक्टर के साथ बराबर एक्स का डॉट डी वेक्टर के साथ प्लस वाई टाइम सी वैक्टर का डॉट डी वेक्टर के साथ सर ये वाली वैल्यू आएगी जीरो और सर ये बताना जरा b डॉट d कितना है ये देख ले b है आपके पास टू वन वन और जो d है वो आपके पास थ्री टू सिक्स ठीक है टू वन वन और ये क्या है थ्री टू सिक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट सर ये आएगा x इंटू छ प्लस दो प्लस छ अब ये c डॉट d कैसे निकाले भाई निकल जाएगा निकल जाएगा टेंशन आ लो सर ये रहा सी सॉरी वन माइनस वन वन कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा वन माइनस वन वन और जो डी है दैट इज थ्री माइनस टू सिक्स सॉरी थ्री टू और सिक्स इसका मल्टीप्लीकेशन तीन माइनस दो और ये आएगा छ एड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा एक और ये आ जाएगा सात ठीक है हाँ है ना बारह और दो अरे वाह सर माइनस फोर्टीन एक्स बराबर सेवन वाई वाई की जगह सर आ रहा है हमारे पास माइनस टू एक्स अच्छा एक बढ़िया चीज बताता हूं हाँ यह भी एक ऑब्जर्वेशन है आ, अगर मान लो जैसे शिफ्ट डिवाइड होगी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा चौबीस जनवरी को पेपर होने वाला है वापिस वही रोल नंबर वन वाली कहानी है जिनका पहले पेपर हुआ ठीक है उन दोनों शिफ्ट के जो पेपर्स हुए हैं कोशिश कीजिए आप वो पता कर लीजिए मेमोरी बेस्ड क्योंकि ऐसा पाया गया है कि उन्होंने अगर इस वेरायटी का क्वेश्चन पूछा है तो वो सुबह शाम वाली शिफ्ट में या फिर अगले दिन वाली शिफ्ट में उसी वरायटी का ही क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं दिस इज मेयरली एन ऑब्जर्वेशन इसको लेकर पागल नहीं होना है कि हमें पेपर वन का शिफ्ट का पेपर पता चल जाए पेपर पता चल जाए पेपर पता चल जाए, पता चल जाए। अगर आसानी से पता चल रहा है लाइव डिस्कशन हो रहा है जो कि हम लोग कोशिश करेंगे करवाने की ठीक है तो आप उस लाइव डिस्कशन को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लीजिए है ना तो उसमें क्या उसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी ये एक ऑब्जर्वेशन है तो वाई बराबर माइनस टू एक्स आ गया सर मैंने अब आप एक काम करो सर इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर और प्लस टू एक्स वाई बी डॉट सी क्या ये बात क्लियर है आए ना सर ये पता है ये पता है ये पता है ये पता है एक्स और वाई में रिलेशन पता है वाई की जगह आप माइनस टू पुट कर दीजिए है ना? क्या ऐसे ही सॉल्व करवाएगा वाई की जगह माइनस टू पुट करो तो यहां से पूरा एक रिलेशन बनेगा एक्स में तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर वाई की वैल्यू आएगी है ना फिर इस बॉक्स की वैल्यू आएगी अरे भाई यही एक इलाज है भाई एक्स वाई तो निकालना ही पड़ेगा ठीक है वापस बोल रहा हूं देखना जरा क्योंकि आपको यह दे रखा है सर इसकी वैल्यू है टेन एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो सर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा चार और एक एक सर दिस इज सिक्स मॉड ऑफ सी स्क्वायर कितना हो जाएगा सर दिस इज थ्री बी डॉट सी कितना हो जाएगा दो माइनस एक एक तो ये आ जाएगा दो और जहां जहां पे आपको वाई दिखाई दे रहा है वहां पे माइनस टू एक्स रख सकते हैं एक बार करना जरा कोशिश फटाफट ये पूरा क्या बनेगा सर ये बन जाएगा दस, दस स्क्वायर प्लस थ्री वाई और, एक बार हटा रहा हूं प्लस टू एक्स वाई इंटू टू तो ये हो जाएगा फोर एक्स वाई है ना? अब फटाफट वैल्यू पुट करते हैं जहां पर आपको वाई दिखाई दे रहा है पे कर दो, प्लस का। चेक करते हैं कि भैया आंसर आ रहा है कि नहीं सर इसमें ये हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर चार तीय बारह है ना यहां पर अगर आप पुट करोगे वाई की जगह माइनस टू एक्स माइनस आठ एक्स स्क्वायर चलो कुछ बढ़िया तो बना सर टेन बराबर टेन एक्स स्क्वायर बन गया x की वैल्यू जो है वो आ रही है प्लस माइनस वन तो सर दो पॉसिबल पेयर बन रहे हैं अगर आपने एक्स वाई की वैल्यू ली एक्स की वैल्यू ली प्लस वन तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस टू और आप बोल सकते हो अगर आपने एक्स की वैल्यू ली कितनी माइनस वन तो वाई की वैल्यू आएगी टू एक्स वाई निकलने के बाद में आपके पास वेक्टर ए और बी आ जाएंगे समझे कि नहीं समझे क्लियर हां सर जैसे ही आपको एक्स वाई पता चले तो ये पूरा वेक्टर पता चल गया अब आप निकाल लीजिए बॉक्स ठीक है इस पूरे का बॉक्स निकाल लो जिसमें से आपको नाइनटी परसेंट चीजें पता है मैं आपको एक, एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप अपना बॉक्स की जो वैल्यू है वो भी ए बी में ही निकालो मतलब एक्स और वाई के टर्म्स में ठीक है तो आंसर देख लेना मेरे ख्याल से पता नहीं क्या आता है <laughs> नहीं पता है मुझे आ जाओ बढ़िया सवाल है इस सवाल में देखो मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग मतलब मैं स्पेशली किसी और की मैं रिस्पॉसिबिलिटी नहीं ले रहा हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार ध्यान से देखो ऑप्शन में क्या करवाया उसने सर ये सिंप्लीफिकेशन करवा ली प्रोजेक्शन करवा लिया बॉक्स प्रोडक्ट निकलवा लिया और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकलवा लिया मोटा मोटी अगर पूछे तो इस पूरे चैप्टर में यही तीन चार प्रोग्राम होते हैं उसने सिर्फ एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को देखना कैसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू तो मतलब ये सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल है जल्दी से बस लास्ट वीटीपी से एक बार बता दो भैया वीटीपी मतलब नहीं वीटीपी आप तब लगाते बेटा जब वो ये पूरी लैंग्वेज ये लिखे कि इन दोनों के साथ तो कोप्लेनर है और किसी एक के परपेंडिकुलर है हां तो फिर हम क्या करते हैं अब जिसके परपेंडिकुलर आपको रखना है हां ये भी कर सकते हैं यार इन दोनों का क्रॉस अरे वाह भाई साहब गजब हाँ सर आप ही हमें बोल रहे थे खुद एक और इसको तरीका किसी बच्चे ने बोला है वेरी गुड सेकेंड एक सेकेंड एक मेथड एक, एक तो आपको करके दिखाया है। सर आप बोल रहे थे कि लैंग्वेज पे ध्यान दो लैंग्वेज पे ध्यान दो और आपने खुद ही ध्यान नहीं दिया एक बार देखना क्या बोल रहा हूं उसने बोला कि जो आपका ए वेक्टर है ना वेरी गुड यार मैं नाम नहीं पढ़ पाया रियली प्राउड ऑफ यू दूसरा मेथड बता रहा हूं ठीक है वो बोल रहा है कि जो ए वैक्टर है वो कोप्लेनर है बी वैक्टर और सी वैक्टर के साथ एंड परपेंडिकुलर है डी वेक्टर के साथ ऐसी लैंग्वेज आपने कहीं सुनी हुई लग रही होगी अगर आपको कोई वेक्टर चाहिए जो किसी एक के साथ हो किसी दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो हाँ ना कि दो के साथ को प्लेनर हो किसी बाकी किसी के साथ परपेंडिकुलर हो बताया था बेटा बताया था उसी पॉइंट पे जा रहा हूं घबराओ मत पैनिक ना कीजिए तो सर जब आप ऐसा लिखते हो तो जो वेक्टर आता है वो इन दोनों के साथ कोप्लेनर इसके परपेंडिकुलर तो कोप्लेनर है मतलब आप जिनके साथ कोप्लेनर रखना है उसके क्रॉस को तो ब्रैकेट के अंदर रखो जिसके साथ परपेंडिकुलर रखना है उसके क्रॉस को बाहर रखिए प्लीज तो हम इसको मैथड टू से सॉल्व कर रहे हैं वाह अब इसको बोलते हैं <laughs> क्लिक करना <laughs> स्टार्ट करें सर हम एक काम कर लेते हैं ए वेक्टर मान लेते हैं ज बी क्रॉस सी का क्रॉस डी वेक्टर के साथ इन दोनों के साथ ये को प्लेनर आएगा इसके ये परपेंडिकुलर आएगा और यहां पर आप दो क्योंकि सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप डिसाइड करेंगे मैंने कहा निकालते चेक करिएगा सी आई कैप जे कैप के कैप दिस इज टू वन 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 माइनस वन वन तो सर ये आई कैप का जाएगा वन माइनस ऑफ माइनस वन दट इज टू माइनस जे कैप टू माइनस वन दैट इज वन और के कैप का जो कोफिशेंट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस टू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री दिस इज टू माइनस वन माइनस थ्री क्रॉस सी तो ये आ गया तो सर अगर ये वाला क्रॉस ये आ गया आपके पास तो वापस से अब मैं बी क्रॉस सी का क्रॉस डी वैक्टर के साथ निकाल रहा हूं फिर से आई कैप जे कैप के कैप और जरा देखना बी क्रॉस सी सही आया क्या तो टू माइनस वन माइनस थ्री अब इसका क्रॉस भी डी वैक्टर के साथ दैट इज थ्री टू सिक्स चलिए फटाफट बताओ ये कितना आएगा ये इतना कैलकुलेट कर रहे हैं जल्दी से बताओ 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 तो आई -कैप का काफिशियंट आ गया माइनस छ प्लस छ अरे वाह देख लेना माइनस छ प्लस छ जे कैप का कोफिशियंट कितना आ रहा है सर बारह और माइनस ऑफ माइनस नौ तो ये प्लस नौ हो जाएगा और के कैप का जो कोविजन है वो कितना आ रहा है चार प्लस तीन सात सो दैट इज माइनस ट्वेंटी वन जे कैप बारह और नौ इक्कीस ये तो जीरो ही हो गया प्लस सेवन के कैप है ना क्लियर है क्या चलिए एक बार सभी लोग इतनी तेजी में बीएमडब्ल्यू लिख के भेजेंगे मजा आ जाना चाहिए तो लैमडा टाइम सर ये वेक्टर बचा लियो इक्कीस जे कैप या फिर एक काम करो इसमें से भी आप सेवन कॉमन ले लो तो सेवन कॉमन लोगे तो यह सेवन आ जाएगा माइनस थ्री आई कैप प्लस के कैप अब सर इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है उसने तो वो हो जाएगा सेवन लेमडा का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड होता है जी रूट टेन और ये मैग्नीट्यूड उसने रूट टेन ही दिया है लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस वन अपॉन सेवन आएगा Lambda जो है वो प्लस माइनस वन अपॉन ये सही है साफ सुथरी कैलकुलेशन हुई है ये वाला कैलकुलेट करना है इन दोनों का एडिशन ठीक है ये बढ़िया है ये ज्यादा आसान कैलकुलेशन है कंपेयर टू दिस क्योंकि यहां पे ज्यादा वैसे तो इसमें भी उतनी होगी ज्यादा फर्क नहीं है बस एक दो ग्राम का फर्क है चलिए लास्ट क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़वा रहा हूं भैया और कुछ नहीं कर रहा हूं ठीक है बस तुम्हारी प्रैक्टिस जल्दी से देखना ए वेक्टर 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 बी सी सच अरे वाह वाह अरे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सी बात सत्य नहीं है देखो ए क्रॉस बी सी के बराबर है बी क्रॉस सी ए के बराबर है मॉड ऑफ ए टू के बराबर है ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं mm -hmm. सर ये बताओ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्रॉस सी क्या होगा किसी एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन लेना है तो आप एक काम करो उसका उसके साथ डॉट लो और जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो ठीक है तो बी क्रॉस सी जो वेक्टर है वो ए के ही बराबर है देखो ध्यान से तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं इसकी जगह भी ए वैक्टर ही लिख दूंगा और बी क्रॉस सी जो है वो भी ए वैक्टर के बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और नीचे एक और मैग्नीट्यूड ऑफ ए है तो यही बचेगा आंसर आ रहा है टू अरे वाह दिव्य शक्तियों का प्रदान एक ऑप्शन चेक किया वही सही आ गया कुछ गड़बड़ लग रहा है सर भैया पूछ रहे हैं नॉट ट्रू समझ में तो ये बात है ना ट्रू है अच्छा ये तो सही लिखा हुआ है सर आ जाओ ऊपर वाले पे चलते हैं मैं ठीक है भैया बताना जरा ये क्या लिखा हुआ है कैलकुलेट कर लेते हैं सिंप्लीफाई कीजिए बस 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 बेटा अब तो बस आ, दिस इज सी क्रॉस बी अरे बस कुछ नहीं इसको अंदर भेज रहा हूं ठीक है तो बी क्रॉस बी सी क्रॉस बी ये इधर जाएगा तो दिस इज माइनस बी क्रॉस सी और सर जब ये इधर आएगा तो दिस इज माइनस सी क्रॉस सी ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और इस पूरे के बाहर क्रॉस ए बैठा है सर देखो सी क्रॉस सी खुद का खुद के साथ क्रॉस दैट इज जीरो होता है सर खुद का खुद के साथ क्रॉस जीरो होता है सर इसको आप सी क्रॉस बी लिख सकते हैं इस नेगेटिव साइन को भेज कर मैंने कहा ठीक है सी क्रॉस बी वैक्टर जो है वो माइनस ए वैक्टर है देख ले आराम से तो ये लिखा हुआ ए वैक्टर का क्रॉस टू टाइम्स माइनस ए वैक्टर के साथ सर माइनस और टू स्केलर है इनको बाहर भेजिए पीछे बचेगा ए क्रॉस ए जिसकी वैल्यू नल वेक्टर होती है सर ये स्टेटमेंट भी ट्रू लिखा हुआ है आगे चलते हैं इन दोनों का बॉक्स पूछ रहा है सर है ना हम्म चलिए इसको कैलकुलेट करें सर बॉक्स ए अब की बार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉक्स ए का मतलब होता है का डॉट विद बी क्रॉस सी सर अब की बार आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने कहा देख सी और उसके बारे में जानकारी दे रखी है तो इसलिए मैंने बी क्रॉस सी इसको ऐसे लिख लिया लिख सकता हूं ना सिमिलरली आप इसको क्या करो इसमें एक चेंज कर दो कर दिया जी तो जब इसमें एक चेंज किया तो यहां से पहले हम यहां रुके तो एक माइनस साइन लगाया तो इसको हमने ऐसा लिखा ठीक है अब मैंने क्या किया

ये भी ट्रू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बट फिर वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छा आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए ए क्रॉस बी सी के बराबर है बी क्रॉस सी ए के बराबर है तो इन दोनों जानकारी से ये समझ में आना चाहिए ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ठीक है वैसे आंसर डी है अगर आपको इन सब ऑप्शन पे क्लैरिटी है तो तो सर ये समझ में आता है ए क्रॉस बी सी के बराबर है सी क्रॉस बी बी क्रॉस सी ए के बराबर है दैट मींस ये सब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तभी ऐसा होता है समझे कि नहीं समझे हाँ सर वरना आप वैसे भी देख सकते हो यार परपेंडिकुलर चेक करने का एक और तरीका भी है सर अगर ए और सी परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट जीरो आना चाहिए मैंने मैं देख आ तो रहा है क्योंकि अगर वो ये बोल रहा है कि ए क्रॉस बी सी वैक्टर के बराबर है तो दोनों तरफ डॉट ले ले के साथ इसका इसके साथ डॉट तो जीरो होगा तो देखो ए डॉट सी जीरो आ गया सिमिलरली इस इक्वेशन का आप डॉट ले लीजिए बी के साथ तो वो जीरो आ गया तो ए और बी परपेंडिकुलर हो गए और C. इसमें आप डॉट ले लो सर बी के साथ तो बी और सी भी परपेंडिकुलर हो गए जब ये सारे वैक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर ही है तो सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको जब हम ओपन करेंगे दिस इज फोर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इसके आगे वाली कोई भी टर्म क्यों नहीं लिख रहा हूं बिकॉज उसमें आएगा ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए सब लोग आपस में परपेंडिकुलर हो तो ये लोग गए है हाँ ना अब सर हमारे पास ये तो पता है ये टू के बराबर है तो भाई साहब एक बार बताओ ये चार इन चार ये सोलह हो जाएगा आ जाओ भाई सर अब बाकी हम कैसे निकालें आसान है देखो ध्यान से उसने ये बोला कि ए क्रॉस बी जो है वो सी के बराबर है और हमें यह पता चल गया सारे आपस में परपेंडिकुलर है तो अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लू तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वे टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी अब सर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसमें सिर्फ यही दो टर्म्स आएंगी साइन नाइनटी वन होता है सिमिलरली अगर मैं इसमें दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेता हूं तो ये आएगा बी क्रॉस सी मैं क्या करने जा रहा हूं ध्यान सुनना मैं बी और सी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं पांच मिनट और बोले ठीक है सर अब आप पाँच मिनट बोल रहे हो तो ठीक है ले भैया सर आपने इस तरफ मैग्नीट्यूड लगाया सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिख दिया क्रॉस साइन है बीच में तो मैंने कहा नाइन्टी डिग्री है दोनों के बीच का एंगल तो लो भैया ये तो सवाल ही सॉल्व होगा दोनों को डिवाइड कर दू तो जरा देखना जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी दिखाई दे रहा है वहां पे यहां पे टू लग दो तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी को सी बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को ये बोल रहा हूँ सी तो बराबर टू बी और ये क्या लिखा हुआ है दिस इज बी इंटू सी बराबर टू हो गया क्या सॉल्व सर सी की जगह आप टू अपॉन बी रख दो बी तो स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर वन अगर बी स्क्वायर की वैल्यू वन आ गई तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सर टू सॉरी बी की वैल्यू वन आएगी तो सी की वैल्यू टू कुछ गड़बड़ की मैंने या ठीक है चलिए है ना सर इसका मैग्निट्यूड हमारे पास वन आ गया तो दिस इज वन फोर इन टू सर ये कितना आएगा चार सोलह तो ये पूरा सोलह 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 बत्तीस और एक तैतीस आ रहा है सर ये तो और भैया बोल रहे हैं फिफ्टी वन गलत बोल रहे हैं सर है ना थर्टी थ्री इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही तो ऑप्शन डी है जो गलत गलत लिखा हुआ है तो बढ़िया सवाल है उसमें पूरी कैलकुलेशन करवाई है मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी चलिए जी ये हमारा सेगमेंट जो है बड़ा ही प्रोमिनेंट है 2022 के सारे लगभग क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं कुछ दो चार छोटे मोटे बचे हैं उनको डू इट बाय सेल्फ सिचुएशन में ले लीजिए ये सवाल है ये रहा जवाब 150 आंसर आएगा अगला सवाल ये रहा जवाब आंसर सी क्या आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन बेनिफिशियल है मतलब देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए वो आप बताइएगा प्लीज प्रोजेक्शन जो है वो इस वेक्टर का इस पर है देख लेना आराम से ध्यान से डू इट सेल्फ क्वेश्चन नंबर फोर अगेन 22 का है ठीक है देख लीजिएगा आंसर इज डी पांच सवाल लेके आऊ ये तो आसान सही सवाल है ज्यादा महंगा नहीं है चलिए जी डू रिमेंबर दिस ठीक <laughs> है बिल्कुल सही पेपर में अपीयर करना अच्छे नंबर लेके आना अपने पेरेंट्स के सक्सेस मतलब अपने पेरेंट्स को आ, प्राउड फील करवाना ये हम सभी लोगों की आपकी मेरी सबकी इच्छा है ठीक है हाँ और हम सर इस इच्छा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं बट कई कई बार क्या होता है सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट और क्रिटिकल हो जाती है कि हमें कोई दूसरा चाहिए होता ये बताने के लिए कि सब ठीक है और वो जो दूसरा है उसका काम हम लोग कर रहे हैं समझ में तो आप घबराइए नहीं जिस भी हालत में आप हैं पढ़ते रहिए है प्लीज जरूर 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 ये जो कठिनाई के बादल छाए हुए हैं ये चले जाएंगे फिर से एक नई सुबह होगी बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा और ये जो मेहनत आपने की है ये ताउम्र आपके साथ रहने वाली है जिस ग्रिलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं आपको एक बेहतर इंसान एक चमकते हुए इंसान में कन्वर्ट कर देगी ठीक है चलिए एक शायरी हो जाए स्टोरी कौन सी स्टोरी सुनोगे यार स्टोरी वगैरह मत सुनो तुम तो लेट हो जा रहे हो वैसे आजकल मेरे दिमाग में मतलब मैं खुद भी वही बोलता रहता हूं ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है अभी कर लेता हूं मेहनत फिर मैं खुद कहूंगा कि हट जाओ सब लोग पीछे अब मेरी बारी है और तो मेरे पास कोई शायरी है नहीं लेट मी चेक घोस्ट स्टोरी अबे यार ये तुम्हें कौन सुना गया घोस्ट स्टोरी लव मोटिवेशनल शायरी ये ठीक है मेरे को सच में कुछ नहीं मिल रहा है गोस्ट स्टोरी नहीं है यार मेरे पास कहा गोस्ट स्टोरी एक तो ये नहीं समझ में आ रहा हाँ चलो थोड़ी सी बातें मैं आपको ये बताता हूँ ये ये प्रिपरेशन टाइम की ठीक है प्रिपरेशन टाइम की जो आपके मन में बेचानी है ना ऐसी मन में बेचैनी हमारे भी रहती थी ठीक है हाँ जब ड्रॉप किया था जिस साल तो उस साल क्या पेपर जब नजदीक आने लगता है तो इंसान कोशिश करता है कि उसकी मदद कोई दूसरा कर दे ये एक बहुत नॉर्मल सा ह्यूमन नेचर है तो मैं भी मदद करता था लोगों की कुछ मैथ्स में किसी को डिफिकल्ट आया डिफिकल्टी आई तो दो चार सवाल बता दिया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सेम थिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जो भी हमारे पीजी में लड़के रह रहे थे मैं सोच रहा था यार लास्ट के मूवमेंट पे जैसे कि हमें ये बात पता चल गई थी कि ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जिनको रटने से नंबर आ जाते हैं तो लास्ट मूवमेंट पे इस एरिया में इस टाइम पे आकर मैं वो केमिस्ट्री वाले वो चैप्टर मुझे मिल गया जैसे पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स और कुछ चीजें और थी छोटी मोटी रटने की तो मैं चाह रहा था कि मुझे कोई बिठा कर ये समझा दे जैसे मैं किसी दूसरे को कोई सवाल समझाता हूँ पहली चीज तो वो टॉपिक ही मैंने गलत सेलेक्ट किया जो समझाया जा सकता है पॉलीमर और ये मेघाल से रटने वाली ज्यादा है बाकी मैं कमेंट नहीं करूंगा केमिस्ट्री पर समझे तो मैं क्या है पूरे वो जो पीजी वाले लोग थे उनके डाउट वाउट बताता रहता था मैथ्स में कुछ भी वो बता देता तुरंत नए तरीके से बताना ये बता रहा वो मुझे अच्छा लगता था उसी चक्कर में अपने लपेटे गए अब मैं गया कॉपी लेके मैं दर दर भटक रहा हूँ भैया दो मुझे अच्छे तरीके से याद है दो फ्लोर थे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे तो अंकल अंटी रहते थे जो मालिक थे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे भाई साहब मैं कॉपी लेके घूम रहा हूँ मेरे को कोई पढ़ा दो और सब लोग इतने मतलब हरामी टाइप के बहाने मारने में बोले यार अभी पढ़ेगा क्या मैं कहाँ बोले अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा एक काम करना सुबह चार बजे मैं सोने लगूंगा तब आ जाना पढ़ने में तेरा दिमाग खराब है चार बजे थोड़ी ना कोई केमिस्ट्री समझता है इतना भी अपने अच्छे नहीं है बोले दूसरे के पास गया वो भी यही बोले यार मैं सोच रहा हूँ अपने दोनों मिलकर फिजिक्स पढ़ लेते हैं अरे मैंने कहा ये छोड़ वो मैं पढ़ लूंगा वो तुझे पढ़ा दूंगा बाद में पहले गणित की बता और सॉरी इसकी केमिस्ट्री की बता तो उस बेचैनी भरे दिनों में मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो बिठा के केमिस्ट्री समझा दे लास्ट में मुझे ये समझ में आया लास्ट में मुझे ये समझ में आया कि कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करता है आप किसी और की कर दो तो अच्छी बात है बट कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करता है जब आप नीड में होंगे हाँ आप लाख सर्च कर लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कोई ऐसा मिल जाए जो हमें सब कुछ करवा दे नहीं मिलेगा कोई लास्ट में जो एक ही इंसान धरती पर भेजा है भगवान ने आपकी मदद के लिए आप खुद खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है तो भैया कुछ नहीं ईगो हर्ट होगी ईगो हर्ट किस बात से हुई कि हम मेरे से कोई पूछता तो मैं तो बता देता हूं बट मैं किसी से पूछ रहा हूं तो कोई बता ही नहीं रहा तो मैं है मैं ठीक है भैया खुद ही पढ़ लेंगे पढ़ लिए वो दोनों चैप्टर इनफैक्ट केमिस्ट्री का कोई लेना देना आता पता ज्यादा आती नहीं थी केमिस्ट्री पढ़ हाँ वो दोनों चैप्टर जिस तरीके से हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया कि ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर्स याद करनी है ये चीज़ें आपको पढ़नी है पढ़ डाले और काफी हद तक रट भी डाले बट मुद्दा ये था कि वो केमिस्ट्री के बस वो दो तीन चैप्टर ही तैयार कर पाया अगर यही मेरे में एटीट्यूड और यही थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी पहले आ जाती और यही मेरी ईगो थोड़ी सी पहले हर्ट हो जाती उन्हीं प्रिपरेशन डेज में तो और अच्छी रैंक आ जाती ऑब्वियसली ठीक <laughs> है मलाल हमेशा रहेगा बट कोई बात नहीं ठीक है जी चलिए थैंक यू सो मच द मोरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूं खुद की मदद खुद करें ज्यादा किसी के ग्रुप स्टडी किसी पे डिपेंडेंट ना रहें कि वो आएगा वो पढ़ा जाएगा नहीं जी खुद पढ़िए हाँ, हम लोग आपकी हेल्प के लिए हैं इसके बाद की जर्नी आपकी खुद की है हमेशा ध्यान रखिएगा प्लीज ठीक है लव यू ऑल बाय बाय थैंक यू सो मच हैप्पी न्यू ईयर और मेरी भगवान से तह दिल से ये रिक्वेस्ट है कि जो नया साल आपकी जिंदगी में आ रहा है उसमें आप इवेंचुअली बहुत अच्छा ग्रो करें और जल्दी से अपनी फेवरेट आई और एनआईटी में पहुंच जाए ठीक है विद योर फेवरेट ब्रांच ताकि जब अगली साल मंजिल के लेक्चर इसी वक्त ठंड में चल रहे हो तो तुम अपने कॉलेज में बैठकर हॉस्टल में डले हुए हो, हो तब ये लेक्चर देख रहे हो बोले यार ये पिछले साल तो मैं भी देख रहा था बोले बड़ा कठिन समय था बहुत मुश्किल चीजें थी बट जैसे तैसे हमने पढ़ाई की बहुत अच्छा लगा जब आप बाद में इस चीज को इमेजिन करोगे तो आपके चेहरे पर ना चाहते हुए भी स्माइल आ जाएगी अभी तो ये सर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है बट आफ्टर ए टाइम दिस विल बी वेरी हेल्पफुल ठीक है हाँ तो अगली साल हम लोग यहीं पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको फिर से बोले ये तो हमें भी पढ़ाया था <laughs> अच्छे से पढ़ा था देखो मैं तो भैया आ गया हूँ बस यही एटीट्यूड रखना बाय बाय हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू मिलते हैं अगले साल